Welcome to the Roger Heather Warn. Please sit back, relax, and enjoy the show. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एंड हाय। मैं हूँ हैदर, राजा हैदर। वाप हैं शब के जागे हुए मुसाफिर, एक बार फिर राजा हैदर के दिल के पाताल में छुपे इश्क के हर कतरे से लबरेज प्यार और मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। एक और स्याह मगर चमकती हुई रात के साथ राज द लव एंजल आपके दिलों पे दस्तक देने के लिए हाजिर हुआ। एक खूबसूरत सा एक प्रोग्राम है जो कि टेस्ट ट्रांसमिशन समझ लो, कुछ चिट चैट समझ लो, थोड़ा सा अपडेट करना है हमने अपने सिस्टम को, तो हमने कुछ चीज़ें इसमें एड ऑन करनी है। तो ये जो एक मिक्स प्लेट टाइप का सेशन होगा जिसमें हर चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा टच करने की कोशिश करेंगे। इसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं है, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवाल ज़रूर पूछ सकते हो आप कि फ़लाँ 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 फ़लाँ, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख सकते हो क्योंकि उसके लिए आपको प्राइवेट मीटिंग करनी होती है, जो स्क्रीन पर लिखा है द राजा हैदर एट hotmail.com। आप इस पर जाके आ सकते हो, प्राइवेट मीटिंग होती है, वो पे करने के बाद ही आप हमसे बात कर सकते हो। जितने भी लोग अभी तक आए हैं उनको खुश आमदेद कहते हैं, दरूद पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने हमारे देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग अब हम में नहीं हैं। ये कायनात का जो सफ़र है ये बनता है, उठता रहता है। बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का गिला रहता है कि हमारी ज़िंदगियाँ एक जगह पे आके रुकी क्यों हैं। देखो, कुछ रिश्ते हम लोगों से वाबस्ता परवरदिगार ने जो बनाए बड़े खूबसूरत बनाए, माँ बाप का रिश्ता है, महबूब का रिश्ता है, मियाँ बीवी का रिलेशन है, औलाद का रिश्ता है, यहाँ तक कि दोस्तों सहेलियों का भी रिश्ते जो हैं ये भी हीरे की मानंद करार दिए गए हैं। नाजुल बलागा में ना कि मौला अली फरमाते हैं कि जो दोस्त हैं सहेलियाँ हैं ये हीरे जैसे हैं और जो बहन भाई हैं ये गोल्ड हैं। तो एक साहबी ने पूछ लिया कि मौला ये कैसे, मतलब ये हीरा तो बहुत महंगा होता है और गोल्ड? तो मौला ने फरमाया कि ये जो हीरा है महंगा ज़रूर होता है लेकिन जब वो एक बार टूट जाए तो बिल्कुल उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, वो जुड़ नहीं सकता। यानी दोस्त और सहेलियों में अगर कोई रंजिश आ जाए तो वो दिल 100% क्लियर नहीं होता, लेकिन बहन भाइयों में हज़ारों तबाहियाँ भी मच जाएँ तो वो गोल्ड को तोड़ो, आग में डालो, कुछ भी करो, वो गोल्ड ही रहता। हम इन रिश्तों को, चाहे वो डायमंड है चाहे वो गोल्ड है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें संभालना है कि नहीं। आजकल की इस दुनिया में जो नई थ्योरीज आ रही हैं कि इंसान के अंदर जो स्ट्रेस लेवल है वो कैंसर का सबब बनता है, वो हार्ट अटैक और फालज को जन्म देता है और वो आपको वक्त से पहले 20 साल बूढ़ा कर देता है। और वक्त से पहले बूढ़ा होने का मतलब 20 ईयर आगे जाते हो और हमारे सारे के सारे जो बॉडी पार्टिकल सब कुछ है वो सारे के सारे रेड ब्लड वाइट ब्लड सेल सब जीरो हो जाते, यानी आप 20 साल ज़्यादा जी लेते हो। क्यों? क्योंकि टेंशन, स्ट्रेस। किसकी वजह से? जो सामने है, दूसरा या दूसरे बहुत सारे लोग। अब हमारी जिंदगियां जब ये चलती हैं तो इनको संभालना कैसे है? हम तो उन रिश्तों के साथ जुड़े पड़े। सबसे पहले यहां मास्क अपने मुंह पे लगाने की कोशिश करनी है, अपने आप को सेटल करना है। देखो, एक्सट्रीम पे जाके अगर सोचोगे कि कोई भी रिश्ता हमारे साथ नहीं है, दादा नाना परदादा वो जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हो, यहाँ तक कि बहन भाई भी बीच में से बहुत सारे लोगों के छोड़ के चले जाते हैं जिन पे कभी गुमा भी नहीं होता कि ये हमारे से अलग हो जाएगा, अगर ये सब रिश्ते छोड़ के भी जाएंगे आपको जीना है। गम यहाँ है, खुशी यहाँ है, दो चीज़ें, ये कल्ब है और ये आपका ब्रेन है जिसमें लताइफ में से लतीफ़ा अना यहाँ पर जो है। अब अल्लाह ताला ने जो दिया है, कुछ फैसले कैसे होते हैं यहां से, यानी जो इश्क है, इश्क इलाही, इश्क हकीकी,
और इश्के मजाजी की अगर हम बात करते हैं तो वो फैसले दिमाग से नहीं होते हैं, वो यहां से होते हैं। मतलब वो दिल ने कहा, दिल ने चाहा, दिल धड़का, दिल धड़कना भूल गया। ये दिल की जो एक गर्दिश है, कभी तेज कभी कम, इसी में इबादत है। और वो मजाजी है या हकीकी है, दोनों इश्क में उसको इबादत ही कहा जाता है अगर नीयत सच्ची है। अगर आप यहां से प्यार करते हो कि ये अच्छा है या अच्छी है, इससे मुझे ये बेनिफिट होंगे, इससे मुझे ये फायदा हो सकता है, तो ये कारोबार है। इसमें नुकसान भी है, नफा भी है, और फिर इसमें तबाही भी है। इसमें बैंक करप्ट भी हो सकते हो क्योंकि आपने यहां से सोचा है। अब रिश्ते जब हम यहां से सोचते हैं तो कामयाब रहते हैं, यहां से सोचते हैं तो मारे जाते हैं। अब आप कहोगे भाई साहब ये क्या गलत सी एक चीज है, ये अजीब लॉजिक है, हम तो हर रिश्ते को दिल से कबूल करते, तो वो क्यों नहीं करते? आपको वो क्यों नहीं कबूल करते? वो तो आपके दिल के ऊपर छुरियां भी मार रहे हैं। यहां तक कि जो खून के रिश्ते हैं वो अपनी औलाद को, अपनी बीवी बच्चों को, अपने शौहर को, जो भी है, वो नहीं समझते। देखो अभी तकरीबन 20-25 डेज पहले की बात है, यूके से एक कॉल आई। जो बहन जी हैं उन्होंने फ़ोन किया, एक्स वाई जी बहन जी जो हैं, मेड इन यूके, यानी वहीं पे सिटीजनशिप वालिद की वजह से उनको मिली और वहीं रहीं, पढ़ लिख गई हैं। और वो एक जो पाकिस्तानी बेस्ड शादी होती है, अच्छा ये जॉब वहाँ नहीं करती, तो बड़ी मुश्किल से जब इनको एक फैमिली में फोर्स किया गया कि जी ये कज़न है, इनको बुलाना है, क्योंकि मीरपुर के लोग आपस में एक दूसरे को बुलाते रहते, शादी कर दो शादी कर दो। शादी खैर उसने टर्म्स एंड कंडीशन पे तय की, मुझे कुछ भी नहीं कहेगा, और ये माँ बाप को नहीं, उस बंदे को कह रही है कि मैं यहाँ की पली बड़ी हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे गोरे दोस्त भी हैं, मैं पीती भी हूँ, मैं ये भी करती हूँ, जो भी पार्टी में पार्टी बेस्ड गुफ्तगू थी। उस बंदे ने गधे को बाप कहने के लिए कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बहुत प्यार करूंगा, क्योंकि उस बंदे को सेटल होना था, जो कभी गुजर खान से निकला ही नहीं, जो कभी गुजर खान की दहलीज से भी नहीं निकला। सारी जिंदगी पिंड है, गन्ना है, कुत्ता है और दोस्त है। कुत्ते वाली उसके साथ भी होनी थी, जाहिर है तकदीर में। जब आप यहां से सोच के फैसले करते हो यहां की बजाय, नियत में खोट है कि मुझे वहां सेटल होना है, जो करना है करे। अब ये भाई साहब आ गए, निकाह हो गया, वो आई निकाह के तकरीबन 6-7 मंथ लग गए, और ये बड़ा बर्दाश्त किया कि मेरा वीजा क्यों नहीं हो रहा। एक बार रिफ्यूज हुआ, कुछ पेपर की कमी थी, क्योंकि लड़की जॉब नहीं करती थी, लड़की सेटल थी तो वो कुछ यूके बॉर्डर एजेंसी के रूल्स होते हैं कि जी काम करें, घर अपना हो, जो भी था, पेपर वर्क हो गया जी, इसका वीजा लगा और ये वहां पहुंच गया। शादी हुई, शादी के तकरीबन 7-8 महीने बाद लड़का अपनी औकात भूल गया। लड़की तो टर्म्स एंड कंडीशन तय कर चुकी है कि मैं ये हूं, मुझे इस तरह से कबूल करना, मैं तुम्हारे रंग में नहीं रंग सकती हूं, क्योंकि मैं अपने मां बाप की खुशी के लिए, वो वहां रहने के बाद भी मां बाप की खुशी, कुछ जायदाद नहीं, कुछ भी नहीं, कि मेरे मां बाप चाहते हैं, चलो मैंने कर ली, मैं आज की लड़की हूं, लेकिन उनके कहने पर मैंने शादी कर ली। वो जो है वो बात बात पे रोक टोक, ये कौन है, वो कौन है, किससे बात करे, फोन पे वो शक शुबा शुरू हो गया। उस लड़की ने बहुत बर्दाश्त किया, माँ बाप ने कहा होते हैं शौहर, ऐसे होते हैं हमारे मुल्क में ऐसा। खैर अब इन दोनों के बीच में जो कन्फ्यूजन शुरू हो गई, अब उस लड़की ने एक अपने घर में एक पेट, एक डॉगी रखा हुआ था, उस कुत्ते को इन्होंने वॉक करवानी है मियाँ जी ने, ये ड्यूटियों में शामिल था, क्योंकि उस टाइम पे लड़की को जो जॉब मिली थी वो इवनिंग टाइम पे था, जो भी वगैरह वगैरह। शॉर्टकट में ये हुआ कि टाइम गुजरा, वो जो एक पीआर कार्ड होता है जैसे ग्रीन कार्ड टाइप का कहते, वो स्टैम्प हो गई। अब इनको ये पता है कि अब अगर सेपरेट हो भी जाते हैं तो मुझे 2-3-4 साल बाद कभी पासपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन ये मुझसे नहीं ख़त्म हो सकता। और इसने जो भी कुछ करना था, ज़ाहिर सोच तो वही मेंढक कुएं वाली, इसने कुछ नीम की दवाइयाँ शवाइयाँ लेके खातून को रोज़ाना रात को गर्म दूध देना है, जूस देना है, तो वो उसमें डाल के दे दी, जो किसी फार्मासिस्ट ने बताया लोकल, जो पाकिस्तान में इंडिया में जैसे होते हैं कि भाई इससे पता नहीं चलेगा, और इसकी आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी और वो वक्त से पहले ख़त्म होना शुरू हो गई। उससे ये हुआ कि बेबीज प्रोड्यूस नहीं होते, आप सब कुछ ख़त्म हो गया। और एक टाइम ऐसा आया कि इस बंदे को जब वो कार्ड वार्ड मिल गया, जब सेटल हो गया, तो इसने उसको मारा पीटा। पुलिस ने वो डिस्टेंस के लिए कहा, मारा पीटा इसलिए कि तलाक हो जाए, माँ बाप ने भी कहा भाई, और सगे पुप्पू का बेटा टाइप। शादी हो गई, ख़त्म हो गई, तलाक हो गई, वो बंदा बहुत हैप्पी अपनी जगह पे जी रहा है। अब ये मैडम जी हैं, इनकी ज़िंदगी ने ली करवट, पूरी की पूरी करवट। क्या ली कि इनको अटैचमेंट हो गई 2-2.5 साल में,
वो अटैचमेंट ये नहीं थी। अच्छा, जब साथ रह रहे होते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीजों का नहीं पता। एक दो दिन के लिए जब बीवी घर से बाहर जाती है तो मियां को पता चलता है, भाई ये तो काम ही बड़ा अजीब है यार, ये हम तो संभाल ही नहीं सकते। कभी कभी मैं भी ये सोच रहा होता हूं कि यार अगर मुझ पे छोड़ा जाए पूरा घर, एक एक चीज की डस्टिंग, रोजाना कपड़े धोना, ये करना, मुझसे कितना कुछ होगा। हम तो अपना काम ही फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन औरत ये भी कर रही है। और मर्द के साथ अटैचमेंट हो गई, वो मोहब्बत में बदल गई, और जिस वक्त वो तलाक हुई तो मैडम ने पांव तक पढ़ लिए कि जो कहोगे, मैं बाहर का सब कुछ छोड़ तो चुकी हूं, अब मेरे लिए तुम। उसने कहा नहीं, क्योंकि उसके देवन से उसकी नियत में था कि मुझे तलाक लेनी है, और वो सो कॉल गांव की जो नूरा वूरा टाइप की बंदियां होती हैं उसके साथ ही शादी करनी है। पता नहीं उसी सोने दी सी मतलब अंगूठी, आगे कुछ भी समझ लो, गोरी रंगत पर न जाइयो गालिब। तो वो जो थी उस बेचारी के साथ ये हुआ कि वो अस्पताल चली गई। वो अस्पताल गई तो उसको डॉक्टर्स ने ये कहा कि आप को कैंसर है, इनिशियल स्टेज है, लेकिन अभी टाइम है, साल दो साल है, अल्लाह करे ये बेहतर हो जाए, लेकिन आपने स्ट्रेस फ्री होना है। नमाज रोज़े में लग गई और इतनी एक्सट्रीम पे इबादत में चली गई कि उनको ख्वाब में आने वाले वक्त का पहले से पता चल जाना, जो भी होना है वो हो गया। अब इन्होंने जब ये अल्लाह की तरफ से इबादतें बहुत सारी हुई, शी सेड कि आपके बहुत सारे वजीफे मैंने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वो एक्टिवेशन हो गई। फिर क्या हुआ कि उनको ख्वाब में एक दिन नज़र आया कि बहुत सारे लोग सड़क पे खड़े हैं और ये भाग रही हैं, बारिश हो रही है, और इन्होंने देखा कि एक शेडो है ज़मीन पे, कोई मरा हुआ नहीं लेकिन एक साया पड़ा हुआ है। तो इन्होंने देखा कि ये साया किसका है, तो वो कहते हैं तुम्हारा है, तुम्हारा है, और ये भागी और वो साया भी इसके पीछे भागा। इसका मतलब क्या है, जब ये शेडोज़ हो तो ये आपके सोलमेट, खामिंद, बहन भाई या किसी का, एक का जनाजे की ये पेशन गोई होती है। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के ख्वाब की ताबीर के मुताबिक अगर आप देखो, हज़रत इमाम जाफ़िर सादिक सलाम भी ये कहते हैं कि किसी अपने की मौत जो आपको बहुत ज्यादा अजीज है उसके साथ, इन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं, और ठीक 7 days के बाद उसी बंदे का एक्सीडेंट हुआ और वो बहुत शदीद, उसको चोटें आई और वो मर गया, और उस दिन बारिश भी हो रही थी। खैर, इनकी जिंदगी और बदल गई। अब यहां इसको रोकते हैं क्योंकि आगे आगे क्या क्या हुआ। यहां आपने एक लाइन देखी है जहां से शुरू हुआ, परवरदिगार ने जिसके मन को बदलना है उसके तन को पहले बदलता है। वो शादी का होना, वो उसका मरना, वो एक अलग कहानी है, वो अपने आमाल लेकर गया। वो जो शादी का होना है, उसके साथ अटैचमेंट का होना है, और उसके बाद दिल का टूटना है, वो टूटने के बाद एक ऐसी बीमारी का इल्म होना कि मुझे शायद इतना प्यार था कि मुझे कैंसर हो गया, उनके दिमाग में ये था, मुझे स्ट्रेस से ही होता है ना कैंसर। कैंसर किसी को जरासीम थोड़ी है जो हमारे अंदर जाता है, जितने लोगों को कैंसर होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है, सब स्ट्रेस से होता है यार। वो स्ट्रेस की वजह से ये सब कुछ हुआ। अल्लाह ने लाइफ बदलनी थी, कुछ अता करना था। अब उनकी हालत ये है कि वो सजदे में सिर्फ रोती और शुक्र अदा करती हैं कि परवरदिगार जो तूने किया मेरे साथ, जो जो हुआ वो अगर ना होता तो मैं तो तेरा दीदार ही ना कर पाती। मतलब मुझे किसी के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये नहीं है कि अल्लाह वाली हो गई कि बस जो कहें वो पूरा, उनके अपने लिए अटैचमेंट विद अल्लाह हो गई। अब आप ये याद रखो कि जो कलेजा है ना, यहां से फैसला लेना है तो फिर बदलना नहीं है, यहां वाले फैसले वाले हमेशा मारे जाते हैं। टेंशन फ्री रहो यार, जितनी भी जिंदगी है उसको बड़े मुख्तसर तरीके से गुजारो। पाकिस्तान इंडिया के शादियों का जवाल जानते हो क्या है, ग्रीन कार्ड। खुदा की कसम, किबले की तरफ मेरा मुंह है, जितने भी रिश्ते होते हैं उनका आगाज मुझे तुमसे मोहब्बत ऐसे होता है, तो मैं तुम्हारे लिए, तुम यहां के रह लो। कुछ ऐसे भी है ना चीटर मर्द और औरतें, यहां के रह लो, हमें क्या फर्क पड़ता। औरत को ये, मर्द को लगता है यार ये तो इनको तो परवाह ही नहीं है। लेकिन जिस दिन उनके हाथ में वो पत्ता आता है, वो धीरे धीरे अपनी औकात दिखाते हैं, इसलिए वो शादियां कामयाब नहीं होती। आपको अगर टेम्प्रेरी मैरिजेस करने हैं तो फिर बहुत सारे वे हैं, बहुत सारे फिकों में अलग अलग शराब बनी हुई है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं आपके थोड़े से सवाल और उनके जवाबों की तरफ कि आज हम क्या करने वाले हैं। डन डन, आज हमारे पास सबसे पहले
आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, हमारी टीम अमारा खान गैंग ये ब्लू टीम यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड सुपर चैट ज़रूर करना है आपने यहाँ पे, जहाँ पे आप चैट करते हो से समथिंग जहाँ लिखा उसके नीचे। ये देखो जैनब जी अली ने 5 पाउंड भेजे हैं, छक्का मारा सदका अपना। बहुत सारी दुआओं के साथ जैनब जी अली सलामत रहिए, परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, और जब ये होता है तो हम फायरवर्क करते हैं स्क्रीन पे ताकि सबको पता चल जाए कि ये सुपर चैट आया है कहीं से। तो जैनब बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपके माल में इजाफा करे, आपका ईमान हमेशा ताज़ा रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम नेमतें मिल जाएं। हमारे इंडिया वाले किधर हैं आज हम देखते हैं। और डेट ऑफ बर्थ मत लिखो, लारे बाप को सब यही समझा रहे हैं आपको बैन कर दिया जाए। एक सेकंड लगता है हमारी टीम को, बार बार जो एक मैसेज आ रहा है ना वो करें ना करें, भाई साहब हमारी टीम की तरफ से पता नहीं हमारी टीम करेगी नहीं करेगी, लेकिन कुछ शुभ काम मुझे भी करने होते हैं। आप हमारी स्क्रीन को गंदा मत किया करो, एक बात याद रखो, बार बार जो एक मैसेज आ रहा है ना वही कॉपी पेस्ट, जब जवाब देना ही है उसके लिए प्राइवेट मीटिंग करो आप, सिंपल। और यहां पे जनरल क्वेश्चन आंसर्स हैं, आप वीजे के मुतालिक पूछ सकते हो, आप जी स्टार्स में ये प्रॉब्लम हुई तो कब ठीक हो रहे हैं, आप अपनी डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ लिख के वो जायचे नहीं बनवा सकते हो, ठीक है। फ्रेंड स्टार आप देखो, यहां सब लोग ग्रे कलर के नाम है, व्हाइट कलर के जो आपको नजर आ रहे हैं, और जो हमारी टीम है वो ब्लू कलर के नाम है, एक ग्रीन कलर का स्टार नजर आ रहा है फ्रेंड स्टार जिन्होंने सलाम लिखा, और उनके आगे एक रेड कलर का क्वाइन है स्टार बना हुआ। ये है हमारी मेंबरशिप, यानी अगर आपने हमारी 1 महीने की मेंबरशिप ली या 24 महीने तक ली तो आपको सितारा मिल जाता है। कितने वाली ली है? $25 पर मंथ के लिए है, $50 के लिए है, $100 के लिए। ये पैसे भी उसी अनाज में जाते हैं जो किसी सफेद पोश के घर का राशन बनता है। तो ऑटोमेटिकली YouTube आपको एक ग्रीन कलर का नेम दे देगा, जैसे अभी फ्रेंड स्टार ने लिखा सलाम तो हमने पढ़ा, उनको हम ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि चलो यार ये हमारे मेंबर है, मेंबर्स के लिए अलग शो कभी हम बंदोबस्त करेंगे, ठीक हो गया। तो ये चल रहा है हमारा आज का प्रोग्राम। आज के शो का क्या टॉपिक? कोई टॉपिक नहीं है सर, मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये एक ओपन सेशन है, एक टेस्ट ट्रांसमिशन है द राजा हैदर शो जैसे पहले होता था, जिसमें म्यूजिक भी होगा, जिसमें शायरी भी होगी, जिसमें गपशप भी होगी, गॉसिपिंग भी होगी। आप स्पिरिचुअल कोई बात सवाल पूछना चाहो, ब्लैक मैजिक के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें हैं इस तरह की, वीज़ा इमिग्रेशन, क्रिप्टो करेंसी, बाइंग सेलिंग, कुछ भी, ये एक मिक्स शो है, जो आपके दिल में है वो पूछो, बतलाएंगे बच्चा। और सर प्लीज़ वर्गों की शादी वर्गों के साथ कैसी रहेगी बता दें, अच्छी रहेगी। और सर मुझे कोई ऐसा अल्लाह का नाम बता दें कि हर काम, ऐसा कोई अल्लाह का नाम बता दें जिसमें हर काम हो जाए, अल्लाह, क्योंकि अल्लाह का नाम अल्लाह है, अल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु। दूसरा सवाल है हमारे पास, मिलो मुझे भी, अच्छा मिलो मुझे भी नोटिफिकेशन नहीं आई, हैरत की बात है नोटिफिकेशन क्यों नहीं आई, मैंने तो भेजा है, मतलब किसी को नहीं आई। अभी हम घर से पूछते हैं सिमी मैम से कि उनको आई है कि नहीं। किरण 658 ने 5 पाउंड भेजे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, दुआओं में याद रखिएगा। किरण थैंक यू वेरी मच, आपके लिए फायर वर्क कर रहे हैं, परवरदिगार आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, अपने खजाने से इतना दे कि आप संभाल ना सको, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे, और दिन में जितने भी अरमान हैं वो कल का सूरज निकलने से पहले पूरे हो जाए। सो ये है हमारा दूसरा सुपर चैट, जितना कम सुपर चैट होता है उतनी जल्दी आंखें निकल जाता है। ओके जी, अब और क्या लिख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, जूबी खान, जूबिया किरण लिख रही हैं, जूबिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं। फरजंद अली खान कह रहे हैं सर एरीज के लिए शादी का बता दें, एरीज की शादी ज़रूर होगी। समिया खान कह रही हैं प्लीज़ सर कैप्रिकॉन का भी बता दें, कैसा मैच है और कैप्र क्या मतलब, क्या ये सवाल क्या लिखा है, प्लीज़ कैप्रिकॉन का बता दें कैसा मैच है, मतलब चलो पहले ना बाप की क्या इसलाह करूं मैं। टॉरस गर्ल लिब्रा बॉय मैरिज कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी। अच्छा जी हमारे लिए, हमें आई है नोटिफिकेशन, महविश भट्ट को आई, क्यों लाहौर में चली जाती है, लाहौर में मेरा खास यूट्यूब वालों के साथ अच्छा तालुक है। अभी जेम्स कह रही है सर कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी लाइफ, थैंक यू, सेम टू यू जी। दानियाल जफीर कह रहे हैं तुमसे रिक्वेस्ट है कि कैसे से अकाउंट को, हो सकता है मुझे नहीं समझ आया क्या लिख रहे हो आप। दानियाल पहले लिख तो लो सही से कि हम पढ़ें क्या। शोएब अली कह रहे हैं जाऊं तो जाऊं कहां, सब कुछ है राजा साहब के चैनल के बगैर दुनिया क्या है, नहीं समझ आया मुझे, ले बाबा बहुत अच्छा ऐसे काम करते हैं, जो कोई अच्छी चीज होगी उसके लिए हम ये क्या करेंगे मुझे, ताकि ये हो जाए आपके लिए भी, ये करेंगे जब भी कोई अच्छी चीज होगी। वाओ वेरी गुड,
जबरदस्त और बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का हमारे प्रोग्राम, क्योंकि आप जैसे अच्छे अच्छे लोग आज मौजूद हैं। अच्छा जी, जेमिनाई की शादी स्कॉर्पियो के साथ कैसी रहेगी? शाजिया सुहेल बहुत अच्छी रहेगी, टर्म्स एंड कंडीशन तय होने के बाद कि एक का एंगर ज्यादा है, दूसरे का ट्रस्ट इशू है, तो इस वजह से, लेकिन शादी अच्छी रहेगी। डिपेंड करता है डेट पर। ये वाला मैच बिल्कुल इंस्टेंट मैच है, टी बैग वाली चाय की तरह का। अच्छा जी, ये क्या लिख रही हैं समरा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम समरा, क्या लिखा था आपने? आपका तो मैसेज ही भाग गया समरा, सॉरी, भाग गया आपका मैसेज। किधर है, मैं फिर भी ऊपर जा रहा हूँ। हाँ, ये लिखा, अस्सलाम वालेकुम जी, किसी रैंडम इंसान को जब वली अल्लाह की रूहानी तवज्जो मिलती है तो उसका क्या क्राइटेरिया है? उस इंसान को रूहानी तवज्जो मिली, क्या क्राइटेरिया होता? मैं समझा नहीं आपके सवाल को, लेकिन मैं बताता हूँ। आपने जो लिखा है, रैंडम इंसान को जब वली अल्लाह की रूहानी तवज्जो, रैंडम इंसान, जो एक आम इंसान, उसकी आप बात कर रहे हो। सबसे पहले तो अल्लाह ने उस रैंडम इंसान को चुना है क्योंकि वो डिजर्व करती या करता है कि उसकी राह में जाए, वो दीदे इलाही की तरफ सफर करे। वो अल्लाह ताला चुनेगा, वो जिनको चाहता है हिदायत देता है, कुरान में लिखा है। वो जिनको चाहता है दोस्त रखता है, वो जिनको चाहता है इल्म अता करता है। तो जो इल्म अता करने वाली चीज है वो बंदा चुनेगा। अब वो जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी नीयत अच्छी होगी, वो चोर उचक्के को नहीं उठाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कातिल है, किसी ने इस्लाम को कभी कबूल ही नहीं किया, ऊपर ऊपर से और अल्लाह कहे इसको वली अल्लाह की तवज्जो हासिल है इसको, ऐसा नहीं है। वो दुनियादारी रहेगा। रैंडम इंसान के लिए जो शरायत है उसका सच्चा होना, ताहिर और ताहिरा होना, उसका बातिन का पाक होना, और मोहम्मद आले मोहम्मद से इश्क का होना। मुझे कोई दुनिया में एक सच्चा वली अल्लाह बता दो जिसके दिल में हुब्बे अहले बैत ना हो, मोहम्मद आले मोहम्मद का इश्क ना हो। आज लोग ये कह रहे होते हैं कि जी ये जो तबरुकात हैं ये तो शिर्क है, ये आप किसी चीज की जो सिंबॉलिक चीजें हैं उसको हाथ लगाना, चूमना, ये करना, ये तो शिर्क है। देखो, बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फेल देखते हो ना, सही मुस्लिम में देखो, जितनी भी अहादीस हैं उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार अपने जो मुंह मुबारक हैं, बाल कटिंग करवाए, और वो जो बाल मुबारक हैं वहाँ पे जितने भी साहबी थे उनको दिया कि ये लो अपने पास रख लो तबर्रुकन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजवाज हुजूर पाक की पर्दा नशीनी के बाद जनाब उम्मे सलमा से एक रिवायत है और है, उनकी बहन के पास एक जब्बा था ब्लैक कलर का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पहनते थे। कोई भी शख्स शदीद से शदीद बीमार होता था या परेशान होता था तो वो जब्बे का एक कोना लेके पानी में डालते थे और वो पानी देते थे। ये क्या है, ये क्या है? मतलब हुजूर की कोई भी चीज, हुजूर के वजूद से जुड़ी हुई या उनकी आल, आल तो है ही, ब्लड है वो, सच्चा खून है, जुड़ी हुई कोई भी चीज बेमतलब नहीं। अल्लाह ताला ने, सोचो उस जब्बे में ऐसा कि जब तक आयात हैं जिसको भी वो मिल रहा है शिफा याबी हो रही है, अंधे को आंखें मिल रही हैं, बीमार को शिफा मिल रही है, कैंसर है तो कैंसर खत्म हो रहा है, उसका ये कमाल है। तो हुजूर की बॉडी और उनकी हीट और उनके बाल और हर चीज की क्या खासियत होगी, उनका पसीना इकट्ठा किया करती थी अजवाज में। आपने अगर हदीस में पढ़ा है तो हुजूर पाक ने फरमाया क्यों इकट्ठा कर दो, पूरे घर में इससे खुशबू आती है, मैं अपने जिस्म पे लगाती हूं, यानी परफ्यूम के तौर पे जो पसीना मुबारक है वो यूज होता है। अच्छा, अब क्या है कि इसके लिए चुना जाएगा किसी एक को। अगर वो यहां तक है कि हम उनको भी मानते हैं, इनको भी मानते हैं, उनका कुछ भी नहीं होने वाला, और अगर आंख उठा लेंगे, रहानी तवज्जो मिल जाएगी, तो फिर वली अल्लाह तय करेगा कि इसके जिम्मे कौन कौन सी ड्यूटी लगी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, ब्लू टीम हेल्प मी सर, सुपर चैट कैसे करते हैं? ये नहीं पता दानियाल, आपको मैं एक तरीका बताता हूँ, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। जैज कैश वैस से बिल्कुल नहीं होती सुपर चैट, आप अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, मैं बताता हूँ। और दूसरा ये है कि अगर पाकिस्तान में हो, नहीं हो रही, तो फिर आपको VPN, जो फ्री वाला VPN होता है, वो डाउनलोड करना है, उसको ऑन कर दो तो लिस्ट आ जाएगी कौन कौन से यूरोप के, अमेरिका, कैनेडा, किसी भी एक मुल्क को ऑन करो, और फिर आप अपने बैंक कार्ड से, जो नॉर्मल डेबिट कार्ड होता है उससे आप सुपर चैट कर सकते हो, और लिख देना ऊपर एक जगह होती है कि मैं यहाँ से हूँ, मैंने ये सुपर चैट किया। ठीक है, चलो। अच्छा जी, आगे है, जर्नल रीडिंग होती है। अच्छा, ये तो आप जवाब दे रहे हैं। एरीज एंड पाइसिस की शादी हो जाए तो अच्छा है।
और ये रीज़न पाइसिस की शादी। सर मुझे स्मोकिंग की बहुत स्मेल आती है, जुबिया खान कह रही हैं, मोस्टली रात को आती है और बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा देखो, ये जो स्मेल्स हैं बैड एंड गुड, दो वजह, अगर घर में कोई सिगरेट नहीं पीता, आप किसी ऐसे बेडरूम में हो जहाँ बाहर गली में नुक्कर पे लोग खड़े हैं सिगरेट पीते हैं, अगर वो नहीं है ऐसा, आपका कमरा बिल्कुल सेफ है, ऐसी स्मेल्स आती हैं तो फिर आपको चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल है ग्रीन मैजिक का, जिसमें आपको बैड स्मेल्स आना शुरू हो जाती हैं, ब्लड की, पसीने की, और ऐसी जैसे जला हुआ गोश्त है इस टाइप की स्मेल आना शुरू हो जाती है, और आपको अपने नाम के इसमें आज़म लेने होते हैं, पानी पे दम करते हो, पीते हो और बिल्कुल ठीक हो जाता है। एरी स्कॉर्पियो की शादी कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी सिकलैन अली। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम? बिल्कुल ठीक है। खाद में ग्रेप्स देखना कैसा होता है, ये तो आप गूगल पे लिखो, पता चल जाएगा, मेरे ख्वाब ऐसे नहीं होते हैं। अंगूर देखना, घोड़े की ताबीर बता दो, फलां की ताबीर कैसे देखना, जब सिर्फ देखना है तो मुबारक है, रिस्क में इजाफा होता है, इसका जवाब ये। लेकिन डिटेल जानने के लिए वो क्यों देखे? आपको पता है ना, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में भी वो जो एक बंदा जिसने झूठा ख्वाब बयान किया और एक ने सच्चा बयान किया, उसमें भी वो अंगूरों वाला अगर तस्करा आपने पढ़ा हुआ तो पता होगा, तो ख्वाब पूरा बताना पड़ता है, मैं ऐसा था या ऐसी थी, मैंने देखा ये हुआ वो पूरी डिटेल, वो यहाँ तो नहीं पता चलती, वो ईमेल कर सकते हैं duraja@hotmail.com पे। अच्छा जी, एंजल नंबर 38 को डिफाइन कर दें परवीन, इसके लिए हमने अपने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हबीबा इदरीस है हमारे साथ, हेलो जी कैसे हैं? चलो जी, हमारे घर में भी कुछ हैं जिन जो हमें नज़र आ रहे होते हैं जी, मैंने हमारे घर में भी कुछ है जो नजर आते हैं, वो सिर्फ मुझे नजर आते हैं, अगर आपको नजर आ गए तो ये और बात है। इधर आइए मैम, जरा लोगों से हेलो हाई कर लें ताकि लोग देख लें कि कौन है। ये हैं सिमी मैम, जरा सा आगे हो जाएं जी, यहाँ अब आप बड़ी भी नजर आ रही हैं और अच्छी भी नजर आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं जी? सबके ठीक ठाक हैं, मजे में, वन फिट, और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के साए में रखे, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें, अल्लाह सबकी मुश्किलात को हल करे जी, परेशानियों को दूर करे, और वेलकम करते हैं जी अपने शो में। आपकी तो ईद ही नहीं खत्म हो रही, जैसे पीछे हो जरा सा, आपकी अंगूठियां अब नजर आ रही है मैम, और बहुत पीछे मत हो जाना वरना गिर जाओगे आप। नेल पॉलिश अभी लगाई है ना आपके व्हाइट शर्ट पे, लगा कोई बात नहीं, व्हाइट शर्ट भी तो आप ही ने खरीद के दी हुई है, ये वाली तो एक और खरीद देना, क्योंकि मेरे पास खत्म हो गई थी व्हाइट शर्ट सारी, ज्यादा पाकिस्तान में थी, इमरजेंसी में चाहिए थी, तो मैम ने कहा ये ले ले आप, मैंने कहा आई होप कि आप सब खुश हो गए होंगे, क्योंकि हमने स्टार का शो बिल्कुल अलग कर दिया, उसकी वीडियो हम बना रहे हैं फटाफट से, खटाखट से बनाते हैं, और जिसने सिर्फ वीडियो देखनी है स्टार्स की, तो आप सिर्फ वीडियो देखें स्टार की और चिल करें, और बाकी जिन लोगों ने गपशप वाला शो पसंद करते हैं, जो बाकी क्वेश्चन आंसर और शायरी और सब कुछ, उसके लिए हम अलग से प्रोग्राम करेंगे। ये आपने जो अनाउंसमेंट की उसके लिए जी। अच्छा, अब आप मैसेजेस लोगों के आ रहे हैं। मैम सबा हेयर सर जी, अच्छा जी मैम जी बहुत जॉर्जियस लग रही हैं, जॉर्जियस अच्छा जी, एरीज एक्वेरियस शायद बहुत अच्छी रहेगी जी। अच्छा बानो मलिक, और सर प्लीज गाइड कर दें कि कामयाबी और जिंदगी, अच्छा ये आगे चल के आप सवालों के जवाब देते हैं, अभी मैम आई, मैम से जो सवाल पूछना चाहें। अभी किसी ने लिखा था जी मेरा स्टार कैप्रिकॉन है, और आपने तो बताया था जी हालात ठीक हो जाएंगे, मामला जिंदगी के बेहतर हो जाएंगे, मगर मेरी तो शादी भी टूट गई है, कोई रिश्ता भी नहीं है, और जिंदगी जो है बड़ी खराब है। देखें सर ने कहीं ये नहीं कहा था कि आपकी लाइफ ठीक होगी या नहीं होगी, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कैप्रिकॉन हूँ, तो हैप्पी मैरिड लाइफ, हस्बैंड ब्यूटीफुल, हसीन, खूबसूरत, प्लीज है, तो दुबई में 360 व्यू के घर में रहती हूँ, जहां पर कोई आम बंदर नहीं रह सकता, अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और खुश हूँ, हैप्पी हूँ, और आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के पाक ने कौन सी खुशी, कौन सा आराम और कौन सा सुकून नहीं दिया, तो आप अपनी पर्सनल प्रॉब्लम का जिक्र किया करें। और दूसरा ये कि ये डे वन से ऐसा नहीं है, हम वन बेडरूम के बहुत बुरे से घर में भी हमने जिंदगी गुजारी है, बिल्कुल समझ आ गई, उसमें भी बहुत हैप्पी थे, तब भी हैप्पी होते थे, कि खुशी का ताल्लुक घरों से नहीं है, ये तो अता है अल्लाह ताला जब नेमतें दे रहे हैं, जैसे औलाद नेमत है, एसी नेमत है, हीटर नेमत है, सर्दी में हर चीज, जैसे गैस नहीं आती पाकिस्तान में, आ जाए तो कहते हो बड़ी नेमत है, इसी तरह बहुत सारी बीवियां जहमत है, प्लीज हाँ बहुत जहमत है, गलत जो गल फिर निकल ही सर मुझे मैंने रोज अच्छा चलो आगे चलते हैं जी, और क्या लिखे मैम आपने, ब्लू सूट पहने बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू, और हेलो सिमी मैम भाई, हेलो सैयद मुनव्वर अली कैसे हैं आप, ठीक हैं, और सर जी प्लीज औलाद के लिए बिल्कुल अभी देंगे जी, वजीफा अपना पर्सनल जाती ही होता है मामला, जैसे हम दो बहनें हैं जिनका कैप्रिकॉन स्टार है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह यूके
और यहाँ दुबई भी, और उसके अलावा भी माशाल्लाह से बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ सैरें की हैं, घूमी हूँ फिरी हूँ। और मेरी बहन बेचारी जो इस्लामाबाद से जाती है ज़्यादा वगैरह पर, लेकिन वैसे ऐसा कहीं नहीं गई। उसके साथ थोड़ी हेल्थ के प्रॉब्लम चलते हैं, उसके रिलेशन के हवाले से कुछ ना कुछ उसके मामला जो हैं वो ख़राब रहते हैं। तो अब हम दो ही बहनें हैं, एक ही घर में पैदा हुई हैं, और आप देखें एक कैप्रिकॉन की लाइफ को देखें और दूसरे कैप्रिकॉन की लाइफ को देखें, तो यहाँ आपका अपना पर्सनल मामला हो जाता है। अब वो मुझे कहे ना कि जी मैं कैप्रिकॉन हूँ तो मेरे साथ ये सब क्यों नहीं है, तो उसकी लाइफ उसके साथ है, मेरी लाइफ मेरे साथ है। बिल्कुल सही है। प्लीज चेक जरूर करवा लिया करें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आमना कह रही हैं ब्लू सूट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल और दिल बना के भेजा उन्होंने। और रेशम चौधरी कह रही हैं आप रिपीट करती रहा करें, रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा जी, और क्या रिपीट करती रहूं जो भी बातें या दुआएं और वो सब। देखो अभी जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, जब हम कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ ये नहीं है कि हम ज़बानी अल्हम्दुलिल्लाह कहें। जैसे अब सारा दिन मैं घर के काम खुद करती हूँ, मेरे पास कोई हेल्प नहीं है, कोई मेड नहीं है, मैं खुद सारे काम करती हूँ घर के। नहीं करें मेड नहीं करते हैं आप, तो सारे काम मैं खुद करती हूँ। और इस वक्त आके मैं यकीन माने मुझे, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है और जब एसी चलते हैं तो मेरी तबीयत ख़राब होती है, उससे मेरी नेक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, नेक में पेन शुरू हो जाती है, शोल्डर में पेन शुरू हो जाती है। लेकिन आप देखें मैं जब आपके सामने आती हूँ, मैं हंसती हूँ, बोलती हूँ, अच्छे से तैयार होती हूँ, ये सब अभी मैं तैयार हुई हूँ, इवन मैंने ये नेल पेंट अभी लगाया है। तो ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि सारा दिन काम के बाद भी अगर थक जाते हैं, अगर जिस्म दर्द भी कर रहा है, मगर फिर भी कहना है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक आपने सेहत ज़िंदगी दी तो हम सारा दिन काम कर सके। और यही है, शाम को अगर थके आ रहे आप आ रहे हैं या काम के बाद अगर कहेंगे हाय मैं तो थक के टूट गई, अगर सर बांध लिया या मर्द आके और कहें हाय जी हम तो बहुत थक टूट गए, हाय ज़िंदगी तो बस ऐसी है, बस क्या करूं, ये करूं वो करूं, आप यकीन करें ये जो जहन है ना, जो जो हम सोचना शुरू करते हैं हमारी बॉडी उसी तरह वर्क करती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो जब हम ये जुमले बार बार कहते हैं ना तो हमारा जो स्ट्रेंथ का लेवल है ना, एनर्जी है, वो डाउन होना शुरू हो जाती है। और वो इतनी डाउन हो जाती है कि हम रात तक बिल्कुल कहते हैं बस कहीं एक पड़े रहें, हमें कुछ छेड़े बिना। इसके बरक्स अगर आप खुद से ये कहेंगे ना अल्हम्दुलिल्लाह सेहत थी तो मैंने सब काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और कोई बात नहीं अभी एक चाय पीऊँगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी। या बंदा जो बाहर से आया वो कहे अभी मैं जाता हूँ, जाके मैं नहाता धोता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, खाना खाऊंगा और इंशाल्लाह मैं फ्रेश हो जाऊंगा। अच्छा नहाता तो बंदा है, धोता है मुंह धोता है, हाथ धोता है, तो नहाने में सब कुछ धोना होता है ना, वो धोता है। तो अगर ये वाले जुमले दोहराते रहेंगे तो एनर्जी लेवल अप होगा, बिल्कुल होगा, और आप स्ट्रांग भी होंगे, आप पॉजिटिव भी होंगे। तो ये सोचने का अंदाजा है, हम जो कुछ सोचते हैं हमारी बॉडी उसी तरह वर्क करती है, और हम रूहानी तौर पे स्ट्रांग तभी होते हैं और हम जिस्मानी तौर पे भी तभी स्ट्रांग होते हैं जब हम अच्छा बोलते हैं, अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। नेगेटिव ही सोचते रहेंगे, नेगेटिविटी हर वक्त फैलाएंगे तो फिर लाइफ में कभी भी अच्छा ही नहीं होगा। बिल्कुल सही, रेशम चौधरी कह रही हैं, इसका सवाल का जवाब आप दें। सर लोगों को यूट्यूब और टिकटॉक के अलावा न्यू काम करने के आइडियाज हैं? न्यू काम तो बहुत सारे होते हैं, मगर क्योंकि ये शॉर्टकट हो गया ना, एक शॉर्टकट। जैसे कल मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो देख रही थी, यूके में दो बच्चे हैं और वो उनकी एक दादी हैं और वो मिलके वीडियो वगैरह बनाते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत मुझे अच्छे बच्चे वो लगते हैं। तो वो उनकी दादी हमेशा ये कहती हैं कर मजदूरी तो खा चूरी, मगर अब ये मामला उलट हो गया। अब जो मजदूरी करता है उस बेचारे को तो दाल भी नसीब नहीं है, मगर जो ये शॉर्टकट से आके नाच गा के कुछ भी करके और ये दिनों में लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो वो मजदूरी और चोरी वाला एक मामला अलग हो गया। मगर शायद हमें ये तालीम नहीं दी जाती कि कर मजदूरी और खा चोरी, हमें यही कहा जाता है कि जी जल्दी से जल्दी पैसा कमाने कहाँ कमाया जाता है। तो जी टिकटॉक और यूट्यूब के अलावा जब भी कोई शॉर्टकट आएगा, कोई नया एक रास्ता आ जाएगा जहाँ रातों रात आपको हजारों लाखों डॉलर मिलेंगे तो लोग वहाँ चल पड़ेंगे। बिल्कुल सही, क्योंकि क्रिएटिव काम करने वाले लोग भी कम नहीं है और काम भी कम नहीं है, मगर क्योंकि उसमें इतनी जल्दी पैसा नहीं आता, इतनी जल्दी फेम नहीं मिलता, नेम नहीं मिलता,
तो फिर लोग उस तरफ नहीं जाते। देखो बहुत सारी चीजें हैं, ये बिल्कुल एक सही है, लेकिन आप कहते हो कि उसके अलावा काम करने पहले अपने आप को डिस्कवर तो करो। आप क्या चाहते हो? आपको मैथ्स पढ़ाना अच्छा लगता है, बच्चों के साथ अच्छा लगता है, आपको गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, दुनिया की किसी भी हॉबी को बिजनेस बनाया जा सकता है, वो सोचो, फिर हम बताते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। आर्ट एंड क्राफ्ट से आपका लगाव है तो आप उससे उसको अपना बिजनेस बना सकते हो, आपको एजुकेशन से लगाव है तो आप उसको अपना, जैसे देखें इतने इतने एजुकेटेड लड़के लड़कियां खवातीन हैं जो सिर्फ और सिर्फ सारा दिन झाड़ू बर्तन करते हैं और बस उनकी जिंदगी वहीं आके रुक गई है, तो फिर वो तालीम कहाँ गई, वो डिग्रियां कहाँ गई? उनको मुझे लगता है इस्तेमाल करना बड़ा जरूरी होता है और क्रिएटिव काम करना बड़ा जरूरी है। तो आप पहले खुद को तलाश करें कि आप में क्या है, तो फिर उसके अलावा आप फिर। समीना भी कह रही है आप हमारे लिए बहुत सी हिम्मत के लिए शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। और आप ब्लू ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही हैं, वो आप बाद में पढ़ लीजिए, फालतू के मैसेजेस हैं, इनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी। और आपके अपने अंदर होता है, जैसे आपको पता है हमें भी पता है, यहाँ पर आके बहुत सारे लोग बैड कमेंट भी कर रहे होते हैं, बुरी बातें भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमें गालियाँ भी दे रहे होते हैं, हमारी शक्ल पे बात कर रहे होते हैं, उम्र पे बात कर रहे होते हैं, हर एक चीज़ पे आके यहाँ पर भौंक के चले जाते हैं। मगर मुझे लगता है वो वाले ना, वो वाले भौंकने वाले हैं जो हमारी गाड़ी के नीचे धूप या बारिश में बैठते हैं और जब गाड़ी चलती है तो वो पीछे दौड़ते जाते हैं और वो करते रहते हैं, हालांकि उनका ना गाड़ी में बैठने का मकसद होता है और ना वो गाड़ी खरीद सकते हैं। पुराने जमाने में भी बुजुर्ग ये मुहावरा बोलते थे, पहले तो गाड़ियां नहीं थी, कुत्ते भौंकते रहते हैं काफिला गुजर जाता है, तो जो कारवा है इसका गुजरना जरूरी तो है। अगर हम दो चार उन लोगों को सिर्फ अहमियत देंगे, अगर उनको जवाब देंगे या उनकी बातों पे कुड़ते रहेंगे, रोते रहेंगे कि इन्होंने ये क्यों कह दिया और वो क्यों कह दिया, हम उसको पॉजिटिव इस तरह लेते हैं कि जहाँ चाहने वाले होते हैं वहाँ नफरत करने वाले भी होते हैं, कहीं हम किसी को अच्छे भी लगते हैं, किसी को बुरे भी लगेंगे। कुछ बातें हमारी अप्रिशिएट कोई करेगा, लेकिन कोई डिसएग्री भी करेगा, नहीं 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 जी हमें तो ये पसंद नहीं, आप ये गलत कह रही हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, हर एक को हक होता है। तो हम सिर्फ पॉजिटिव लोगों की बातों को पॉजिटिव लेते हैं, मोहब्बत करने वालों के हम चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और हम उसको इंजॉय करते हैं, उसका कहते हैं जश्न मनाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में हम उन तमाम प्यार करने वाले लोगों की लिस्ट भी बताएंगे जो हमसे इतना प्यार करते हैं, तो फिर वो एक दो चार लोग और इतनी मेहनत करके कोई कुछ लिखता है तो हमारी टीम जस्ट एक सेकंड भी नहीं लगाती और वहां से उसको डिलीट और ब्लॉक कर देती है, हम तक भी नहीं वो मैसेज पहुंचता। तो आप अपने अंदर नेगेटिविटी उतार रहे हैं, आपका दिमाग, आपको दिमागी बीमारियां होंगी, आपको जिस्मानी बीमारियां होंगी और एक दिन उन्हीं बीमारियों में आप खत्म हो जाएंगे। जिसके लिए आप कह रहे हैं उसको तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं है, तो मैं ये कहती हूँ कि फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आम जिंदगी में भी आपके रिश्तेदार, आपके मिलने वाले, आपके दोस्त अहबाब अगर कुछ करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, आपकी हिम्मत को तोड़ते हैं, तो आप सिर्फ उन लोगों को देखा करें जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपकी हिम्मत है और आपके साथ हर दुख दर्द में खड़े रहते हैं। अगर कोई एक भी है ना, उस पर अल्हम्दुलिल्लाह करें, उसके साथ खुश रहें, और वो बाकी तमाम लोग जो आपके खिलाफ है ना, उनके बारे में कभी सोचें भी मत, अपनी जिंदगी आसान होगी। नहीं, अगर कोई शादी शुदा तो सोच ही नहीं सकता ना, दिमाग तो उसका खराब हो गया शादी करके, तो वो बिल्कुल रहता है, वो जो बीवी सोचेगी वो करेगा। हाँ, वैसे करना तो वही चाहिए जो बीवी को सोचना चाहिए, और बीवी ये सोचे कि वो सुबह सारे काम करे, बर्तन भी वही धोए, और जब लाइफ जा रही हो तो एक अच्छा सा कप चाय का भी बनाए। अच्छा मैम, भी पूरा ड्रेस दिखाएं, पूरा ड्रेस है वीडियो में ऑलरेडी। हाँ, है ये तस्वीरें बनाई हुई है, आप इसी चैनल पे देखें जो ईद के ड्रेसेस हैं उसमें हैं, और अगर आप बाय भी करना चाहते हैं तो मिल जाएंगे, इसमें मीडियम और लार्ज दोनों बिल्कुल सही आपको साइजेस अवेलेबल, बिल्कुल साइजेस अवेलेबल हैं जी, 100% एग्री। सिमी जी रंबट कह रही हैं, और रजान जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं एरीज हूं, मेरी वाइफ सजिटेरियस हैं और मेरी वाइफ मेरे पीछे पड़ी, नहीं 9 महीने से डिवोर्स मांग रही है इनकी बीवी। हाउ लकी यू आर रजान, लव यू यार, प्लीज। मैं तो देती हूं, मेरे लेते ही कोई नहीं है, देख क्या करूं, उसे तो रोज कहती जाए पक्की यार, मतलब हिम्मत है बीवी के, ये होती है बीवियां। अच्छा, अगले नो अगे लाए है तुझे, मतलब टंगे मेरिया भी, मेरी भी काम पे टांग रही है। अरे सर, क्या कभी इक्वेरियस पर ऐसा वक्त आएगा जिंदगी में कि सब जादू इक्वेरियस पे क्यों आएगा? इसका जवाब ही नहीं, मतलब इन्होंने फिका हलवा नमकीन अला वो खिलाना चाहिए, इन्होंने जवाब मिल जाएगा। माजा बोथ ऑफ यू ब्यूटीफुल, थैंक यू, होटल में समथिंग न्यू अफशा, वो कह रही है कि जरा वो पोज, हां मैंने तो बहुत मारे पोज, हां
ठीक तस्वीरें बन गई, ऐसी होती है ना फेक फेक की तस्वीरें। टीम हमारी कहती है ना सर मेरे भाई की शादी के बारे में बता दें, उसकी शादी हो जाएगी उसके लिए। मेरे भाई की शादी के बारे में बता, उन्हें कुछ भी नहीं, हो जाएगी उसकी शादी। जिस तरह का सवाल आएगा वैसा ही जवाब आपको मिलेगा इस शो। हम हमारे हवाले से भी लोग मुझे पर्सनल जो है फ्री में सब पूछ रहे होते हैं, तो प्लीज ये काम नहीं करें। ये हमारा इल्म है और हमारी भी रोजी रोटी है। अच्छा यार इसको जवाब दे दो, अहमद ने कोई 20,842 दफा ये सवाल पूछा है कि सर आप खड़े होके क्यों शो करते हैं? हमारी मर्जी बस। एक मिनट इस पे तालियां बनती हैं, इस पे हम कहते हैं हु आर यू, हु आर यू अहमद, मतलब मैं तालियां बजा दूं फिर आपको इसके जवाब में कभी ना कभी। ये तालियां जरूरी थी अहमद। अच्छा उसकी वजह यह है कि आप खड़े हम चेंज लाते हैं, हमें एक जैसे शोज नहीं पसंद, हमें एक जैसी लाइफ नहीं पसंद, हम एक जैसे व्लॉग नहीं बना सकते, एक जैसा सब कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नया हर रोज करना चाहते हैं। अभी 3-4 दिन जो हमारे ईद के शो हुए हैं द गेम चेंजर सीमी हैदर, आप वहां जाके देखे, वो हमने सोफे पे आराम से बैठ के शो किए हैं। सोफा और अस्सलाम वालेकुम सीमी मैम, मारिया ने पूछा है, मारिया जो उन्हें एक टप्पा मारिया फिर मेरे को गाल कर मेरी सिस्टर कह रही है किंजा कह रही है अच्छा। ऐसा हंसी मजाक भी हो रहा है, वाह क्या ग्रेट शो है। थैंक यू किंजा, लाइफ इसी का नाम है, लड़ाई झगड़ा करें और थोड़ी देर बाद फिर ठीक हो जाएं, फिर हंसें बोलें खेलें सब करें जी। कैसे खेलें वो क्या खेलें? खेल में बताओ ना क्या खेलेंगे, क्या खेलें जो दिल करे। अच्छा जी जेड़ा दिल कर दे जी, कबड्डी खेल लो। अच्छा जी स्टार्स आयन गेल ये ईयरली मंथली वीकली, अच्छा ये तो जवाब है किरण 658 कह रही है सिमी मैम बहुत प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह जी। थैंक यू किरण, आप भी प्यारी लग रही थी और अभी मर्द के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बात सही है मर्द कभी भी गाइज नहीं होती, कुल्ला नहीं कह लिया करूं गाइज। अच्छा मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूं, जब कोई बोले ना कि हेलो गाइस तो आपको पता है क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं करना, उनको कहना है कि राजा साहब का शो देखें ये वाला। कहां जा रही हो? ये थी हेलो गाइस। अच्छा देखें जिन लोगों की लाइफ में ना प्रॉब्लम चल रही है, जब हम यहाँ पर आते हैं आपको बहुत सारी चीजें बताते हैं, जैसे हमने बहुत सारे वजायफ बताए हुए हैं जो टिकटॉक सीमी हैदर राजा पे भी हैं, आप जाके वहाँ देख लें। उसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम पे फेसबुक वो फैन पेज है, राजा हैदर सीमी हैदर फैन पेज है, एक यूएसए के नाम से और यूके से, आप उन दोनों पे भी जाएंगे वहाँ आपको बहुत सारे वजायफ और जो राजा हैदर अमल भी बताते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल सही, ठीक हो गया, ये भी आपको बताते हैं और आपको मोटिवेट भी करते हैं, आपको वजायफ और अमल भी बताते हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे होते हैं। मैं हमेशा आपको कहती हूँ लाइफ में अगर बहुत प्रॉब्लम है, ख़ास तौर पर आपके मौशी मामलात को लेकर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो शेयरिंग एंड केयरिंग करें। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी दुआ करें ना अल्लाह हमें दे दे, इतना दे दे कि हम भी किसी की हेल्प करें। लेकिन जब अल्लाह देगा ना उस वक्त तो सभी कर लेते हैं, इस वक्त आपको ज़रूरत है ना, जिन लोगों के मसाइल ज़्यादा हैं उनको ज़रूरत है, तो एक के बदले 10 का वादा जब उसने किया है, तो इस वक्त अगर 10 रुपये भी हैं ना तो उसमें से 2 रुपये किसी को दे दो, 2 के बदले फिर 10 आ जाएंगे, तो आपके जो है ना आपके मल्टीप्लाई होते रहेंगे। शेयरिंग एंड केयरिंग शुरू कर दें, किसी की भी हेल्प कर दें, एक रोटी पास है आधी रोटी किसी को दे दें वो भी शेयरिंग एंड केयरिंग है, किसी भूखे को आपने खाना खिलाया अल्लाह ने खुश होकर आपके लिए आसानियाँ कर दी। इसके अलावा परिंदों को दाना डाला करें, घर में एक प्याला रख लें उसमें पानी डालें, एक प्याले में दाना डाल दें, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उनकी दुआएं यकीन करो इतनी लगती हैं। और फिर एक और काम भी करना है, जब वो चहचहाती हैं ना खा के वो खुशी का इजहार कर रही होती हैं दुआ देती हैं, तो उस वक्त उनको आवाज दे के कहो कि आप हमारे लिए दुआ करो, मेरा ये मसला है, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरा वीजा नहीं लग रहा, मेरी जॉब का नहीं हो रहा, मेरी हेल्थ ठीक नहीं हो रही, मेरे रिलेशन ठीक नहीं हो रहे, बिलीव मी आपकी दुआएं कबूल होंगी, क्योंकि वो अल्लाह की हर मखलूक आपकी बात सुनती है। फिर प्लांट से बातें किया करें, पौधों से बातें किया करें, अगर आपके घर के करीब कोई साहिले समंदर है, दरिया का किनारा है या बीच साइड जैसे हमारे इधर बहुत सारे हैं, आप वहाँ चले जाएं खुले आसमान के नीचे, आप उस पानी के साथ बातें करें, अपनी सारी दुआएं उनके हवाले करें, आप देखें आपकी जिंदगी के मसाइल कैसे हल होते हैं। मछलियों को दाना डाला करें,
ये तमाम वो मखलूक हैं जिनके लिए जितना करेंगे उतना आपके लिए आसानियाँ होंगी। और ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं ना, जो जैसे कहते हैं ना कि वो कुकिंग के लिए टिप्स बताएं, तो या स्किन की टिप्स बताएं, बालों के लिए टिप्स बताएं, तो हमारी खुशहाली की ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं। फिर रिज़्क का एहतराम बड़ा ज़रूरी है, जैसे हमेशा मैं कहती हूँ रात को बर्तन, और इन्हें पता है कि हम ये बर्तन रोज धो के सोते हैं, नहीं करें ना रोज, हम दो या ढाई बजे, दो ढाई बजे हमारी सहरी टाइम होता था और 3-3:15 बजे बर्तन धुल जाते थे, चूल्हा साफ हो जाता था, किचन भी बिल्कुल क्लीन करके और दरवाजा हम बंद कर देते हैं। उसके बाद होटल नहीं खुलता हमारे घर में, जब हम डिनर टाइम कर लेते हैं ना, फिर कोई किसी को भूख नहीं लगती ना, बार बार कोई किचन में जाता है। तो एक ये भी है कि हम रिस्क का एहतराम कितना कर रहे हैं, ऐसा ही है। वो आजकल नहीं हो रहा बिल्कुल भी, तो फिर जिंदगी में आसानी। अच्छा जी, ये कौन है हमारे साथ? ये भाई साहब हैं, और भाई साहब कहाँ गए? सलाम कह रही सिमी मैम, कैसी हैं आप? और कौन है हमारे साथ यहाँ पे? लेट्स टॉक कह रही, सीरियसली आपका शो बहुत मजे का है। थैंक यू वेरी मच जी। दानियाल सर, रूहानियत वाली इब्तदाइया ज़रूर वो करेंगे अपने शो में, इसमें भी हम प्रोग्राम करेंगे। और अभी अब्दुल रहमान लिख रहे हैं, सर मैं आपके साथ दुबई की कनेक्टिंग फ्लाइट में था। हाँ, लकी नहीं आई एम कि मैं आपके साथ था। और हिना गए, कुछ मुझे अपने वो स्क्रीन का प्रोटेक्टर लगवाना था, वो जो अभी S23 अल्ट्रा है ना, तो वो कर्व वाला है थोड़ा सा, तो वो जो है उस पे उसका प्रोटेक्टर जो है ना फ्रंट स्क्रीन का, वो लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वो पहले जब लगवाया है तो वो खराब हो गया था, आज वो करवाने गए तो वहां भी काफी सारे फैन मिल गए जी, तस्वीरें बनाए, सेल्फियां बनाए, फौरन ही मैंने मास्क निकाल के पहना। मैंने कहा लोग तो खुश होते हैं, आप जो है फौरन मास्क लगा के भाग जाते हैं। अच्छा जी, और क्या है? सजय बोल रहे हैं, ऐसी चीजों से ही अब बात करनी चाहिए कि आपको लोगों की तरह मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग कहते हैं ना हमारे साथ बात करने वाला कोई नहीं है। आप कल ये मेरी नकले उतार रहे थे ना कि मैं प्लांट्स को ज्यादा पानी वगैरह मैं खुद ही देती हूँ, तो कल ये कहते फिर ये कैसे बातें कर रहे थे, ये मेरी पूजू कैसे हुए, आप छोटे वाले आपका क्या हाल, पत्ता खराब हो गया। मैंने कहा भाई साहब मैं बावला लग रहा हूँ, क्योंकि ये करती हैं, ये मैं करती हूँ, और इसीलिए फलते फूलते हैं वो। आप यकीन करें, एक एक टैनी मनी प्लांट से मैंने कोई 50 पौधे बनाए। हाँ ये तो है, ये मैं उनमें दिल लगाती हूँ। मैं नेगेटिविटी में, मैं टीवी हमारे घर में लगता ही नहीं, मैं टीवी देखने की नहीं, आप देखते हैं ना वो हर वक्त, नहीं नहीं टीवी की बात नहीं कर रहा, नेगेटिविटी नेगेटिविटी, इसीलिए तो आपसे दूर खड़ी हूँ मैं, भाग जाओ इधर से। तो मैं ड्रामास नहीं देखती, फिल्में नहीं देखती, मैं खासतौर पर तशद्दुद वाली, लड़ाई झगड़े वाली या प्लानिंग मर्डर मिस्ट्री तो बड़ी देखती हैं, जिसमें खासकर खामिन का कत्ल हो और चॉपर दिखाऊंगा, इतने बड़ी बड़ी छुरियां जो मंगवाई हुई हैं आपने, मतलब मर्डर मिस्ट्री, और इतनी मर्डर मिस्ट्री इन्होंने देख ली है, कब इनके पास एक ऐसा उन सबको देखने के बाद, जैसे मनी हीस्ट है ना वैसे ये हस्बैंड हीस्ट है। प्रोग्राम पूरे के पूरे तैयार है, आपको लिखना चाहिए, थोड़ा सा हमारा पाकिस्तानी ड्रामा चेंज हो जाएगा, यकीन करें। खामिन को कत्ल करने के तरीके और क्या, ये भी है, पहले इमरान डाइजेस्ट आता था, सिमी डाइजेस्ट आया। शुरू में हुआ कि जब रमजान शुरू हुए और एक दो जो आके तनकीद करते हैं उन्हीं ड्रामों पे या रिव्यूज देते हैं, उन्होंने रज के बुराइयां की, ये कोई ड्रामा है, डायरेक्टर ने क्या लिखा है, ओवर एक्टिंग की दुकान, और इतने बड़े बड़े स्टार हैं और कितनी बेहुदा एक्टिंग कर रहे हैं। थोड़े दिन गुजरे वही तारीफें कर रहे, मैंने कहा लगता है अदाकार डायरेक्ट घर पहुंच गए और घर ही पहुंच गए, कुछ तारीफ कर दिया साड़ी, तो वो ही उन्हीं की राय बदल गई, मैं तो हैरान हूँ। फिर उन्होंने क्या किया, बड़े बड़े स्टार्स को मिन्नत की, जरा प्लीज माली ट्वीट कर दो ना, ड्रामा बड़ा अच्छा लिखा। अच्छा वो स्टार्स कर रहे, नीचे तमाम आवाम कह रही है 2 रुपए का ड्रामा था, 0 था ड्रामा, जरा अच्छा नहीं था और फनी और पता नहीं क्या कुछ, तो मतलब आवाम जो है वो कोई आपको बेवकूफ पागल नजर आती है। अब ड्रामे का क्राइटेरिया बदल गया भाई, जब से आपने नेटफ्लिक्स और ये अमेज़न प्राइम और इन पे ड्रामा इंग्लिश के देखना शुरू किए, पर्शियन इटालियन, फिर अब हमारे वाले यकीन करो कि बड़े बुरे लग रहे होते हैं, वो ये कहानी को किरदार बदल बदल के, राइटर बदल के, डायरेक्टर बदल के, चैनल बदल के वही ड्रामा पेल रहे हैं, और आप पहले सीन में ही बता देते हैं कि एंड इसका क्या होगा। ठीक है, अच्छा देखें जी, जब अच्छी चीज होती है तो हम अच्छी चीज देखते भी हैं, उसकी
उसकी तारीफ भी करते हैं, जैसे अगर नहीं अच्छे लग रहे ड्रामे, नहीं अच्छे लग रहे तो नहीं लग रहे, अगर पाकिस्तानी फिल्में नहीं बना रहे आप काम की तो हम नहीं देखते, क्यों अपना पैसा और वक्त जाया करें, हम नहीं देखते। अभी भी वो मनी बैग जो है उसके बारे में इतने लोगों ने बैड रिव्यू, लोग मांग रहे हैं कि साड़ी मनी तो जी बैग कर दो, कैडी बुरी फिल्म, इतना क्राउड आया है देखने। भाई फर्स्ट टाइम तो लोग आएंगे ना देखने, जब आपने बड़े बड़े नाम उसमें रखे, पहले दिन 3.5 करोड़ का जो टिकट बिका वो तो ईद वाले दिन तो जाहिर है बड़ी कास्ट थी, रिव्यू तो तभी देंगे ना जब सिनेमा से बाहर निकल रहे हैं तो वो बुराइयां कर रहे हैं, फिर एक बंदे ने भी अच्छाई नहीं की हुई तो आप क्या कहते हैं, फिर वो सारे लोग पागल तो नहीं है। तो वहीं अगर हम बात करते हैं तो हमने देखी पंजाबी फिल्म, ठीक हो गया, और हमने क्या नाम था भाई बाबे अन्ने, क्या नहीं पता नहीं, कोई कुछ ऐसा ही नाम था, उसमें इफ्तिखार ठाकुर थे हमारी तरफ से और दूसरे कौन है, नासिर चुनौती थे और उधर से एमी थे, और इतनी को अच्छी फिल्म थी ना? अगर आप हाँ मतलब हंसना चाहते हैं नॉन स्टॉप अच्छे सब्जेक्ट के साथ देखना चाह रहे हैं, नहीं 2023 और जो जाहिर है बहुत अच्छा है, नासिर चुनौती ने जो काम किया है ना जॉइंट एक एक जुमले पे एक एक जेस्चर पे हंसी आई है, मजा आया है और दिल किया है कि फिल्म देखी जाए। तो जहाँ अच्छा काम होता है हम अप्रिशिएट करते हैं, फिर वो कहीं भी हो सकता है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा तो जी, और ये हो रहा है, अस्सलाम मैम जी, अस्सलाम वालेकुम वालिक साहब जी। अच्छा अभी जितने लोग आए प्लीज लाइक को हिट कर दें क्योंकि आप लोग देखने वाले ज्यादा है, मेरा भी एक चैनल है जी। अच्छा The Game Changer, सीमी हैदर, मैं दिखा देता हूँ लोगों को, और सीमी कौन कौन है जी, मतलब क्या क्या है, जरा आप पढ़े गौर करके पढ़े। ये था जी हमारा बहुत जबरदस्त सा प्रोग्राम है सीमी हैदर, और आखिर में जो मैंने थैंक यू और लिखा है और आपके प्यार मोहब्बत का, और यकीन माने दोनों हाथों से थैंक यू सो मच, आप जितना मुझे अप्रिशिएट करते हो। तू ही कर लो शो, हट जाओ, मेरा शो नहीं, मैं नहीं करना, बस जाओ, बस मैं नहीं कर रहा हूं, जाने दे, छोड़ें। तो जितना आप ज्यादा मुझे सपोर्ट करते हैं, जितना प्यार देते हैं, और जितना मेरे लिए जितनी प्यार वाली बातें मुझे भेजते हैं, खासतौर पर सुबह जब मैं जागती हूँ और इंस्टाग्राम पे इतनी मोहब्बत आप भेज रहे होते हैं, अभी ईद मुबारक के ही कोई शुमार ही नहीं था, हज़ारों के हिसाब से मैसेजेस आए, तो बहुत लकी हूँ जी कि इतनी प्यारी फैमिली मिली, इतने अच्छे लोग मिले, और ये हमारी फैमिली जो है आपने देखेंगे इसमें बहुत कम लोग हैं जिनके कोई यूट्यूब चैनल होंगे, व्लॉग वीडियो कुछ बनाते होंगे, ये सिर्फ हमारी मोहब्बत में आते हैं, प्यार में आते हैं, और सालों से हमारे साथ हैं, 7-8 साल से माशाल्लाह माशाल्लाह ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। हमारी टीम के जो लोग हैं वो तो हैं, मगर उसके अलावा भी अगर ये ब्लैक में भी जो नाम नजर आते हैं, देखा भगा दिया ना अब्दुल रऊफ भाई, देख लें, ये होती हैं बीवियां, बीवी तो राजा दर के बगैर भी मैं शो कर सकती हूँ, बहुत अच्छा शो कर सकती हूँ, इनको लगता है कि शो ही नहीं कर सकती, मत आना आप, वहीं रहें, बैठ गए मुंह बना के बैठे हुए, पर इनको ये नहीं पता, कोई परवाह नहीं होती किसी को, कोई वो बना रहे जो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सीमी को तो पड़ता कोई नहीं, थोड़ी देर बाद खुद ही ठीक हो जाएंगे, तो प्लीज ऐसे हों सब लोग। अच्छा मैंने देखा जैसे ना कुछ किसी ने मुझे बताया कि कोई कह रही थी कि जी जो ख्वातीन होती हैं मासियां होती हैं, हम सारा दिन मासियों की तरह घर में काम करते हैं, और जब हम किसी फंक्शन में जाते हैं तो हम मॉडल लगते हैं, भाई क्यों मासियां हम होते हैं, हम कोई मासियां नहीं है, हम सारी क्वींस हैं, क्वींस, कोई अपने हस्बैंड के दिल की क्वीन है, कोई किचन क्वीन है, कोई घर की क्वीन है, अपने बच्चों की क्वीन है, हम तो क्वीन ऑलवेज ऐसे ही तैयार रहती हैं, अच्छे रहती हैं, तो लोगों को ये मोटिवेट करो कि हर रोज़ अच्छा तैयार हो, ज़रूरी नहीं है मेकअप करें,
फैशन करें, बट डेली क्वीन की तरह अपने आप को रखना है। हम क्यों, हमको कभी कभी वाला जमाना चला गया जिसमें लोग औरतें मासियां बन के रहती थी, गंदी मुंदी रहती थी, और पता नहीं आप कौन सी दुनिया की बातें करती हैं कि मासियां होती हैं। कोई मासियां नहीं है, क्वींस हैं, सब क्वींस हैं। जितनी भी इस वक्त देख रही हैं ना, वो सब अपने अपने घरों की और अपने शोहरों के दिलों की क्वींस हैं। तो क्वींस ऑलवेज ऐसी रेडी रहती हैं। ठीक हो गया? हाँ जी, क्या बात है आपको? ना आए, वहीं रहे। अच्छा खाना दे दिया। मैं नाराज नहीं होके गया था, मैं वो चेक करने गया था कि चॉकलेट्स, ये बड़ी जबरदस्त चॉकलेट नहीं खड़ी रहे, बेशक उधर ही खड़ी। ये देखो कितनी अच्छी चॉकलेट्स हैं, इसके अंदर सारे फ्लेवर। मैं ये लेने के लिए गया था, ये पर्पल मेरी है, पर आप ले सकते हैं। और ये किस किस को पसंद है, और इसमें से कौन सी वाली चॉकलेट पसंद है? मुझे ये वाली पसंद है, ये तुम रहते हो। रेड मेरी हो गई, एक ब्लू मैं खा लूंगा, इतनी चॉकलेट। मैं येलो खा लूंगा, और एक मैं ये गोल्डन खा लूंगा। नहीं जी, इतनी कोई नहीं खा लूंगा। और इतनी चॉकलेट्स होने के बावजूद भी जस्ट एक चॉकलेट निकालनी है और उसे खाना है, तब जाके आप फिर मुझे आके कहेंगे कि सिमी हम कैसे अपना वजन कम करें। तो ऐसे ही करें, कितना डब्बा डार्क चॉकलेट आप एक ही। मैं रख रहा हूँ, जो लिख रहे हो लिखो, मुझे कोई परवाह नहीं। अब मेरा मूड और अच्छा हो गया। हाँ, बिल्कुल। चॉकलेट आपके मूड को बहुत अच्छा करती है। अगर आप लो फील कर रहे हैं तो आप एक चॉकलेट खा लें। इसके बीच में जो नट्स हैं, ऑफ क्वालिटी स्ट्रीट्स, पर्पल हेजलनट, हाँ वही नहीं दी मुझे, मैंने रेड वाली खाई लेकिन उसमें भी है। ओ चॉकलेट तो बहुत है, खाते नहीं है। अच्छा जी, अभी जो अभी अभी आए हैं उन लोगों को हम ये कहेंगे कि एक तो सुपर चैट कर दो, एक टेस्ट मारने लगे हैं हम। इसके साथ साथ हम अपने इस प्रोग्राम की थोड़ी सी, कौन सा टेस्ट मारने लगे हैं, थोड़ा सा चेंज देने के लिए कुछ और चीज़ें। पहले सवाल जवाब पढ़ते हैं और वो बीच में कहीं हम ऐड करें। मैम जी, सर जी, क्या आप बता सकते हैं इंसान पर ड्राइवर नंबर का क्या, कौन सा ड्राइवर नंबर का क्या असर होता है, और डेस्टिनी नंबर आमना नूर जहाँ से ये सुना है उन्होंने पूरी डिटेल भी तो बताई है ना, यही असर होता है जहाँ से सुन के आई हो, हमारे शो से रिलेटेड चीज़ें पूछा करो यार जो आपके काम आए। ज़्यादा ना उसमें मत जाया करें, जो आपको आम बताते हैं ना कि आपके नाम जो है, नाम को अगर नामों के स्पेलिंग आप ठीक नहीं लिखते ना, जैसे बहुत सारे लोग जो है ना नकवी लिखना है तो वो लिख देंगे एन ए के करके लिख देते हैं, अपने नाम से स्पेलिंग बना देते हैं। कोई सबा है तो एक्स से लिख देगी, जहरा है तो एक्स से जहरा लिख देगी या जहरा लिख देगी। तो ये वाले मामलात भी जो है ना वो भी आपकी जिंदगियों को खराब करते हैं। आपका जो अपना एक नंबर होता है ना जिससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है वो नहीं। अच्छा, एक और कहानी है जो आपको हम अपने शो में तो मैंने बहुत दफ़ा बताया लेकिन शायद इस शो में कभी बात नहीं की। आपके हाथ में जो मोबाइल है अब आपका वो पूरी एक दुनिया है, आपकी पूरी एक लाइफ है, क्योंकि उसके अंदर ही आपने हर अपना डाटा जो है वो सेव किया होता है, उसी में आपकी हर चीज़ सेव होती है। तो आपने हमेशा हमेशा कोशिश करनी है, जो भी उसके ऊपर आप फ्रंट पे एक तस्वीर आपकी लगाते हैं ना, कोशिश किया करें कि उस पर कोई भी मजहबी एक अच्छी आप लगाया करें, कोई चीज़ अल्लाह का नाम लगा दें, पंचतन पाक का लगा दें, कुछ भी ऐसा जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लगा दें, कुछ भी लगा दें। वो जब आप ओपन करेंगे ना तो वो आपके लिए बड़ा लकी होगा। उसके अलावा जब भी आप अपने फ़ोन को ओपन करते हैं, चाहे आप थंब से ओपन करें या आईज से ओपन करें, बट दिन में 4 से 5 मरतबा आप अपने पासवर्ड से उसे ज़रूर खोला करें, और कोशिश करें कि अपना जो आपका डेट ऑफ बर्थ है ना उसके डिजिट जो 4 या 5 हों उसमें से वो आप ज़रूर लिखें। वो उससे आप जब ओपन करेंगे, अब अपनी लक को ओपन करते हैं, अपनी किस्मत को ओपन करते हैं। बहुत दिन से जो आपकी किस्मत सोई हुई है ना, आपके काम नहीं हो पा रहे, आप उससे ओपन करें। बिलीव मी एक महीने के बाद आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कितना अच्छा चेंज आता है। और कभी भी स्क्रीन सेवर या कुछ भी ऐसे होते हैं उसमें कभी भी बहता पानी मत लगाया करें। हर वक्त रोते रहेंगे, हर वक्त दुखी रहेंगे, हर वक्त परेशान रहेंगे, बार बार पे रोना आएगा और ये मामलात आपके ख़राब होंगे। इसी तरह कभी भी जंगल की, बियाबान की या बहुत इस टाइप की जो होती है ना तस्वीरें, वो नहीं लगाया करें। कोशिश क्या करें, खुले आसमान की तस्वीर लगाएं, अच्छे से गार्डन की, बागों की, फूलों की लगा सकते हैं आप, वो आप लगा दें। कोई अच्छी सीनरी हो, कोई अच्छा मंज़र हो, वो भी आप ज़रूर लगा सकते हैं, मगर इन 2-3 चीज़ों से परहेज़ किया करें। इसी तरह जो ख़वातीन बहुत जल्दी रो पड़ती हैं,
बहुत जल्दी डिसहार्ट हो जाती हैं, किसी ने एक जुमला एक लफ्ज़ भी कुछ बुरा कह दिया, दिल से लगा लिया, आप कोशिश किया, आप देखा करें, बल्कि आप नोट करें, इस अगले एक हफ्ते में नोट करें और हफ्ते बाद मुझे आके बताएं कि आप ऐसा करती हैं कि आप मुंह हाथ धोएं या ब्रश करें तो नल खुला रहता है, पानी बहता रहता है, आप अगर घर में सहन धो रही हैं या गैराज धो रहे हैं अपना कारपोर्ट धो रहे हैं तो आपका पानी जो है बिला वजह बहता रहता है, क्या आप ऐसा करती हैं? अगर करती हैं तो आप इस आदत पे कंट्रोल करें, अगर इस आदत पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप देखिएगा बहुत जल्द आपकी ये आदत जो है वो आपकी स्ट्रेंथ में बदल जाएगी, कि आपको कोई कुछ कहेगा भी नहीं तो आपके हु आर यू ये करोगी, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये भी चीजें, इसी तरह घर में काट कबाड़ ना रखा करें, ये नेगेटिव एनर्जी है, ये आपके घरों से रिस्क को निकालता है, आपके घरों में लड़ाई झगड़े करवाता है, तो अगर घर में काट कबाड़ है तो जल्दी से जल्दी उसे निकालते रहा करें। खास तौर पर सीढ़ियों के नीचे अगर आप बहुत ज्यादा काट कबाड़ रखते हैं, बेड के नीचे काट कबाड़ ना रखा काट कबाड़ की तरफ मेरी तरफ बार बार इशारा क्यों करें सीढ़ियों की तरफ आपके बेड के नीचे मैं ही काट कबाड़ अक्सर होता है ना वो जो सीढ़ियां होती हैं और उसके नीचे जगह होता है सीढ़ियां नीचे से ऊपर जा रही होती है ना तो उसके नीचे पुरानी पेटी रखी होगी पुराने डब्बे रखे होंगे टीवी का या वॉशिंग मशीन का पुराने डब्बे वहां पड़े होंगे टूटे फूटी चीजें साइकिल टूट गई वहां रख दो कोई मशीन टूट गई वहां रख दो वैक्यूम ओवर हेलो शिफा शिफ्रीन कैसी हैं आप मासूमा कैसी हैं आप ठीक हैं सब लोग आपको कह रहे हैं जी प्यारी लग रही हैं आप और मासूमा कह रही हैं मैम जी आपने मुझे सजेशन किया था कि कलर मैंने वो वेयर किया था पहना नहीं था इसने वेयर किया था और मेरी क्या हो गई डलनेस एंगर सब कम हो गया है जैसे मासूमा ने मुझे ये कहा था कि मैम आप कहती हैं कि अगर आप में हिम्मत नहीं है अगर आप डल हुए हो तो आप डार्क कलर पहनो लेकिन क्योंकि मुझे साथ साथ एंगर इशू भी बहुत है मुझे गुस्सा आ रहा है बात बात पे भड़क जा रही हूँ मैं तो फिर मैं क्या करूँ तो फिर मैंने कहा ये देखो जैसे ये रॉयल ब्लू है अब ये आपको भड़काएगा भी नहीं और ये आपको पॉजिटिव भी करेगा और ये आपको स्ट्रेंथ भी देगा एनर्जी ड्रिंक का काम भी करेगा तो आप ऐसे कलर पहनो ब्लू के अच्छे अच्छे रंगों में जाओ ग्रीन के अच्छे अच्छे कलर्स में जाओ आप रेड ना पहनो ऑरेंज ना पहनो और येलो ना पहनो जरूरी नहीं है ठीक है जी तो वो कह रही है कि वो काम कर गया और काम कर गया बिल्कुल सही है पता चले पीछे कोई और भी काम कर गया नजर नहीं आ रही है मुझे हबीब अद्रीस थैंक यू किन्जा बहुत शुक्रिया अम्बरीन फातिमा थैंक यू मुजम्मिल शिजा थैंक यू जी और कौन कौन है फातिमा असगर सलाम कह रही हैं वालेकुम सलाम सब आसिफ और शाजिया गुल गुल तो गुल है गुल का एतबार क्या कीजिए शाजिया आपका कर सकते हैं हम गुल का एतबार नहीं कर सकते वो गुल नहीं होता वो दिल होता है दिल तो दिल है नहीं दिल तो दिल का एतवार क्या कीजे आ गया जो किसी पे प्यार क्या कीजे अच्छा जी थैंक यू और हाँ 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 ये महविश ने लिखा है और हाँ वो तो बहुत पहले से आई हुई हैं रो भाई कह रही हैं नहीं मैंने जब भी देखा रो भाई का नाम नजर आया रो भाई वो मुसलसल लिखते हैं अच्छा जी और क्या लिखा फराफात कह रही हैं कुछ भी नहीं और वालेकुम अस्सलाम रामेला और सर इक्वेरियस ये कौन लिख रहे हैं सबात लिख रहे हैं कह रहे हैं सर इक्वेरियस मेल इक्वेरियस फीमेल की मैरिज कैसी रहती है अच्छी रहती है बहुत अच्छी रहती है बस चॉइसेस के साथ थोड़ी सी उनके बीच में शुरू में बहुत गुफ्तगू होती है और फिर उसके बाद थोड़ी सी खामोशी आने लगती है तो क्योंकि ये होता है ना जो एक्वेरियस मर्द है ना अगर आपने शादी की एक्वेरियस मर्द जो होगा ना वो उसके अंदर 99% माँ होती है वो अपने बच्चों के साथ इतनी मोहब्बत करता है और अपने बच्चों के लिए बहुत टची होता है रिश्ते निभाना हाँ जैसे उनको कुकिंग में घुसने का बड़ा शौक होता है घरदारी में बड़ा शौक होता है फिर जरा सी हवा भी चलेगी तो वो कहेंगे बच्चों को गर्म कपड़े पहना दो इसका पाँव क्यों नंगा है इसके साथ तुमने ये क्यों तो ये चीजें जो है ना ये कभी कभी लड़ाई झगड़े का वजह बनते हैं बीवी कहती है हर वक्त आते हैं तो बस ये कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं तो अगर एक्वेरियस आपके हस्बैंड हैं तो आप थोड़ा सा उनकी इस आदत को समझें कि वो अपने बच्चों को लेके अपनी फैमिली को लेके थोड़े से टची होते हैं या ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करते हैं तो आप उनके आने से पहले ही बच्चों को जूता पहना दो आप अगर देख रहे हो कि ठंड है तो आप बच्चों को पहले गर्म कपड़े पहना दो अगर घर गंदा है तो आप उनके आने से पहले सफाई कर लो और कुकिंग उनकी मर्जी की बनाओगे तो जी फिर तो उन्होंने खुशी खुश रहना और अगर खामिन कुछ बुरा करके आया तो बीवी का जूता चुपा दो अच्छा जी लुकिंग प्रिटी सिमी मैम हिट सॉन्ग कह रही हैं आपको सर जी आपने मेरा मैसेज रीड नहीं किया बख्तावर
थैंक यू. आई एम बिग फैन ऑफ यू. नौशीन खान, हाय नौशीन, कैसी हैं? थैंक यू. अच्छा जी, सुफियान खान कह रहे हैं, ओ सजी आपकी आवाज बहुत अच्छी है, आप सॉन्ग क्यों नहीं गाते? मुझे को मौका नहीं देता. अरे देखो, मैं तो जरा खामोशी देता हूँ, एक छोटा सा क्या सुनाऊं इनको. खामोशियां एक साज है, तुम धुन को इलाहो जरा. खामोशियां अल्फाज हैं, कभी आगुन गुला ले जरा. बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा. खामोशियां तेरी मेरी जूतियां वो पड़ी हैं. इतने शोर से खामोशियां, खामोशियां गुनगुनाती हैं. आप सोचो अंदर ही अंदर, और वो खामोशी से खामोशियां शोर करती हैं, शोर करते हैं अक्सर तन्हाइयों में. टॉपसी, हेलो टॉपसी, कैसी हैं? और बाकी आप लोगों के लिए आज जाहिर है जो भी क्वेश्चन आंसर आप करना चाहो किसी भी तरह का, वो आप देख सकते हो. अच्छा एक चीज़ और देख लो कि यूरोप ने अभी थोड़ा सा 5 मंथ के लिए रिलीफ दिया है. अगर आप यूरोप का वीज़ा लेना चाहते हो, आप स्टडी वीज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके बैंक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया किस्म की चाहिए. अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए तो आपको IT, या फिर आप मेल या फीमेल नर्स हो, आप डॉक्टर हो, आप डेंटिस्ट हो, आप अच्छे शेफ हो, तो आपको बहुत आसानी से नौकरी मिल सकती है. इटली का वीज़ा आपके लिए बहुत आसान हो सकता है, फ्रांस वीज़ा इतनी आसानी से नहीं देता है, इसलिए आपको शेंगेन वीज़ों के लिए उन मुल्कों का जैसे हॉलैंड है, इटली है, इनका इंतखाब करना चाहिए. लाइक जर्मनी डायरेक्टली आपने अप्लाई नहीं करना, वहाँ से आप जा सकते हो बाय रोड, बाय ट्रेन, बाय एयर. तो ये एक चीज़ है जो यूरोप वालों ने दी है, और ये शुरू हो रहा है 1 मई से. 5 महीने आपके पास हैं, डिपेंड करता है कि आपकी जो बैक हिस्ट्री है वो क्या है. इसमें फ्रेश पासपोर्ट भी अगर आपके पास है और आपके पास प्रूफ है कि आप यहाँ पे इतना टैक्स पे कर रहे हो. ये याद रखना कि ATN नंबर जो है पाकिस्तान और इंडिया वालों के लिए टैक्स नंबर, जो चाहे 1 रुपया भी टैक्स पे करते हो वो देना जरूरी है, लेकिन 1 रुपये पे आपको बाहर की जॉब ऑफर नहीं होगी. UAE थोड़ा सा चेंज कर रहा है, जैसे गोल्डन वीजा था अब ग्रीन वीजा भी शुरू हो गया है. गोल्डन वीजा 10 ईयर्स का है, ग्रीन वीजा 5 ईयर्स का है. जिन्होंने 500,000 या 7.5 मिलियन तक का कुछ लगाया है, तो उन लोगों के लिए एक फ्रीलांसर हैं जो यहां पे रह सकते हैं. और वर्क भी यहां पे अभी काफी, जैसे होटल का अगर आपको एक्सपीरियंस है, फूड का एक्सपीरियंस है, तो आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है. सो ड्राइविंग वाला काम जो है वो कम है. टेक्निकल अगर आप जानते हो कोई, TV सही करना, बिजली का काम आपको आता है, तो UAE पूरा आपको वीजा दे रहा है. आपको क्या सही करना, आप तो फिर पूरी दुनिया में हेट हैं, क्योंकि हर जगह यही काम होता है. तो जिस जिस ने अपना शोर ठीक करवाना है वो मुझसे रहता करो. ये शोर है कोई पुराना TV या रेडियो है जिसने ठीक कराना. ठीक है जी, मुझे भी ज्यादा जरूरी जो वजीफे बताए जी, वो सब वजीफे बताए हैं सर. मैम ये क्या सोच सर, आप मुझे बहुत ये बहुत जल्दी मैं पढ़ता हूँ कि ये क्या लिखा, कम दी चीज हो मैं उतना ही रोक जाऊंगा. वाह बहुत अच्छी आवाज है, थैंक यू सुफियान. और मासूमा आपको भी, अच्छा मैं विश लिख रही, हेलो सर, हुमैरा गुलजार लिख रही, हेलो जी कैसे हैं? और हेलो सर, मैम है ही नहीं. नहीं वो मैम, मैं सर पढ़ता हूँ ना, मैम नहीं पढ़ जान के जेलसी की इंतजार देखे जेलस लोग हैं, बाहर क्या ढूंढे हम. आप पाकिस्तान आए थे, मैंने आपको मैसेज किया था, ईमेल भी की थी, आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आया. वो भी बताया करो ना. सदफ आप तो हुई सीप में, तो मैं कैसे सीप का जवाब दूं. और नौशीन साहब मेरे आपसे क्या रेल में बात हुई, रेल में बात क्या मतलब, रेल में बात रेल में बात करना चाहती. और सिवी मैम, सिवी अच्छा ये कौन है, नौशीन खान जी, जरूर जरूर रेल में मतलब असली में, वो कहीं चलते फिरते मिल जाए जब आपका दिल करे करें बात. उमदा मजीब खान की दिखाना नौशीना. और नौशीन सर, न्यू बॉर्न बेबी की पहली
जंड और नारो जो होती है उस पर सुना है मैजिक होता है। देखो बच्चे हो गए, बच्चा जब तक 13 इयर्स का नहीं होता ये बच्ची, उस पर मैजिक नहीं हो सकता है, ये कहीं भी नहीं हो सकता है। वो वैसे ही उतारते हैं, पूरी दुनिया में कहीं इसके शवाहिद नहीं मिलते, ना मजहब के रूप से ना मैजिक की। माँ बाप जो बालिग होते हैं ना उनके क्रोमोसोम एक्टिव होते हैं, उनके ऊपर फिर ब्राउन ब्लू ग्रीन और जो ब्लैक मैजिक है ये सब होते हैं, तो इसलिए उनके दांत उनकी वो जो पहले बाल कटे वो होते हैं, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, आज वो जो मिले ना फैन, तो अब वो ड्रामा देखती हैं तो कहती मैं आपके सारे ड्रामे देखती हूँ, बड़े शौक से देखती हूँ, ये वो बातें हो गई। तो ये थोड़े से फासले पे थे, मैं थोड़ा सा 2-4 कदम आगे चली गई, तो वो ना मेरे पास आई, एक्सक्यूज मी मैम आप इनके साथ हैं ना, तो मैंने सारे ला दिया। फिर मुझे कहती है आपको समझ आया मैंने क्या कहा है, मैंने कहा जी मुझे समझ आया आपने क्या कहा है, हाँ आप तो उर्दू बोल रही हैं, मैं समझी आप कोई फॉरनर है। वो मुझे ये समझते हैं कि इतना हैंडसम इतना स्मार्ट आदमी इसको कैसे किसी फॉरनर ने मूल गाली है। ये मतलब इसको को फॉरनर ही मिलनी चाहिए थी, वो ये पूछ रहा है। वो अच्छा? जब देखते हैं तो फिर मेरे पास आते हैं, अफसोस ऐसे नहीं जी नहीं, वो उसने मुझे यही कहा है। वो झूठी थी, झूठी सारी दुनिया झूठी। तुसी सेम मैम क्या कलेक्शन बहुत बेहतरीन होती है, नौशीन कह रही है। थैंक यू नौशीन, आज तो मैंने दिल पहने हुए हैं देखो कान में। हाँ वाकई मतलब कोनी मार दे दिल नू, मैजिक की निशानियां क्या, वो बहुत दफा बताई हैं, बहुत होगा आप पे तो फिर मुझे खुदा ना खास्ता बताइए। सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि मगरिब से लेके और सुबह फजर तक आप बेचैन रहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि दिल जकड़ा हुआ है, जैसे किसी लोहे के वो शिकंजे में जकड़ जाता है ना इंसान, आपको बिल्कुल वो वाली फीलिंग आती है, आपको पसीना बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा आप जो है मज़हब से दूरी हो जाती है, जैसे आप नमाज का इरादा भी करते हैं तो बाज़ दफ़ा दिल नहीं चाह रहा होता, पढ़ नहीं पा रहे होते, कुछ भी ऐसा मामला हो सकता है। फिर कभी कभी आपको घर से बैड स्मेल आती है, हाँ ये वाला मामला भी होता है ना, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। और ये कैफियत बहुत सारे लोगों की फजर तक रहती है, फिर जैसे ही सूरज की रोशनी शुरू होती है तो आपको थोड़ा थोड़ा जो है सुकून आना शुरू हो जाता है, बेचैनी कम होना शुरू हो जाती है, और अक्सर रात जो है वो इसी तरह कटती है। अच्छा, ये एक तो ये चीज़ होगी। सारा जेब आपने जो लिखा है इसका जवाब मैं वैसे भी अभी देने वाला था, क्योंकि नए वेरिएंट जो हैं कोरोना के वो आ रहे हैं। आपने लिखा है कि मॉन्की पॉक्स जो है पाकिस्तान में आ गया, इंडिया में बहुत शदीद आ गया, चाइना में तो ऑलरेडी है ही है, पाकिस्तान में एक अभी, और पाकिस्तान में अभी एक आया है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक अब जिस जहाज में या जो भी ट्रैवल करके आए हैं वहां पे जितने भी लोग हैं उनको जाहिर है ये तो बड़ी खतरनाक एक है, तो प्लीज आप लोग मास्क जरूर पहनो, वो खत्म मत कर दो, हैंड सैनिटाइज जरूर करो, अपनी जेब में छोटा सा रखो, ज्यादा जगहों पर क्राउड में मत जाओ, और कोशिश करो कि हाथ वाथ मिलाने से इतनाब करो, अगर कहीं जा भी रहे हो तो गले नहीं मिलो, बाकी जो आप लोगों के करीब नहीं। अच्छा ये कुछ ऐसा वैसे ही इशारा था ये, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि देखें जो कोरोना था, जैसे कोरोना जब आया या उसके बाद जितने भी उसके वेरिएंट आ रहे हैं, जितने भी वायरस नए आ रहे हैं, उनका मसला ये है कि ये फौरन नहीं पता चलता, ये एंड पे वो कुछ दिन गुजरने के बाद, तकरीबन बाज दफा 4-5 दिन बाद, कुछ का हफ्ते बाद भी पता चलता है। तो आप कहते हैं नहीं जी मैं तो वहां से बिल्कुल ठीक ठाक आई हूँ, अचानक से क्या हो गया, नहीं आप वो वायरस अपने साथ लेकर आए हैं और वो आपके साथ घूमता फिरता है। जैसे देखें मैंने ना बहुत दफा अपने शोज में ये बातें की हैं कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो कहती हैं, मैं बहुत दफा कहती हूँ हम हर एक को ये तो सिखा देते हैं आलू गोश्त पकाना कैसे है, लेकिन हम हमको ये नहीं बताते कि किचन में कौन सी काम करना है और कौन सा नहीं करना। हमारा जो बर्तन धोने का स्पंज होता है ना, सबसे ज्यादा बीमारियां उसके अंदर होती हैं, हमारा जो सिंक होता है उसके अंदर बीमारियां होती हैं, हम उसी में मुर्गी धो रहे हैं, उसी में गोश्त धो रहे हैं, फिर वही एक ही कटिंग बोर्ड रखा हुआ है, उसी पे फ्रूट भी कटता है, सब्जियां भी कटती हूँ, और उसी पे आप चिकन वगैरह भी, सबसे ज्यादा अंडे और चिकन में बैक्टीरिया होता है जो बीमारियों का, पेट की बीमारियों का खासतौर पर वजह बनती है, और गर्मियों में ये मामला ज्यादा हो जाते हैं। तो वो एक सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। फिर बहुत सारे लोगों को आदत होती है, बीमारी होती है कि बाथरूम में जाते हैं तो फ़ोन यूज़ करते हैं। पहली बात तो ये वहाँ पर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी आपको बात करेगा आपको कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, और ये सारी बकवास जो है वो हम कर रहे होते हैं। दूसरा ये अगर आप चैट भी कर रहे हैं, आप उन्हीं हाथों से चैट करेंगे, फिर उन्हीं के साथ अपने आप को जो है साफ भी करेंगे, और फिर हाथ वही फ़ोन पे लगा दिए, अब आपको ये लग रहा है आपने तो हाथ धो लिए, लेकिन जो जर्म्स लगे हुए हैं फ़ोन के ऊपर वो लेकर आप बाहर आए,
फिर आपने वही हाथ से टच किया फोन की स्क्रीन को, फिर उन्हीं हाथों से आपने खाना भी खा लिया, फिर उन्हीं हाथों को आपने बाकी अपने खाने की चीजों को लगाया, तो वो आपके जरासीम बढ़ते चले गए और घर में बीमारियां बढ़ती चली गई। तो ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हमें ख्याल करना पड़ता है। सफाई सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है मॉप मार दिया या घर को धो लिया, वो वाला मामला नहीं होता। ये तो बड़े छोटी छोटी चीजें हैं, सांस लेने के जरिए भी एक दूसरे तक मुंतकिल हो जाती हैं चीजें, ये तो बड़ी दूर की जो बातें हैं। आप जरा सा अगर केयर करोगे तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, और बाकी अभी आपको थोड़ा सा हम ट्रैक से हट के थोड़ी वो चीजें भी करना चाहेंगे, और साथ साथ आपको हम ये भी दिखा रहे हैं कि प्लीज डोनेट आप कर सकते हो सुपर चैट, जो कि आज बिल्कुल नहीं हो रहा है। मामला जिंदगी के लोगों के खराब है और शेयरिंग केयरिंग बड़ी अच्छी चीज है। अपनी लाइफ में से दूसरों का हिस्सा जरूर जरूर बनाना चाहिए। बिल्कुल सही है। ओके ठीक है जी, और वालेकुम सबको वेलकम एंड शो लाइक, थैंक यू महवेश, थैंक यू आप सब लोग ये कर रहे हैं, और मेरे चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब ही नहीं करना होता, उसके साथ एक बेल लगी है उसको भी प्रेस करना होता है, फिर ऑल लिखा होता है उसे भी दबाना होता है ताकि नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि हम आने वाले दिनों में टैरो कार्ड भी शुरू करेंगे, और वो तभी होगा जो लोग रेगुलर होंगे, जो हमारे चैनल पे शो के बाद भी कमेंट करते हैं, शो में भी रहते हैं बाद में। अच्छा, मुझे ये होता है कि इंस्टाग्राम पे बहुत लोग एक्टिव होते हैं, जैसे अगर मैं एक तस्वीर भी पोस्ट करती हूँ तो इतने मैसेजेस आप कर रहे होते हो, वो सारे लोग यूट्यूब पे क्यों नहीं होते हैं? जब हम कोई यहाँ हमारी शो के बाद जो कमेंट्स होते हैं आप लोग उसमें क्यों नहीं होते हैं? बहुत कम लोग हैं जो एक्टिव होते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोग इधर भी कमेंट किया करें, क्योंकि हमारी जो टीम है ना वो मेरा जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उसको नहीं देख रही होती ना उसको फॉलो कर रही होती है। तो आप जब इंस्टाग्राम पे मुझे कोई मैसेज करेंगे, लिखेंगे, वहां पर कमेंट करेंगे, तो हमारी टीम फिर वो एक आपका प्रॉपर चार्ट बना रही है कि कौन कौन लोग जो हैं वो ज्यादा आते हैं, डेली आते हैं, ज्यादा इन्वॉल्व हैं, तो फिर हम उन्हीं के लिए फ्री सेशन किया करेंगे, अदरवाइज फिर पे करें और अपने बारे में पूछें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और सदफ़ आप कह रही मराकबा कैसे शुरू करें, क्या अल्लाह पढ़ सकते हैं? इसका जवाब मुझे ज़रूर दीजिएगा। डेफिनेटली अल्लाह पढ़ सकते हैं, अल्लाह ज़र्ब लगाने के लिए होता है आगाज़, मराकबा बेसिकली फोकस करने के लिए है, यकसुई के साथ इबादत करना। नमाज तो आप पढ़ते ही हो, वो तो फ़राइज़ में शामिल होता है, जैसे आप तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हो तो उसमें ज़्यादा आपको बेनिफिट ये होते हैं कि वो फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन उस टाइम रात की इबादत जब अल्लाह ताला बिल्कुल पहले आसमान पर होता है और आप अपने दिल की बात कर सकते हो, नींद ख़राब करते हो, तो अल्लाह ताला शब बेदारियाँ करने वालों को या गिरिया उजारी करने वाले को पसंद करता है। और जब आप ये मराकबा करते हो, फोकस करते हो, आँखें बंद करके आप अपने पाताल में उतरते हो, रूम है, आप अपने आप को बिल्कुल क्लीन करते हो, उसकी बहुत सारी स्टेजेस हैं, फ़ुक्र की 100 स्टेजेस होती हैं जिनमें से ये आगाज़ है। तो अल्लाह हू जो है ये बेस है, अल्लाह हू ज़ाहिर है अल्लाह ही है, जब पूरी कायनात में कुछ भी नहीं था, तो आप जब आंखें बंद करते हो तो ज़र्ब का यानी क्रॉस का निशान ऐसे करके जो लगाते हैं, एक तरफ आप अल्लाह ऐसे करते हो और हू हल्का सा ऐसे, और पूरी गर्दन को ऊपर नीचे करना ज़रूरी नहीं होता, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो ये लोग अपने दिल को, ज़ाहिर दिल है उसके ऊपर लफ्ज़ इस्म अल्लाह फील करो, या अगर वो फील नहीं हो रहा आपको, वो बहुत आसानी से होता है, या फिर जो खाना काबा है उसको आप फील करते हो, लेकिन इसके लिए वो जो मश्क है वो 12-13 दिन तो सिर्फ आपने अपने रूह में उतरने की करनी होती है, जो हम कई दफ़ा आपको बता चुके हैं। फिर आप अल्लाह हू हल्का हल्का करते हो, फिर गर्दन नहीं भी हिलाते हो, ज़र्ब लगाते हो, ऑपरेशन करते हो कि सारी कदूरतें नफ़रतें निकल जाएँ, और फिर ये काम आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। इसका हम जवाब आगे भी आपको देंगे। एरीज गर्ल एरीज बॉय की शादी कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, और मुझे अपनी और अपने बच्चों की क्या है जी राइटिंग दिखाने, उसके लिए आपको पे करना होगा जी असीम मैम को, और वो पूरी डिटेल आपको दे देंगी। सर यारे मदद तनवीर, बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें तनवीर नकवी। और अभी आप ये देख लेना, जैसे किसी की भी वीडियो पे जाके, किसी के भी ब्लॉग पे जाके, किसी भी जगह पे, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम है या कितना अल्लाह वाला है या कितना अच्छा काम कर रहा है, आप उनकी जाके कमेंट चेक करें, वहाँ पर आपको ट्रोलिंग करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बकवास करने वाले बहुत लोग मिलेंगे, बुरा कहने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, जब बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिर उन्हीं फैमिलीज़ के वो बच्चे भी हो सकते हैं जो अपने घरों से यही चीज़ सीख के आते हैं कि बुली करना है, दूसरों की शक्ल पर बात करनी है, अगर कोई थोड़ा सा बल्कि है, थोड़ा सा वेट उसका ज़्यादा है तो उसका मजाक उड़ाना है,
या कोई किसी का कद छोटा है तो उसका मजाक उड़ाओ, कोई अगर पीछे रह गया तो उसका मजाक उड़ाओ, टीचर ने अगर किसी बच्चे को डांट दिया तो आप उसको बुली कर सकते हो। तो वो बच्चे हमारे वो सारा दिन वो चीज़ें भी बाहर जाके सहते हैं। ये अब वो वाला ज़माना नहीं है कि बाहर जाओ तो आपको हर कोई दोस्त मिलेगा, बहुत अच्छी अच्छी सहेलियाँ मिलेंगी और सहेलियों के घर वाले, दोस्तों के घर वाले भी बड़े अच्छे होंगे। अब वो वाले मामलात नहीं हैं। तो बच्चों की नफ्सियात को समझें, और अगर बच्चों के साथ प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही, क्योंकि देखें बच्चों को के वालदैन जो है ना वो फील करते हैं कि हमारा बच्चा इतना हेल्दी था, इतना अच्छा था, हंसने खेलने में अचानक से क्या हो गया, ये बहुत वीक हो गया या पीछे रह गया, तो क्या मामलात हैं, उसके लिए ज़रूर मीटिंग किया करें। और हमें ये बड़ा हो रहा होता है कि लोग अपने लिए तो बहुत मीटिंग करते हैं कि सर मेरी शादी का बता दें। अब एक खातून है कहेंगी मेरी शादी का बता दें, अब एक ऐसी भी होगी जो कहेगी सर मैंने दूसरी की वो भी ख़त्म, तीसरी की वो भी, सर चौथी कब होगी, और सर ये 10 नाम है इनमें से बता दें कौन सा वाला ठीक मतलब है। मतलब उन्होंने ऑप्शन भी है ने साढ़े कुल मतलब। चलो खैर, अच्छा ये शुएब अली लिख रहे हैं, डॉक्टर साहब कश्मीर के एक ड्रामे में आप कर्नल जी वॉन पता नहीं के रूप में बहुत अच्छे। हाँ कर्नल खन्ना जो हैं, हाँ। इंडियन आर्मी के कर्नल का रोल मैंने किया था, सिपाही मकबूल हुसैन उसके ड्रामे का नाम था, और उसके तीसरे एपिसोड से टोटल 6 किस्तों का ड्रामा यूट्यूब पे है, सिपाही मकबूल हुसैन आप लिखेंगे तो 3rd एपिसोड से 6 तक मैं हूँ। मेरा फेवरेट रोल था वो भी, जाहिर है जिन दिनों आया था और मेरा पसंदीदा, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था, जबकि मेरा उसमें नेगेटिव रोल था, बट आई लव वो कर्नल खन्ना वाला जो रोल था जी। और ये मामला है कि बच्चों के लिए भी, हाँ बच्चों के लिए कोई मीटिंग नहीं करता, कोई हमें नहीं आके कहता कि जी मेरे ये मेरी बेटी जो है उसके साथ नफसियाती मसाइल हैं, या मेरे बच्चे के साथ नफसियाती मसाइल हैं, मेरा बच्चा बहुत शाउट करता है, बदतमीजी करता है, घर की चीज़ें तोड़ता है, जवाब देता है, या मेरा बच्चा जो है वो पढ़ाई में बहुत वीक है, या मेरा बच्चा जो है वो अचानक से बहुत संजीदा और खामोश हो गया, तो प्लीज़ हम उसके लिए मीटिंग करना चाहते हैं। हमारे बच्चे ही हमारा फ्यूचर है, हमारे बच्चे ही हमारी इनकम वो है जो हम बैंक में जमा कर रहे हैं और इंटरेस्ट मिलेगा हमें, लेकिन हम उनको ना वक्त दे पा रहे हैं, ना हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं। और अगर ऐसे मसाइल होते हैं तो लोगों से छुपाए जाते हैं, अपने बच्चों के बारे में नहीं किसी को बताया जाता कि हमारे बच्चों के साथ ये मसाइल हैं। और यही बच्चे जब बड़े होते हैं और एक फैमिली बनाते हैं ना, तो वो अच्छी फैमिली कभी नहीं बना सकते। अगर वो लड़का होगा तो हर वक्त अपनी बीवी से लड़ेगा, झगड़ेगा, घर की चीज़ें तोड़ेगा, गालियाँ देगा, बकवास करेगा, और अगर लड़की ऐसी होगी वो भी रिश्ते नहीं निभाएगी, वो भी अपने घर को कभी नहीं बसाएगी, वो बार बार शादियों को तोड़ेगी, बार बार शादियां करेगी। तो अगर चाहते हैं कि आने वाली नस्ल अच्छी हो, अगर वो अपनी आने वाली जिंदगियों को अच्छा बनाते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ भी मुझसे ना करें, आप किसी भी नफ्सियात के माहिर से कर लें, किसी भी ऐसे बंदे से कर लें जो आपके बच्चों की प्रॉब्लम को समझें, उनको डिस्कस करें, उनके साथ सिटिंग करें, उनके साथ आप जाएं, उनके साथ बातचीत करें और अपने बच्चों को एक हेल्दी लाइफ दें। बिल्कुल से फौजी तरीके से मैम, आई लाइक यू सो मच जी, थैंक यू। और खान खान कह रहे हैं जेल से रिहाई का वजीफा, वो हमने बताया हुआ जी, मैं आगे चल के अभी थोड़ी देर में काफ़ी सारे वजायफ आपको, और ये जो बिस्मिल्लाह का बताती हूँ ये हर चीज़ के लिए है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाला आप करें हर चीज़ के लिए। और नंबर 2 आयत करीमा जो मछली के पेट से ज़िंदा आ गए थे ना, तो करें ना तो अल्लाह निकालेगा हर तकलीफ़ से, हर आपको मुश्किल से, किया करें। और नहीं आपके पास कोई, आप अकेले बैठे हैं, खुद करें अपने आप को, आप देखिए कितनी जल्दी आपके मसले हल होंगे। नसरों में आहे व फतहुन करीब आप पढ़ें, कितनी जल्दी आपके मसले हल होंगे। किया करें ये सारी, आपके पास तो अल्लाह ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतने ब्लेस्ड हैं हम लोग, उसके बावजूद हम परेशान रहते हैं, पता नहीं क्यों रहते हैं। परेशानी तो आप अपने अंदर से जब तक देखो फाइट, हर चीज़ का एक रिएक्शन तो होता है, कोई हीट है तो वो आपको फील होती है, ठंडक है तो फील होती है, इसी तरह परेशानी है तो महसूस ज़रूर होती है। उस गम से खुद को बचाना कैसे, अगर या तो बर्बाद हो जाए, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके हस्बैंड या जिनकी औलाद मरती है और कुछ महीनों के बाद वो भी मर जाते हैं, क्योंकि वो इतना हार्ड होता है, इतना डीप उनका एफिलिएशन साथ में चल रहा होता है, मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के तकाजे हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें, तो हमने ऐसे ऐसे माँ बाप भी देखे हैं कि जिनकी जवान औलादें चली जाती हैं लेकिन उनकी उम्र फिर भी 90-90 साल तक वो बिल्कुल चंगे भले रहते हैं, इसलिए उनको पता है कि हमने अपना दिल इबादत इलाही में लगाना है, हमने बाकी लोगों को भी सपोर्ट करना है और औलादें भी हैं। तो आप थोड़ा सा अगर परेशानी, ये मौत की परेशानी मैं सबसे बड़ी बता रहा हूँ, इससे भी बड़ी परेशानियाँ आती हैं, तो हर मुश्किल की खूबसूरत बात यह है कि एक आसानी ज़रूर अल्लाह ताला ने रखी है, जैसे हर रात का एक अंजाम सुबह की पहली किरण पे होता है और फिर सवेरा निकल आता है। कुछ दिन पहले भी मैं बहुत अर्ली मॉर्निंग जब जा रहा था और सूरज निकल रहा था, तो मैं यही कह रहा था, मैंने कहा यार ये मुझे सुबह क्यों इतनी मज़े की लगती है, रात तो होती होती है, रात बहुत पसंद है, लेकिन सुबह वो जब
वो फूट रही होती है ना, कभी आप उठ के देखो उगता हुआ जो सूरज होता है ना, आप में बहुत एनर्जी भर देता है। हमारे बहुत सारे जो हिंदू बिरादरी के लोग हैं वो सुबह सुबह सूर्य जब फूट रहा होता है तो उस वक्त पूजा पाठ कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उनकी लंबी उम्र के लिए, उनकी इबादत के लिए, स्पिरिचुअल के लिए, सन की जो एक पावर बहुत जबरदस्त होती है, वो बड़ी जबरदस्त होती है। और हमने अब वही वाली बात है ना, सुबह जागना छोड़ दिया, सूरज कब निकलता है पता ही नहीं चलता, या तो बहुत दोपहरों में जागते हैं या पूरी रात जागते रहते हैं, दोनों मामलात होते हैं। लाइफस्टाइल हमने अपने चेंज किए हैं जिसकी वजह से भी हमारी जिंदगी में मसाइल ज्यादा हैं। सादगी से, सिंपल सिटी से हम दूर हो गए, शुक्र करना छोड़ दिया है, परेशान रहना शुरू कर दिया, उन तमाम चीज़ों के लिए परेशान होते हैं जिन जो हमारे हाथ में ही नहीं है कुछ, तो जो हाथ में ही नहीं है उसको रब के हवाले कर दें और फिर खुद मजे करें। बिल्कुल सही है। और रबिया लिख रही हैं कि राजू भाई मैं नेक्स्ट मंथ पिज्जा शॉप ओपन कर रही हूँ जर्मनी में। अच्छा। लेकिन ट्रस्ट मी कि खाली हाथ हैं, आपके बताए हुए वजीफे पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला जरूर बरकत देगा। देखो निकाह, खुराक, घर की बुनियाद, इलाज माल जाए, ये ऐसी चीज होती है कि आपने सोच लिया और एफर्ट करते हो, कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके एक दफा जब शुरू होता है, और देखो राइट जगह पे उसका इंतखाब होना चाहिए। फर्ज करो अगर आप डाउन टाउन में कोई भी खाने की चीज खोल रहे हो ना, जहां पे बार हैं, जहां पे होटल्स हैं, तो कचरा भी बिखरा होता है रात के टाइम पे, खासकर वीकेंड पे। मैंने देखा मेरे बहुत सारे जो दोस्त हैं, जानने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ लैम कबाब या पिज्जा या कुछ भी वो डोनर कबाब होते हैं उनके खोले, और उन्होंने 10-10 ब्रांचें आगे खोली, क्योंकि डाउनटाउन या जहां पे बार या क्लब एरिया या होटल साइड है वहां पे होती है तो चलता है। अब अगर आपने होम डिलीवरी वाली सर्विस रखी है, कहीं भी रखी है, तो कैसे मशहूर होगा? पब्लिसिटी, आपको पेज बनाने हैं, आपको उस इलाके की कम्युनिटी, मुख्तलिफ होटल्स, वहां पे जाके अपने जो ब्रोशर्स हैं वो प्रिंट आउट खुद ही करा लें, कहीं से छपवाने की भी जरूरत नहीं है। फ्री डिलीवरी रखें, जो कि बड़ा मुश्किल है, ऐसी जगह जहां पर पिज्जा कम हो, और आपके पिज्जा में क्या ऐसी चीज है कि लोग पिज्जा हट को नहीं देखेंगे, डोमिनोज को नहीं देखेंगे, ठीक है, उस पिज्जा में क्या कमाल है। तो अगर क्वालिटी अच्छी होगी तो एक दफा जरूर टेस्ट करने के लिए लोग आएगा, वो पहली और आखिरी दफा है उसकी, कि अगर वो आया, आपका बिहेवियर अच्छा है, आपने एक्स्ट्रा उनको साथ में, ज्यादातर आजकल क्या होता है, एक कैचअप साथ दे दें, वो कहेगा जी $1 या $0.50 आपने एक्स्ट्रा देना है, आप एक्स्ट्रा स्पाइसेस दे दें उसके पैसे, आप बोलो ठीक है, आपने बचत निकाल लिया अपना कि भाई वो $20 का है, €20 का है, तो मैंने €5 का ये लार्ज साइज रखा है, और लार्ज के साथ बेबी फ्री दे रहे हैं या साथ में कुछ कुकीज फ्री दे रहे हैं, लोग फ्री वाले फंड में बहुत तो फिर वो उसकी क्वांटिटी भी अच्छी रखें। जैसे मैंने यहाँ देखा है दुबई, शारजा, अजमान, कहीं भी अगर देखा है तो हमारे देसियों के ना फेल होने की ज्यादा वजह यही है कि खुले दिल के साथ नहीं देते, बल्कि दिल तंग करके खाने की चीज को दे रहे होते हैं, क्वांटिटी इतनी कम रखेंगे, पैसे ज्यादा लेंगे, फिर कोशिश करेंगे कि वो अगर आप उनको कहेंगे पैक कर दो तो वो कहेंगे घर जाके तो खोलना है, तो खैर जो भी है डालना है, कचरा वचरा डाल दो, हाँ जी, और बस इनको पूरा कर दो, फारिग कर दो, फिर क्या होता है आप अपने कस्टमर खो देते हैं ना, फिर हम एक दफा जाएंगे दोबारा तो नहीं जाएंगे वहां, हम कहेंगे ये तो ऐसे करते हैं, तो फिर लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं फिर इससे बेहतर है आप मैकडोनल्ड और KFC खा लो और अपने ये देसियों के पास तो जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे जैसे अभी मुझसे जब कोई ड्रेस वगैरह ले रहा होता है या मेकअप की चीजें मुझसे बाय करते हैं ना, तो मैं हमेशा मार्जिन कम रखती हूँ, बल्कि ना होने के बराबर भी कभी कभी रखती हूँ, क्योंकि मुझे कस्टमर बनाने हैं, मुझे लोगों पे मैं अपना एतबार बैठाना है। अगर मैं पहले से ही लालच ये करूँगी कि मैं मुनाफा ज़्यादा ले लूँ और मैं कुछ भी उन्हें दे दूँ, तो वो एक दफ़ा ले लेंगे, उसके बाद मेरे पास नहीं आएंगी जी। वो इसलिए बार बार मेरे पास आती हैं कि मैं हमेशा अच्छी चीज़ उनको देती हूँ, और वो चीज़ देती हूँ जो मैं अपने लिए पसंद करती हूँ ना, मैं हमेशा वो देती हूँ, तो फिर क्या होता है वो बार बार मेरे पास आते हैं। तो जब भी खाने का काम करें या कोई भी काम करें बिजनेस में, शुरू शुरू में आपको घाटा भी होता है, क्योंकि आपको लोगों का एतबार जीतना है, तो मुनाफा कम रखें, क्वालिटी अच्छी दें, पोर्शन अच्छा दिया करें कि एक बंदा पेट भर के कम से कम वो खाना खा सके जो आप दूसरे को दे रहे हैं। बिल्कुल सही है, और अल्लाह बरकत दे जो जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं जी। और महानूर भट्टी क्या कह रही हैं, सलाम सर, मुझे आपसे पर्सनली बात करनी है, ये स्क्रीन पे लिखा rajahaider@hotmail.com, ये ईमेल आप इस पे कर सकती हैं, आपको नंबर मिल जाएगा, और सबको पता है भाई इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है तो आप ये इसीलिए पूछ रहे होते हो, ईमेल आप करके, और ये जो आप यहाँ सवाल कर रहे हैं आप ईमेल करें और उस पे लिखें मुझे आपसे प्राइवेट मीटिंग करनी है। और क्या लिखा है जी, और थैंक्स मैम, वेलकम जी। अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे आपको पहले भी ऑलरेडी अपने शो में बता चुके हैं कि जी किस तरह से क्या होता है, आपने कौन
कौन कौन सा वजीफा करना है। अभी थोड़ा सा स्क्रीन पे आप देख लो, एक वजीफा मैंने आपको भेजा है जिनका काम में दिल नहीं लगता है, उन लोगों के लिए है। और ये गैर मुस्तकिल मिजाजी और माशी कामों में जो अदम दिलचस्पी खत्म करने के लिए अल्लाह ताला के एक खास जाहिर है कुरान से लिया हुआ वजीफा है। 300 टाइम आपको इस आयत को पढ़ना है, स्क्रीन शॉट ले सकते हो, और आप ये बीवी भी कर सकती है, मियाँ भी पढ़ सकते हैं, करीबी अजीज के लिए भी ये वजीफा कर सकते हैं, और 21 दिन के लिए है। और जो भी काम है, जैसे फोकस नहीं हो रहा, अभी आपने कहा दिल उचाट है, अभी किसी ने ये मैसेज लिखा था, तो ये उन लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वो वजीफा है। और अगर कोई काम मुकम्मल नहीं हो रहा, आपका कोई कानूनी उलझन है, कोई वीज़ा इमिग्रेशन का काम है, कुछ भी शादी है, कुछ भी जॉब नहीं मिल रही, तो आप ये कर सकते हैं। और ये ओपन तस्बीह है, आखिर पे आप देख रहे हो ब्रैकेट में मैंने जो लिखा है, बिला कैद तादाद पढ़ सकते हैं कि इसमें कोई लिमिट नहीं है। और ये चार इस्माए मुबारक को आपने पढ़ना है, और कहीं भी जाना हो आप चुपके से पढ़ के उसके ऊपर हल्का सा दम कर दें तो आपका ये काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ जो मियाँ हैं वो मारते पीटते हैं, जालिम हैं, वो राह रास्त पर नहीं आते, वो ड्रग्स लेते हैं, वो बुरे कामों में हैं, तो उनके लिए सूरह माईदा की आयत नंबर 100 है, और ये आप पढ़ सकते हैं, ये मेरी तरफ पढ़ सकते हैं। और अभी मुझे ईमेल किसी ने किया, बच्चे बहुत ज्यादा, मेरा बच्चा है वो बहुत ज्यादा रोता है, तो ये कसरत से रोने वाले बच्चे जो बां बां बहुत करते हैं नहीं, उनके लिए है कि इस नक्श को बावजू होके आपने लिखना है, और इस सूरह को आपने कुरान में से निकाल देना, इंटरनेट से भी मिल जाएगा, और दाएं बाजू पे उसको बांध दें। अगर आपको खामिन जालिम है, हाकिम जालिम है, उनके लिए भी ये बड़ा जबरदस्त सा एक वजीफा है। बहुत सारी बहनों ने भाइयों ने लिखा है कि मुलाजमत नहीं मिल रही, तो आपने ये स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसको किस तरह से पढ़ना है, ये एक एक चीज इसमें मैंने पूरी डिटेल से लिख दी है, ताकि आप लोगों के लिए ये काम हो जाए। अच्छा, एक ही वजीफा है, ये अभी हमारे किसी ने भाई ने लिखा था कि अगर मंगनी टूटने का खतरा है, किसी से मंगनी है और डर है कि उनकी फैमिली उनको छोड़ देगी, तो जिन लड़के लड़कियों की मंगनी हो चुकी है और खानदानी मसाइल या दीगर वजूहत की बिना पर अगर मंगनी टूटने का खतरा हो, तो उन्हें चाहिए कि बदस नमाजिया से 3 मरतबा सूरह यासीन की तलावत करनी है आपने, और उसके बाद 300 मरतबा आपने ये पढ़ना है, या अल्लाह हो या फतेह हो, ठीक है। लड़का लड़की खुद ना पढ़ सके तो उनके वालदैन भी ये पढ़ सकते हैं, कभी भी ये रिश्ता नहीं टूटेगा, मंगनी नहीं टूटेगी, और मियां बीवी में जो लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा रहते हैं वो सूरह रोम को आपने लिखना है, और किसी भी कागज़ पे लिख के एक शीशी में बंद कर लेना है, कांच की बोतल में, और खामिन तो कांच की बोतल में बंद हो ही ना जाए। अच्छा, ये जो अभी सूरह यासीन का बता रहे हैं ना, मैं तमाम बच्चियों को और उन तमाम बच्चियों को कहूँगी जो घर से बाहर निकलती हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज जाती हैं, यूनिवर्सिटी जाती हैं, या फिर आप जॉब करती हैं, घर से जाती हैं, हर एक के पास बहुत सारा टाइम होता है, डेली की अपनी आदत बनाओ कि घर से निकलने से पहले सूरह यासीन की तिलावत करके और घर से जाया करें, और अपना डेली का रूटीन ये बनाएं। आप देखिएगा अल्लाह ताला आपको बहुत सारी बुराइयों से बचाएगा, बहकने से, भटकने से बचाएगा, और दुनिया कुछ भी कह दे, आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपने सीधे रास्ते पे और स्ट्रेट उस रास्ते पे चलेंगे जिस पे चलने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। और ये मेरी सालों मेरी प्रैक्टिस रही, जब भी मैं घर से निकलती थी और सुबह कितना भी लेट, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़बानी जो है वो याद है, और मैं हैदर को उस दिन भी कह रही थी, क्योंकि जब मेरे पास अरबिक भी थी तो मुझे तकरीबन बहुत सारा कुरान पाक जो है वो रवानी में पढ़ लेती हूँ। बच्चियों को आदत ज़रूर डाला करें, अपना हिसार किया करें, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ों से बच जाती है, क्योंकि शैतान साथ तो रहता ही है ना। ये तो है, शैतान साथ रहता, फिर मेरी तरफ देखती हूँ हर चीज पे। अच्छा, ये क्या लिखा है जी आपने, अभी एक मैसेज था वो भाग गया, और किसी ने लिखा है कि जी, अच्छा नाम मुझे उनका नहीं पता लेकिन चला गया, चलो फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। आपने लिखा है कि जी मुझसे सब बिला वजह नफरत करते हैं, खास तौर पे कॉलेज में। आप जो भी बहना हो, आप याद रखो, बिला वजह जो भी होता है, किसी को होता है ना कि कोई अच्छा नहीं लग रहा होता, इसका एक तरीका है, 14 दिन का एक वजीफा है, दायां हाथ आप बावजू होकर जब भी कॉलेज जाने लगो अपने हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर, इस तरह क्रॉस में ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है, और आपने या वदूदो या समदो इकट्ठा एक ही तस्बीह के दाने पर पढ़ना है, या वदूदो या समदो 100 टाइम पढ़ना है, और फिर गिरेबान में फूंक के चले जाना है। आप यकीन करो कि जब ये खत्म होगा, पहले दिन ही आपको इसका फर्क पता चलेगा, आपकी तरफ ये हुब बढ़ जाएगा, आपकी तरफ दोस्ती के हाथ बढ़ेंगे, और जो गलत लोग होंगे वो वैसे ही अल्लाह ताला करीब आने ही नहीं देगा, और आपके नाम में इजाफा हो जाएगा, ठीक है, नफरत कोई नहीं करेगा। और क्या है जी, अस्सलाम वालेकुम सिमी जी, और ताज भेजा सना ने, सना सालों से ये ताज भेज रही है। अच्छा, क्यों भेजती है, असली में क्यों नहीं भेजती सना, उसको पता है मैं क्वीन हूँ। ओ अच्छा, इसलिए
अल्लाह ने मुझे 7 साल के बाद बेटा दिया है। वो 8 साल का हुआ तो उसकी डेथ हो गई, उसके बाद मैं नहीं बंद ताकि आपने जो भी है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सुकून दे उनको, उनका जो आप बच्चे तो ज़ाहिर है फरिश्ते हैं, जो भी अल्लाह ताला का एक इम्तहान है। आप यकीन करो कि जिनकी औलाद यहाँ पे ज़िंदगी में ही चली जाती है और अगर वो कम सन है, ना बालिग हैं, तो परवरदिगार ने अहदीस बहुत सारी हैं कि वो माएँ और वो वालिद, खासकर माओं के बारे में लिखा है कि उनके लिए दुनिया में जन्नत की बशारत लिख दी गई है। जिस वक्त उनका विसाल होना है, वो दुनिया से जाएंगी, तो उनको वेलकम करने के लिए वो हूरों और गली मां के साथ वही औलाद जवान सूरत में अपनी माओं को वहां पर रिसीव करेगी। तो अल्लाह ताला की हर चीज में कोई ना कोई एक इनाम बेनिफिट, लेकिन इस दर्द का कोई आपको कोई कितना भी कह ले ना, बर्दाश्त करें, सब्र करें, अंदर रहता है, लेकिन फिर प्लीज जीने की कोशिश करें। परवरदिगार आपको मजीद तरक्की दे, ताकत दे। अगर और औलाद नहीं भी है तो आप अपना लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा बेहतर करें, क्योंकि अब आपने खुद तो नहीं मर जाना ना, खुदा ना खास्ता, घसीटना नहीं है, तो और बहुत सारी चीजें हैं। ये पुराना मैं उसको दोबारा से रिफ्रेश करता हूं ताकि ये आ जाए। ठीक है, चलो जी, और कोई सवाल जवाब हैं तो फिर हम थोड़ा बहुत और भी चेंज करें। 2-3 दफा की है क्या क्या है वो नजर नहीं आ रहा, आपका मैसेज ऊपर चला गया। आसिम मैम, यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, और ये इंग्लिश विद प्रो तबस्सुम ने ये लिखा है, थैंक यू तबस्सुम। और कभी कभी मैं हमेशा ये बात करती हूँ ना, हम जैसे कहीं भी आपने जाना है और आप कहते हैं आज दिल चाह रहा है बोट पे जाएं, कश्ती पे जाएं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, बड़े इत्मीनान से उस कश्ती में या बोट में सवार हो जाते हैं, क्योंकि आपको भरोसा होता है उस मल्लाह पे जो आपको ले कर पानी के दूसरी तरफ जाएगा कि ये मुझे डूबने नहीं देगा। तो जिसके हाथ में हमारी डोर है, जिसके हाथ में हमारी ज़िंदगी की कश्ती का जो मालिक है, जो चला रहा है, जो जिसने संवारना है, सब करना है, तो उस पर अंधा एतमाद क्यों नहीं हम करते, और क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी की गाड़ी को या कश्ती को उसके हवाले क्यों नहीं करते कि जो अल्लाह कर देगा बस वो ठीक है, और उसकी रज़ा में राज़ी हमने रहना बिल्कुल छोड़ दिया है। उस पर तवक्कल करें और उसकी रज़ा में राज़ी रहें तो तमाम मामलात बेहतर होते हैं। हम कभी कभी ना बड़ी ज़िद लगाते हैं अल्लाह से, नहीं हमें तो ये चाहिए। अगर देखें बहुत दफ़ा दुआएं कबूल नहीं हो रही, आप कोई वजीफ़ा भी कर रहे हो और नहीं हो पा रही, आपने बहुत कोशिश भी की, किसी से शादी नहीं हो पा रही, मनपसंद जगह पे शादी नहीं हो रही, बाहर नहीं जा पा, कुछ भी ऐसा मामला, औलाद के लिए बार बार मांग रहे हैं, नहीं मिल पा रही, तो कभी कभी अल्लाह पे छोड़ दिया करो। और फिर दूसरा ये भी कि अगर नहीं हो पा रही तो फिर अल्लाह से कहें, या अल्लाह पाक तेरे ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अपनी रजा से, अपनी खुशी से मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। अगर बार बार एक ही बात, आपको पता है जब क्योंकि हम पहले बहनें थीं, मेरे बार भाई है और उसके बाद बहनें थीं, और मेरे फादर को था कि बेटा हो बेटा हो, और मेरी दादी ने कहा कि जी दूसरी शादी कर लो क्योंकि ये तो बेटियाँ ही बेटियाँ पैदा करती है। तो लेकिन क्योंकि मेरे फादर मेरी माँ के साथ इश्क करते थे इतना कि मैंने शायद लाइफ में किसी को इतना मोहब्बत और इश्क करते किसी को देखा नहीं है जितना मेरी अम्मी से मेरे अब्बा करते थे। तो मेरी माँ ने फिर को देखा कि ये वाला मामला हो रहा है, तो उन्होंने कोई वजीफ़ा नहीं छोड़ा, कोई दरबार नहीं छोड़ा, कोई दुआएं, कोई मन्नतें, कुछ नहीं छोड़ा कि मुझे बेटा अल्लाह दे दे। और अल्लाह ने बेटा दिया, अल्लाह ने बेटा दिया, बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद बड़ी खुशियाँ हुई, सब हुई, मगर मेरा भाई जब ऐन जवानी में पहुँचा तो अल्लाह ने उसको वापस ले लिया, तो मेरी माँ कुछ नहीं कर सकी। ये अल्लाह है, वो कहते हैं लो दे दिया, अब जब मैं चाहूँगा वापस ले लूँगा। तो इस वजह से हम कभी कभी इंसान नहीं समझ पाते उसकी मसलहत को, उसकी बातों को, तो ज़िद नहीं लगाया करें और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की बातें ना किया करें। और शादी का भी यही मामला होता है कि हम बहुत रोते हैं, गिड़गड़ाते हैं कि या अल्लाह बस यही बंदा चाहिए, यही बंदी चाहिए, इसके अलावा तो किसी से शादी नहीं करेंगे, मर जाऊँगी, मर जाऊँगा, ये वाला मामला। फिर क्या होता है, अल्लाह आपका नसीब तो उससे जोड़ देता है, मगर फिर उसी इंसान की वजह से आपकी ज़िंदगी को जहन्नम बन जाती है, हेल बन जाती है, और आप इतने तंग हो जाते हैं कि फिर आप सजदे में गिर जाते हैं और कहते हैं या अल्लाह तुझे तो पता था ना, मुझे ही नहीं पता था कि इस बंदे की वजह से मेरी ज़िंदगी हराम होनी है, तो मेरी दुआई क्यों कबूल की। तो फिर मैं हमेशा कहती हूँ कि दुआएं अगर कबूल नहीं हो रही तो या आपका वक्त नहीं है या वो चीज़ आपके लिए मुनासिब नहीं है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो, 2 नफल शुक्राने के पढ़ो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, आपका जब वक्त आएगा तो आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी, और अगर आपकी नहीं है तो ज़िंदगी में उसके अलावा भी अल्लाह ने आपके लिए बेहतर से बेहतरीन रखा होता है जो आपको वक्त आने पे मिलता है।
और बिल्कुल ये इतनी खूबसूरत गुफ्तगु आपने देखी है। मेरा ये जो है लाइव शो यूट्यूब पे भी जा रहा है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि जो मैं बोल रहा हूँ वहां पे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है कि अगर आप कहीं बिजी हो या कोई आ गया है और आपने हमारी आवाज को म्यूट कर दिया, तो यूट्यूब के अलावा यूट्यूब पे ये फेसबुक पे राजा हैदर जो मेरा अभी नया मैंने एक पेज बनाया है इस पे आप हमें लाइव देख रहे हैं वहां भी देख सकते हो, लेकिन वहां पे आपको सबटाइटल में उर्दू में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। और ईमेल मेरा लिखा है theraja.haider@hotmail.com, ये नीचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है और ये भी आप इस पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। और अभी फिलहाल आप लोगों के सवालों के जवाब हम देख लेते हैं। सर आप प्लीज मेरी हेल्प कर दें, क्या हेल्प कर दें अक्साब, लिखो तो सही, बस इतना ही लिखा है। एंड थैंक यू वेरी मच, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे पसंद कर रहे हैं, मेरी एक प्रॉब्लम क्या जाती हूँ सर, ओके ठीक है। और सलाम बॉस, आई एम वसीम कराची, थैंक यू जी वसीम साहब, ठीक हैं आप। और जितने भी लोग अभी आए हैं प्लीज़ उन लोगों से गुजारिश है कि लाइक को हिट कर दो, थम्स अप कर दो, और मैं थोड़ी सी एक पोइट्री ऐड करूँगा अभी और फिर कुछ म्यूज़िक और फिर हम टेस्ट ट्रांसमिशन की तरफ भी थोड़ा सा जाएंगे ताकि आप लोगों के सवाल भी रहें और बोरियत भी इस प्रोग्राम में बिल्कुल ना हो। वो तो हो ही नहीं सकती, हम दो हैं तो बोरियत कैसे होगी, बिल्कुल नहीं होगी बोरियत, ठीक है। और यहाँ अभी हम देख रहे हैं कि अभी हमें यहाँ से कुछ चीजें अभी थोड़ा ड्रिंक अच्छी है नजर आ रही है, सबको आ रही है, वो अन्य नहीं नजर आ रहा है सबको, नहीं नहीं मतलब होता है ना किसी के प्यार में अंधे हो गए, किसी की रिंग की चमक से अंधे हो गए, ऐसा होता है। ओके जी, आप लोगों के लिए थोड़ा सा माहौल को चेंज कर रहे हैं और ये एक खूबसूरत सा ट्रैक आप लोगों के लिए। यू भी आंखों में किसी ख्वाब का रेशा ना बुने, कोई पहचान ना हो ठीक से चेहरा ना बुने, ऐती तस्वीर बना रोते हुए खुश भी लगूं, गम की तरसील तो हो गम का तमाशा न बने, मुस्तहिक हूं तो किसी और से तस्दीक भी कर, मुझको मत देना अगर मेरा दिलासा न बने, जितना पुख्ता भी हो दिल जिस्म से बाहर रखना, ताकि टूटे भी तो फिर सीने में मलबा न बने, बस इसी शर्त पे कोई भी रहे आंखों में, नींद की सिमत किसी ख्वाब का रास्ता न बने, जो भी रिश्ता हो फकत मेरा हो तुझसे ही, और तू और तेरा मुझसे भी रिश्ता न बुने। मोहब्बत करने वालों के लिए खास चीजें चलती रहती हैं जी। तो हमने सिर्फ शायरी के साथ एक हल्का सा फ्लेवर दिया है, अब आगे चल के हम देखते हैं प्रोग्राम में क्या क्या हासिल हुआ है। माही अली थैंक यू, 15 आपने डॉलर्स भेजे हैं ऑस्ट्रेलिया से आई थिंक, और बहुत सलामत रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे। सुपर चैट के लिए बहुत शुक्रिया माही, और जितने भी आपकी विशेज़ हैं वो कल का सूरज निकलने से पहले पहले पूरी हो जाए। तो ये अभी हमने एक टेस्ट किया है, थोड़ी देर के बाद जाहिर है इसके रिजल्ट्स में भी हम जाएंगे। जो लोग भी म्यूजिक या शायरी के दीवाने हैं वो लोग आके यहाँ पे अपना फीडबैक लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा लेट नाइट ये सफर भी जारी रहा करेगा, जितने लोग जिनको नींद नहीं आती, नींद तो इनको भी नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ भी कुछ ना कुछ ये सिलसिला चलता रहता है। तो प्लीज अपने सवाल यहाँ पे लिख सकते हो ताकि हम उनके जवाब भी आपको जल्द अज जल्द यहाँ पे दे दें, ठीक है। डू सुपर चैट लाइक द शो, थैंक यू, थैंक यू आप सब लोग। संदीप कौर सत श्री अकाल जी, कैसी हैं आप, ठीक हैं। और जो भी अभी मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हमें मुल्क से बाहर जाना है, कौन सी डेट हमने देखनी है, तो वो आप अपने ज़ोडियक साइन के हवाले से जो गोल्डन डेट्स होती हैं, जो मंथली हॉरोस्कोप होता है, उसके हवाले से आपने ज़रूर देखना है। तो 2-3 दिन में मैं मंथली जो अभी मई का महीना कैसा गुजरेगा उसके बारे में कुछ चीज़ें बताऊँगा। मई एक बड़ा अहम महीना है जिसमें चांद ग्रहण भी होना है शुरू, 5-7 दो डेज ऐसे हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में या तो कोई बहुत एक्सट्रीम चीज़ आएगी या कोई बहुत बेनिफिट वाली, तो उसके बारे में भी हम आपको स्टार्स में बताते रहेंगे। तो बाकी मैम यही मौजूद हैं, यही हैं, कहीं गई नहीं है, अगर आप सवाल कुछ पूछना चाहें तो वो ज़रूर पूछ सकते हैं। और
ईमेल का जवाब चाहिए, मैंने आपसे बात करनी, ईमेल का जवाब ईमेल के जरिए नहीं मिलता, फोन पे मीटिंग होती है, आप पे करते हैं और उसके बाद हमारी बात होती है। नाइस सॉन्ग और भी अभी हम आपके लिए थोड़ा बहुत प्ले करेंगे ताकि आप लोग इंजॉय करते रहें, ठीक है। ये सफर हमने अभी स्टार्ट किया है, थोड़ा सा और आपको एक स्टेप और अप लेकर जाते हैं और देखते हैं कि अब हम आपके लिए क्या करने लगे हैं। राह में पड़ती थी दीवार नहीं देख सका, मैं के उस पार था उस पार नहीं देख सका, देखता था जिसे रोजाना की बुनियाद में मैं, एक दो साल से एक बार नहीं देख सका, यार तो कैसे किसी शख्स की जान लेता है, मैं तो एक चिड़िया को बीमार नहीं देख सकता, उस पे क्या गम के चढ़ी है निगाहें उसकी, मैं भी तो उसको लगातार नहीं देख सका, तू है दुश्मन मेरी हालात को कहां देखेगा, मेरी जानिब तो मेरा यार नहीं देख सका, इसलिए उम्र से मैं कुछ बड़ा लगता हूं, तू मेरे हिजर की रफ्तार नहीं देख सका, तू मेरे हिजर की रफ्तार नहीं देख सका। कभी कभी यहां से वहां तक का सफर बहुत हसीन लगता है, दुआएं दिल से निकलती हैं, कुछ लोग अधूरे जवाब देने के बाद जिंदगी से निकल जाते हैं। लिया है आपने तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि मैम भी हमारे साथ हैं और भी ये उनको याद है कि हमने क्या पढ़ना है और क्या करना है। थैंक यू सो मच जो मुझे पर्सनल मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू जी आपका सबका। बस मैम के लिए ये लिख दिया करो, काफी मैम आप बहुत प्यारी लग रही हैं, कॉपी पेस्ट करके। कोई जेलस नहीं होता इसमें, कोई बहुत लोग जेलस होते हैं। अच्छा जी, तो कहते हैं आप जेलस होती हैं, भी मैंने क्यों जेलस होना है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, इतना हैंडसम स्मार्ट जो है हस्बैंड मेरे पास है, अल्लाह का शुक्र है, इतने अच्छे घर में, दुबई में बड़े महंगे एरिया में बड़े अच्छे से घर में रहती हूँ, अल्लाह पाक ने इल्म दिया है, सलीका दिया है, तरीका दिया है, अल्लाह का शुक्र है, बहुतों से बहुत खूबसूरत अच्छी शक्ल सूरत दी है, किस बात से जेलस होना है, है क्या उनके पास जो कहते हैं, जरा दिखाओ तो, मेरा हस्बैंड इतना ब्यूटीफुल है। अच्छा अफशा कह रही है कि अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है मैम जी, और आप जब वो किचन में जाती हैं तो आपका प्रोग्राम वहाँ भी लगा लेती हैं। अच्छा, क्योंकि सिमी किचन भी है ना एक तो। अच्छा मुर्शद, नुसरत फतेह अली खान, दिल की उम्मीद थोड़ा है कैसे ने, क्या दिल की उम्मीद, नुसरत फतेह अली खान के दिल की उम्मीद थोड़ा है, मैं देखता हूँ अगर, क्योंकि बहुत सारा जो पेड कंटेंट है, ये जो सॉन्ग्स हैं कॉपीराइट के साथ आपको बाय करने होते हैं, तो अगर मेरे उसमें है बहुत गाने हैं, बहुत हैं, लेकिन हम अभी इसको टेस्ट ट्रांसमिशन का ही नाम दे रहे हैं कि अभी आगे हमने इसको क्या करना है, देखते हैं फिर बैक टू बैक डेफिनेटली सबकी वो फरमाइश वाला जो सिलसिला है। ये बस इसको वैसे ही रखा हुआ मैंने ताकि आवाज सब जगह तक पहुंच जाए। सर जी आपने कॉइन वाला अमल, हाँ जी कॉइन वाला अमल तो बता दी, अब क्या करें बताइए, आप कर सकते हैं बिल्कुल, और डेट ऑफ बर्थ लिखने की कोई जरूरत नहीं। माशाल्लाह सिमी मैम आप को हासिदों से अल्लाह ताला बचाए, फिजा जीशान। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह पाक जो है बुरा चाहने वालों से, हासिदीन से, बुरा करने वालों से, जो प्लानिंग करते हैं, बुरा बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, अल्लाह ताला उनको अपनी डाले और ऐसी अपनी डालें कि वो मेरी और आपकी भूल जाए, आमीन जी। संदीप कौर कह रही है हेलो मैम जी, कैसे हो, ठीक है। आज शॉट्स कह रहे हैं सर जी, और उसको बताएंगे, गपशप करेंगे, और उसको बता दिया जी, वो तो हो गया, हर हर स्टार का अलग अलग बताया, एंजॉय करें अपना स्टार वो देखें, और ये तो सिर्फ उनके लिए है जो एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, सवाल जवाब गपशप, थके हैं और कह रहे हैं कि इस वक्त कुछ अच्छी बात कर लें या क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या कुछ भी, तो ये वो वाला मिक्स चार्ट और उसकी वीडियो है देख लें, बिल्कुल है जी। अच्छा मैरिज के लिए कैप्रिकॉर्न और कैंसर, बिल्कुल अच्छा है जी, जरूर कर लें, और सजिटेरियस बहुत अच्छा है कैंसर को भी और कैप्रिकॉर्न, और सिमी जी ड्रेस आपका बहुत प्यारा है, मिशेल खान कह रही है आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, माशाल्लाह जी। अच्छा जी, और
रुबाई ने मेरा क्या चोरा है माशाल्लाह है मासूमा कैप्रिकॉर्न के लिए दी बेस्ट स्टार जो है आपको हमेशा बताती हूँ टॉरस और वर्गो है सबसे बेहतर जो है ना ये दो हैं और उसके अलावा अगर करना चाहें तो पाइसिस भी अच्छा है जेमिनी भी ठीक है लेकिन स्कॉर्पियो को भी हैंडल कर सकते हैं मगर कैंसर स्टार को कभी भी नहीं कर सकते सजिटेरियस से अगर दोस्ती करना चाहें तो कैप्रिकॉर्न की और सजिटेरियस की बड़ी अच्छी दोस्ती है मगर शादी का तो सोचना भी ना और अगर औरत सजिटेरियस है तो उसका तो बिल्कुल भी ना सोचना ठीक है क्योंकि जो कैप्रिकॉर्न है वो उसूल वाला तरीके वाला डिसिप्लिन वाला बंदा होता है या बंदी होती है तो उसका गुजारा इन वाले स्टार्स के साथ मुश्किल होता है खासतौर पर लियो के साथ बहुत मुश्किल होगा कैंसर के साथ बहुत मुश्किल होगा तो उनके साथ अगर कर सकते हैं तो जरूर करें जी क्योंकि निभानी तो सही है बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है अच्छा जी क्वाइन वाला अमल है यहाँ पे कोई हमारी टीम लिख देगी या मेरी पुरानी वीडियोस में देख ले एक अमल को बार बार हम नहीं रिपीट करते हैं ठीक है वो ऑलरेडी मौजूद है कोई नई चीजें हम जरूर बताएंगे बाकी क्या है जी अस्सलाम वालेकुम सर जी मैं बहुत प्यारी जोड़ी है शाइस्ता अली थैंक यू शाइस्ता और आप लोगों को हमने ये क्वेश्चन आंसर का जो मौका दिया होता है सिर्फ ये मैच नहीं करवाना क्योंकि चलनी तो तुहाडी भी नहीं इसलिए वो बस दिल पिशोरी कर लो चलनी तुहाडी भी नहीं तो आपके कैसे नहीं इतने साल हो गए ये तो गाड़ी है ना उन्होंने तो शादी है गाड़ी में तो पेट्रोल डालो चल पड़ता ठीक है तो बाकी कोई कम का सवाल भी पूछ लो जरा थोड़े लिए भी जरूरी हो तो मुझे बताते हुए भी अच्छा लगे जी आफ्ताब बलोच मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं ठीक हैं सर जी आप जो आपने जो कमीज और क्वाइन वाला यार खुदा वास्ता इन मेरे को खुले भी नहीं ना मैं इन इतों ही दे देता क्वाइन हूँ ये ना पूछे कोई भी ठीक है क्वाइन को है वो वहां ऑलरेडी है ना जब आपने देखा था तो आप वहां से जाके देख लो सर जी फैन पेज इंस्टाग्राम पे वहां देखो मिल जाएगा थैंक यू उज़मा बहुत शुक्रिया और फैजान शाह कह रहे हैं टॉरस के कारोबार का क्या है जी गाड़ी का शोरूम है बहुत अच्छा चलेगा अल्लाह कामयाब करे लोहे में वैसे भी इन्वेस्टमेंट उनके लिए बेहतर है और जी सजिटेरियस सजिटेरियस बहुत अच्छा मुगल जैदी बहुत अच्छा करके देख लो जेमिनी की तरह जो करना चाहते हैं वो कर गुजरते हैं वो तो हाँ बड़े जिदार होते हैं वो सिपा सलार जैसे नहीं कहते वो जो फौजी वो उस तरह के होते हैं टॉरियंस तो टॉरियंस के लिए कुछ भी करना मुश्किल बिल्कुल ऐसा ही है जी सिमी जी लिपस्टिक का शेड कौन सा है माशाल्लाह बहुत जबरदस्त है सादिया सना फैन मस्ती की मैक 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 की है और मेरा लैपटॉप भी मैक का है हमारा क्योंकि बहुत आपको बहुत सारे लोग जो है ना वो उनको पता है और बहुत सारों को नहीं पता जब मैं हाफ जो है पर्जियन हूँ और हाफ मैं पठान हूँ नाना की तरफ से पठान हूँ दादा की तरफ से मैं ईरान से हूँ तो इस वजह से हमारा वो वाला वाइट कलर है तो हमें वो जो है वो है ही पाकिस्तानी जो है वो स्किन के लिए कलर के लिए खासतौर पर मैक की चीज़ें तो वो हमें वो उस तरह सूट नहीं करती तो लेकिन इस दफ़ा मैंने मैक की एक दो लिपस्टिक्स ली हैं वो भी राजा हैदर लाए थे अमेरिका से मेरे लिए और ये वो वाला कलर है अगर आप नंबर पूछना चाहेंगी तो मैं नंबर आपको बता दूंगी ठीक है और वैसे मैं तो ये करती हूँ दो तीन कलर ना मिक्स करके और फिर अपनी मर्जी का जो है वो कलर बना लेती हूँ मैं तो बहुत दफ़ा ये भी करती हूँ कि जैसे अगर लिपस्टिक में मुझे कोई जैसे आप खाने में फ्यूजन करते हैं तो अगर मुझे कुछ ऐसा करना हो तो मैं आई शेड को मिक्स कर लेती हूँ ग्लिटर को उसके साथ लगा लेती हूँ अगर आपके पास कोई भी ग्लिटरी आई शेड है कोई लिक्विड आई शेड है मैं तो उसको भी मिक्स करके अपनी मर्ज़ी का कलर बना लेती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नए नए तजर्बात करती रहती हूँ और अभी एक मैंने एक दो मेकअप में ऐसी चीज़ें मंगवाई हैं जैसे आप शेडिंग कर रहे होते हैं ना डिफरेंट तो इस तरह लिपस्टिक में शेडिंग कैसे करें तो वो सारे उसके औजार जो है वो भी मंगवाए हैं तो आपके साथ वो वाला शो भी करेंगे जी जरूर 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 आपको ये करना चाहिए और क्या है जी यहाँ पे हम आते हैं सवालों पे एक बार फिर से क्या है जी मैं फैब के मन में मुझे मेरा बेटा कौन सा अच्छा है क्या बताएं मेरा बेटा कौन सा अच्छा है ये तो आप हमें बताएं आपका बेटा कौन सा अच्छा है कैसी रोमन उर्दू लिखी कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है अच्छा रिजल्ट का वजीफा वो जी आपने अगर अच्छे पेपर दिए हैं तो यही अच्छा मेहनत और सिर्फ मेहनत यही सबसे बड़ा वजीफा खाली पेपर देके आगे तुसी को जी वजीफा दस दियो तो पास हो जाए ऐसा नहीं होता गौर करके पढ़ें समझ के पढ़ें जब टीचर आपको पढ़ा रही होती है तो ध्यान दें और नोट्स जरूर बनाया करें जो भी आपको लग रहा होता है तो नोट्स बना लेंगे तो उससे भी आपको इजी हो जाता है फिर पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम ये है कि सुबह जब आप फजर अदा कर लेते हैं तो उसके बाद सो नहीं उसके बाद वाला जो एक सुबह का टाइम है ना
वो एक बड़ा अच्छा याददाश्त के लिए अच्छा होता है। और जब भी बच्चों को ट्यूशन भी अगर आप भेज रहे हैं तो शाम मगरिब से पहले पहले अपने बच्चों को जितनी भी पढ़ाई है वो करने दें, मगरिब के बाद जो बैटरी है ना दिमाग की वो कम होना शुरू हो जाती है, आप उतना ज़्यादा समझ नहीं पाते, उतना पढ़ नहीं पाते, दिमाग में रह नहीं पाता। अगर लेट नाइट जो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो इधर से आएगा इधर चला जाएगा, तो वो काम नहीं किया करें। जो दिन दिन में जितनी पढ़ाई होती है वो आपको फ़ायदा देती है। अच्छा जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है जी। और स्टूडेंट्स के लिए कौन सा कलर मैम जी अच्छा होता है? सारे कलर अच्छे होते हैं, सब कलर अच्छे हैं, पर ये है कि जैसे आप डल हैं या पहले ही आप बहुत हाइपर रहती हैं और मैं आपको कहूँ जी आप रेड कलर पहना करें तो वो तो आपको और ही पागल कर देगा ना, तो वो नहीं है। जब तक मैं आपको समझूंगी नहीं, आपकी आदतों का मुझे नहीं पता चलेगा कि आप कैसी हैं, आप ज़िद्दी हैं, आप गुस्से वाली हैं, आप बहुत पोलाइट हैं, आप शाय हैं, आप क्या हैं, जब तक आपकी तबीयत का नहीं पता चलता तब तक आपको कलर नहीं सजेस्ट किए जा सकते, ठीक है? तो हर कलर हर एक के लिए नहीं है, और लेकिन यह है कि अगर बहुत डल रहती हो तो फिर शार्प कलर ज़रूर पहना करें, फिर अच्छे अच्छे कलर ज़रूर पहना करें, वो आपको बूस्ट करते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक का काम करते हैं। कलर रंग इतने ज़्यादा, आप बिल्कुल बैठे हुए हैं ना जैसे उठने का भी दिल नहीं जा रहा, तो जाएं जाके अच्छा सा कलर का जोड़ा निकालें पहने, आप देखें फ्रेश हो जाएंगे। रेड लिपस्टिक ही लगा लो, और मेरे कहने पे आप यकीन करो ऐसे ऐसे लोगों ने रेड लिपस्टिकें लगाने शुरू कर दी, मतलब जिनको अच्छी भी नहीं लगती हैं और जिन्होंने लाइफ में कभी लगाई भी नहीं थी, लेकिन वो यहाँ से मोटिवेट होकर गई हैं और वो देख लो अब लाइफ में वो रेड कपड़े भी पहन रहे हैं, वो रेड लिपस्टिक भी लगा रहे हैं, वो सुबह उठ के सबसे पहले तैयार होते हैं, फिर वो चूल्हे के आगे खड़े होते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा दिन कभी कपड़े भी चेंज नहीं किए थे और उन्हीं कपड़ों में वो आके व्लॉग वीडियो बनाते थे, लेकिन करते हैं, वो मुझे खुशी होती है, अच्छा लग रहा होता है। हाँ, ये ज़रूर दुख होता है कि अप्रिशिएट नहीं करते, ना कभी अपनी वीडियो में नाम लेते हैं, ना कभी यहाँ आके लिखती हैं कि आपकी वजह से इतना मोटिवेट हुई हूँ कि आज मैंने अपना पहले ख्याल रखती हूँ, फिर मैं अपने घर और अपने बच्चों का ख्याल रखती हूँ। तो जिसका क्रेडिट होता है उसको देना बड़ा ज़रूरी होता है, मुझे ये लगता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही मैनेज करें, जाहिर है हर किसी के लिए टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं, किसी के लिए रंग अच्छे होते हैं, किसी के लिए नहीं होती। देखो बात यह है कि अब अक्सर आपने ये सुना होगा जी हमारी फैमिली के बुजुर्गों ने कहा काले रंग के कपड़े ना पाओ, जबकि परवरदिगार के फेवरेट कलर्स में से जो कलर्स हैं ना वो काला रंग है। काली कमली वाले जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते थे, और काला जब्बा हजूर पाक का, आज भी आप जितने भी मुख्तलिफ जगहों पे लिबास पड़ा हुआ है, जितने भी जो जब्बा मुबारक हैं सारे वो ब्लैक आपको नज़र आएंगे ज़्यादातर। गिलाफ़ काबा जो है वो किसी कलर का आज तक नहीं जब से कायनात बनी, वो ब्लैक है। तो ब्लैक ही अपनी एक ये भी होता है ना हैदर, क्योंकि वो बहुत हैवी कलर है ना, वो हर कोई कैरी नहीं कर सकता। जैसे हजरत अली का जो नाम है ना, हर कोई कैरी नहीं कर सकता, वो इतना ब्लैक कलर व्हाइट कलर का नुकसान नहीं देता है, मतलब वो आपको ये नहीं है कि बुजुर्गों ने क्या पाओ ही नहीं, ये हो जाएगा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये जरूर होता है कि अगर आपको कुछ ऐसा शक है ना कि आप अगर पहनते हैं तो कुछ ऐसा आपके साथ मामला होता है, तो आप उसको कट कर दिया करें, आप उसके साथ दुपट्टा किसी और कलर का ले लो, जूता किसी और रंग का पहन लो, या पर्स या बैग कंट्रास्ट में आप चले जाओ, आप ले लो चूड़ियां वगैरह कोई और कलर की पहन लो, आप उस तरीके से कंट्रास्ट उस कलर को कर सकते हो, ताकि उसकी जो अगर आपको कोई भी उसकी बैड आपको एनर्जी मिलती है तो वो आपको नहीं मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर कहती हूँ, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा फैशन हो गया या इन हो गई है ये चीज़ कि जी ब्लैक में आप स्लिम लगते हैं। अब कुछ लोग खास तौर पे मीडिया से रिलेटेड भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं भी चले जाएंगे एक ब्लैक ही पहनेंगे। भाई क्यों, मतलब क्यों पहनेंगे? आप में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप जैसे भी हैं वैसे नज़र आए। अगर आप बल्कि हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप मोटे दिख रहे हैं तो कोई बात नहीं, क्या आप को लोग इतना प्यार करते हैं, आप इतना अच्छा काम करते हैं, आप का इतना बड़ा नाम है, तो क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप पतले मोटे नज़र भी आ रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो रंग पहना करें, ज़रूर पहना करें। और जो लोग हर वक्त ब्लैक और ग्रे में रहते हैं ना, फिर लाइफ भी उतनी ब्लैक और ग्रे हो जाती है। तो रंगों को मिक्स एंड मैच किया करें, हमेशा अपनी अलमारी के तीन हिस्से बनाएं, एक तरफ ब्लैक कलर को रखें, एक तरफ लाइट रखें और एक तरफ डार्क कलर रखें, अपने मूड के हिसाब से, अपने मिजाज के हिसाब से, अपनी ज़िंदगी जिस तरफ चल रही है उन रंगों के साथ खेला करें। जैसे आप ड्राइंग बनाते हैं तो रंगों के साथ खेलते हैं, आपको मुसव्वरी का शौक़ है, आपको पेंटिंग का शौक़ है, तो आप डिफरेंट कलर्स के साथ खेल रहे होते हैं ना, या आप गेम खेल रहे होते हैं,
तो आप डिफरेंट कलर्स के साथ खेलते हैं, इसी तरह आप अपनी उस अलमारी में टंगे जोड़ों के साथ भी आप ये किया करें तो फिर आप देखें कितना बेहतर होता है जी। बिल्कुल सही। मैंने एक सवाल आपसे अभी पोल में पूछा है कि हमें इस तरह के शो करने चाहिए या नहीं। 96% लोगों ने कहा है यस और 4% लोगों ने कहा है नो। और ये वो 4 हैं जिन्होंने अंगूठे नीचे किए हुए हैं। ये अब आपको मैं उस स्टूडियो में जाके बता रहा हूँ। अंगूठे 2 लोगों ने नीचे किए हैं लेकिन हेटर्स अभी एक और ने कम कर दिया। अब 3 लोग ये कह रहे हैं 3% के नहीं आए। हमने उनको 97 चोली चुप के बदवा भी दे देती है असी और हमने उनका वो भी कह दिया। जो 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 करना है करो। 94 की तरफ हम जाएंगे। हम तो 94 की तरफ जाएंगे और प्यार कर रहे हैं। एक मिनट में 67 वोट आए हैं और 68 वोट हो गए हैं। ये ऊपर काउंट लिखा हुआ है और जिसमें 69 ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक मिनट की टाइमिंग में हमने ये देखना था। 71 देखो वोट आप लोगों ने कर दिए हैं। और इस तरह के प्रोग्राम से मतलब कि इसमें गपशप भी है, इसमें म्यूजिक, शायरी, स्पिरिचुअल हर चीज है। तो स्टार्स का इस वजह से नहीं कि स्टार हमने सेपरेट कर दिए हैं कि वो आपके अलग अलग, आपको मेहनत ही ना करनी पड़े। हर हफ्ते आपने सितारे भी देख लिए और इस तरह की लाइव ट्रांसमिशन भी। आपको स्टार्स अलग मिलेंगे और इस तरह के शो अलग हुआ करेंगे। जिन्होंने वो देखना है वो देखें, जिन्होंने ये देखना और वो अच्छा हो जाता है। लेकिन वो हर बार ये नहीं होगा कि आपको अलग अलग टुकड़ों में स्टार्स मिलेंगे। हाँ, वो वन वीडियो ही मिलेगी ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। 90 वोट्स हो गए हैं जी। जो 90% जो लोग हैं उन्होंने भेजा और 95% लोग कह रहे हैं यस, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और 93 वोट आए हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं। वही वाली बात है ना, देखो इतने सारे लोग हैं जो जिंदगी में दुख गए हैं या थक गए हैं और वो चाहते हैं कि कोई गपशप वाला शो हो, कोई अच्छी बातों वाला शो हो, एंटरटेनमेंट वाला शो हो, या हमारे मैसेज कोई पढ़ ले, हमें जवाब दे दे, हमारे सलाम का जवाब दे दे। तो ये ज़्यादातर लोग वही हैं, तो हमें ज्यादातर लोगों वाली ही बात सुननी है। ठीक है ना जी, बिल्कुल सही है। तो बाकी जो 3-4 हो आप भी उनकी खुशी में खुश रहो, यकीन करो खुशी मिलेगी। अब ये तो है वाली बात है, बिल्कुल सही। और ये 100 वोट आपने पूरे कर दिए जी, 100 के ऊपर भी अब आप जा रहे हैं और आपका बहुत शुक्रिया। हम एंड कर देते हैं 102 अभी, जब तक ये चलेगा हम इसको एंड कर देते हैं ताकि हमें पता चल गया कि हमने क्या लिखा था। इसके लिए बहुत शुक्रिया। अब सवाल जवाब आपके थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं जी। और 105 लोगों ने ये वोट दिए, 95 ने कहा यस और 4% ने कहा नो। अच्छा जी, इक्वेरियस वालों को हमेशा धोखा क्यों मिलता है पता नहीं, आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बुरे हैं। इक्वेरियस वाले खुद इतना धोखा देते हैं लोगों को, चूना ला के निकल जाते हैं। आपने नहीं दिया। इक्वेरियस का ये प्रॉब्लम होता है ना, वो जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, दूसरे पे जल्दी भरोसा कर लेते हैं, दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से मामलात होते हैं। और दूसरा एक ये भी होता है कि अगर कोई उनके साथ नहीं रहना चाह रहा, कोई उनके साथ दोस्ती नहीं करना चाह रहा, तो वो जबरदस्ती भी कर रहे होते हैं, खुद रिलेशन को घसीट रहे होते हैं, या अपना ही 100% डालते जाते हैं और खुद ही थकते रहते हैं, दूसरों को परवाह भी नहीं होती। तो एक हद तक किसी के साथ करो, उसके बाद नहीं करो, ये मामला एक ख़राब होता है। और अगर एक्वेरियस मर्द है तो फिर उनको पार्टनरशिप करने में, बिजनेस करने में थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर उन्हें उसमें जो है धोखा मिलता है, क्योंकि वो दूसरी साइड का, उसे पता है कि ये बंदा जो है ना ये मेरी बातों में आ जाएगा और जो मैं कहूँगा वो ये करेगा, और उसके बाद फिर आपको लॉस उठाना पड़ता है, उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ता है, और फिर बाद में कहते हैं हाय हमने क्या कर दिया। तो उससे पहले पहले आप किया करें। और मैं आपको हर दफ़ा यही बात करती हूँ कि मेरे पास जो इल्म है, मैं आप अगर किसी के साथ मीटिंग भी करना चाह रहे हैं, किसी को एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, तो आप सिग्नेचर हैंडराइटिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, या आपका वेल विशर है, आपके साथ लॉयल है, या आगे जाके आपको धोखा देना चाह रहा है, आपके कारोबार पे कब्जा कर लेगा 2 दिन बाद ये। या फिर अगर सहेली दोस्त भी बनाते हैं तो भी आप पता कर सकते हैं। यकीन करें उनकी हैंडराइटिंग से उनकी नेचर पता चल जाएगी, उनका एक एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ बता देगा कि ये बंदा कैसा है। तो आगे जाके यही सहेली आपके शौहर से शादी कर लेगी, ये भी पता चल जाता है। ठीक है, तो आजकल क्योंकि हालात बहुत ख़राब हैं, क्योंकि दुनिया बहुत ख़राब है, क्योंकि चालाकियाँ, मक्कारी, अय्यारी बहुत ज़्यादा है, तो खुद ही संभल संभल के कदम रखें। और अगर जिनको भी अपना लाइफ पार्टनर, अपना बिजनेस पार्टनर या अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हैं, तो आप पहले उसके बारे में जान लेंगे तो आगे जाके आपकी लाइफ बहुत बेहतर होगी। आप बहुत सारा अपने इर्द गिर्द भी देखा करें, ऑब्जर्व किया करें। जैसे आप बहुत सारे टिकटॉकर्स को देख लें, यूट्यूबर्स को देख लें, या शोबिज़ के हवाले से देख लें कि पहले उनकी बहुत गहरी दोस्तियाँ होती हैं,
कोई किसी को बेटी बना लेगा, कोई किसी को बहन बना लेगा, कोई किसी की बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, और चार दिन बाद वही कुत्ते खानियां हो रही होती हैं और एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बातें कर रहे होते हैं। तो ये वाले मामलात होते हैं। तो इसी वजह से आपको कहते हैं कि आप पहले पता करा लिया करें, और जो हैदर के पास इल्म है तो जायचा बनवा लो कि शादी कैसी रहेगी, बिजनेस कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, करें ना करें। तो फिर ये होता है कि आपको वो जो आगे जाके आपको एक नुकसान बड़ा उठाना पड़ता है, आप उससे बच जाते हैं। और जाहिर है अगर आप लोगों ने अभी तक ये वाला रंग दुनिया का नहीं देखा है, तो उन सब के लिए जो ये रंग देखना चाह रहे हैं, छोटा सा एक नंबर है आप लोगों का फेवरेट, इसके बाद दोबारा से हाजिर हो रहा है के लिए खूबसूरत सा नंबर हमने चलाया टेस्ट करने के लिए कि आपको ये नंबर पसंद है या नहीं है। और इसके अलावा भी हमारे पास और बहुत सारे ऐसे आप लोगों की फरमाइशें हैं। आज जस्ट एक टेस्ट शो है और उसके बाद हम आपके लिए बहुत सारी ये चीज़ें लेकर आएंगे। जमाने ने बेशरम रंग देखा है या नहीं देखा है, लेकिन हमने बता रही है बहुत अच्छी है, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं लोग, लेकिन ये कह रही है कि फोन पे ज्यादातर रबते होते हैं, कॉन्टेक्ट होते हैं, तो उनके बारे में कैसे। देखो जो फोन पे कर रहे हैं उन पर तो बिल्कुल एतबार नहीं करो। जब तक आप पर्सनल किसी से नहीं मिलते, कभी भी किसी को अपनी पर्सनल आप डेटा नहीं देंगे, पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। इवन कोई कितना भी कहता रहे अपनी तस्वीर भी किसी को नहीं देनी। आपकी तस्वीर पे आपको हिप्नोटाइज लोग कर सकते हैं, आपको काबू कर सकते हैं, आप पे मैजिक कर सकते हैं, आप पे बंदिश करवा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपकी तस्वीर के साथ भी। तो वो वाला काम आपने नहीं करना जब तक कि आप किसी को जाती तौर पे नहीं जानते। तब तक रिलेशन में जाना, बिजनेस करना या किसी के साथ जिंदगी पूरी गुजारना कैसे आप कर सकते हो। पहले अगर जिससे भी फोन पे मिल रहे हो, रापता आपका चैट से हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सबसे पहले पहले दिन ही उसे कहो चलो भाई मिलो। जब आप मिलेंगे, मीटिंग करें, फिर उसका उसकी फेस रीडिंग होती है, उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, वो कैसे बैठ उठ रहा है, बात कैसे। देखो जो झूठा होगा ना, उसकी सबसे बड़ी निशानी ये होगी वो कभी आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है, सबसे पहली निशानी एक झूठे की, एक मक्कार की, एक धोखेबाज की यही है कि वो आपकी आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेगा। वो आंखों को यूं 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 घुमाएगा, कभी इधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी यूं 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 कुछ करेगा, कभी टेबल पे, कभी इधर। तो आप पहचान जाएंगे वो एक धोखेबाज और एक झूठा है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा मजबूरियाँ बताएगा वो भी झूठा है, वो भी झूठा है। तो और फिर अगर उसकी इन्फॉर्मेशन जब पता चल जाए तब हमसे रब्ता करें, तब हमें बताएं। अगर उसके सिग्नेचर मिल जाते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसकी माँ का नाम है या फिर हैंड राइटिंग है उसकी, कुछ भी ऐसा है तो आप वो हमें दें, फिर हम आपको उनकी डिटेल पूरी की पूरी बता देंगे। अच्छा मोहम्मद सलमान, बहुत शुक्रिया, 11,000 रुपीज़ इंडिया से आपने भेजे हैं, दुआओं की गुजारिश फॉर द वीज़ा। अल्लाह ताला बहुत जल्दी सारी मुश्किलात हल कर दे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे और बेहिसाब कामयाबियाँ अता करे। कल का सूरज आपकी ज़िंदगी में खुशियों का तूफान ले आए, और आपके जो भी महरूमीन इस दुनिया में नहीं है उन्हें जवार रहमत में जगह दे। थैंक यू फॉर 11,000 इन सुपर हिट, आपने छक्का लगा दिया है, मोर सुपर चेक। वाह, मेरा दिल गिर गया, ओहो, और मेरे कदमों में गिरा है, देखिए मतलब जरा सा। अच्छा और तो कुछ नहीं गिरा इधर, ओके ठीक है। और रख दिया कदमों में दिल नजराना को भूल कर ले, और थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लोगों के सवालों के जवाब आप दे रहे हैं जो अभी आए हैं। प्लीज लाइक को हिट कर दें, गाना गाइए। रब दे कसम यारा, रब दे कसम, बहुत शुक्रिया। जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा, आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया, किस तरह तू मुझसे बेवफा हो गया, चैन मेरा ले लो, खुशी मेरी ले लो, दे दो मुझे दे दो, मुझे दे दो सारे उधार मेरे, आप उधार दे दे। इन्होंने मेरा उधार दे दिया, मैंने इनका कोई उधार, सारे गम नहीं लेने, उधार दे दे तू मेनू। मैं सबको बताती हूँ अभी जो जो उधार आपने मेरे देने हैं। ओके ठीक है, अभी जमाने ने बेशर्म रंग देखा ही नहीं ना, अभी उनको पता ही नहीं कि लोग डीट होना चाहिए, उम्र च की रखे।
ये क्या था? ये बस वैसे ही, मतलब कोई क्वेश्चन किसी ने किया हुआ है तो पूछ लें उनसे। जी हम भी यही कह रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन आंसर करना चाह रहे हैं तो प्लीज आप जल्द अज जल्द हमसे पूछ सकते हैं, उसके बाद सवालों का ये लाइन बंद कर दी जाएगी। और डीसी बिग बॉस बोलो बोले बहुत बहुत सारे वजीफे मैंने बताए हुए हैं, जबरदस्त सॉन्ग, स्वीट वॉइस, थैंक यू सिक्लैन, आपको बताया आप। ओके अच्छा जी, आज का जो प्रोग्राम है इसको आप बिल्कुल भी हमें इसकी फीडबैक आपने देनी है। जब भी ये प्रोग्राम यहीं पे होगा हम छोड़ देंगे, हालांकि इस तरह के प्रोग्राम हम ज़्यादा छोड़ते नहीं हैं, इसको दो दो जगहों पर हम वो भी नहीं करते, लाइव वीडियोज़ अलग हैं और वहाँ पर अलग पड़ी हुई है, लेकिन आज हमने सिर्फ फीडबैक देखना है आप लोगों का कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें पसंद हैं तो हम ज़रूर करेंगे। मैम थोड़ी आपका साथ देंगे, मैं एक सेकंड में आता हूँ। मैम जी आप जरा ये बात करें, मैं थोड़ा सा और लिख रही चीज आ रहा। आप क्या लेने जा रहे हैं जी? अभी हमें हो सकता है इसके बाद एक घंटा द गेम चेंजर सिमी हैदर वाले चैनल पे भी आएं और वहां बैठ के आराम से शो करें। नहीं, ये होते हैं लोग अपनी बीवियों को कैसे सपोर्ट करते हैं, यहाँ कहते हैं नहीं। आवाज आ गई है। और इसके अलावा भी बहुत सारे वज़ाइफ़ बताए हुए जी, कामयाबी के लिए बताया हुआ है, आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए भी आपको वज़ाइफ़ बताए हुए हैं, और शादी के लिए वजीफ़ा बताया है, औलाद के लिए भी आपको बताया हुआ है, किसी से बात मनवानी है, जायज़ अपने दिल की बात मनवानी है उसके लिए भी वज़ाइफ़ हैं, और बहुत सारे हैं। आप प्लीज़ द गेम चेंजर सिमी हैदर जो शो हम करते हैं उसको हम डिलीट नहीं करते, और वहाँ पर क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे लोगों को जवाब दे रहे होते हैं, अब वो वाला शो भी कभी कभी देखा करें। अब्दुल रऊफ भाई हम सुन रहे हैं आप, और थैंक यू मिशाल, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। किंजा कहने ज़बरदस्त, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, सबका बहुत शुक्रिया, इतना प्यार मान देते हैं उसके लिए बहुत दिल से बहुत सारा शुक्रिया। और कुकिंग वीडियो भी हैं जी, कभी कभी वो भी देख लिया करें, अच्छी कुकिंग की है, बड़ी ईजी कुकिंग है। और क्या लेने गए हैं और कहाँ गए हैं और क्यों गए हैं? और जिन लोगों ने प्लीज ड्रेस और बाय करने हैं आप जल्दी से जल्दी जो है इंस्टाग्राम पे रब्ता करें ताकि आपको हम पार्सल फिर भिजवा दें जी। आ जाए ओके आ जाए। हाँ जी अभी थोड़े से आपके सवाल हम पढ़ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सना खातम थैंक यू वेरी मच, आपने 11,000 सुपर चैट भेजी है। अस्सलाम वालेकुम सर एंड मैम, दिल भेजा है, ईद मुबारक सबको, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपके इस सुपर चैट के लिए, हमारे दिल से निकलती हैं सना दुआएं, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे, आपको कामयाबी अता करे, आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, और जाहिर है आपके लिए बहुत आसानियाँ यहाँ पर हो जाएँ, हमारे दिल से निकलती हैं दुआएँ। और ये रहा आपके लिए साउंड इफेक्ट थोड़ा सा, और ये है आपके लिए खास तौर पे दोबारा से, ठीक है, थैंक यू वेरी मच सना। और बाकी जितने भी लोग हैं वो सुपर चैट कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत शुक्रिया। टिकटॉक पे है जी सिमी हैदर राजा, वहां जाएं। और ये हैं जी राजा, रियल राजा है, मैं रियल राजा हैदर हूं, इसलिए रियल राजा हैदर है। और ज्यादा लोग टिकटॉक पे भी जाया करें, मुझे पता है सबका टिकटॉक है, मगर कोई जाके, और अच्छा सिर्फ व्यू ना किया करें वहाँ पर, वो दिल है उसको भी प्रेस किया करें और अच्छा सा कमेंट भी छोड़ा करें, ओके? लोग सुनते क्यों नहीं है? पता नहीं, उन्ना दिखाते हैं। हर बात मनवा लेते हैं, ये करें ये ना करें, हाँ। ऐसे बैठे हैं ऐसे खड़े हो, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कर रहे हैं, मनवाते हो अपने, हमारी एक उसका जवाब नहीं मिलेगा यहाँ, उसके लिए प्राइवेट मीटिंग करनी होती है, यहाँ सिर्फ जनरल क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं उसी का हम बताते हैं अनुपम। और माविश थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम सर। निशाद फातिमा ये कह रही हैं, वालेकुम सलाम निशाद। और देखो हॉरोस्कोप के बारे में हमने अलग वीडियोस कर दी हैं, मंथली और वीकली हॉरोस्कोप कोशिश करेंगे इसी तरह से आप देखें ताकि आपके लिए भी आसानी हो और मेरे लिए भी आसानी हो जाए, ठीक है? अच्छा, और दूसरा एक ये भी आप सबको मशवरा है कि जब कभी भी ट्रैवल करते हैं नहीं, या ड्रामे की शूटिंग है कुछ भी है और शो नहीं हो रहा होता, या वीकली आपको हॉरोस्कोप नहीं मिलता है, तो दुआइयाँ देने की बजाय आप जाया करें मंथली हॉरोस्कोप, और मंथली में जाके आप वो वाली डेट्स सुना करें सर ने जो जिन डेट्स के बारे में आपको बताया होता है, तो वो जो मंथली में आपको वजीफा दिया जाता है, तस्बीह दी जाती है विर्द करने के लिए, या आपको कलर बताते हैं, सदका बताता है, आप उनको रिपीट किया करें, देखें वो क्योंकि पूरे मंथ का है ना,
तो वो सारे हफ्तों को कवर करता है, आप वो देखा करें। और उसके अलावा अब बहुत सारे लोग हमसे आके पूछ रहे होते हैं कि आने वाले दिनों में पाइसिस के साथ बताएं तो टॉरस के साथ बताएं तो सेजिटेरियस के साथ बताएं, तो उसके लिए आप जो पूरे साल की एक वीडियो आपको दी है ना, आप उसको खोल के भी सुना करो कभी कभी, और उसमें देखा करो कि आपको क्या बताया है, मार्च के बाद क्या होगा, जून के बाद क्या होगा, अगस्त में जाके आपके लिए क्या होगा, तो वो भी आपको बहुत रहनुमाई वहां से भी मिलती है। वो जो आप बार बार क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, आगे पूछ रहे होते हैं कि ये अभी तक नहीं हो रहा तो कभी तक ठीक होगा, तो वो जो आपको पूरे साल वाली वीडियो है आप उसको ओपन करें और उसमें जाके अगर मार्च गुजर गया, अप्रैल गुजर गया, तो फिर मई के आगे से सुनना शुरू कर दें कि आपके स्टार के साथ आगे मामलात जो हैं उनके लिए क्या बेहतरी नजर आ रही है। बिल्कुल यही है। फिजा जीशान अब कह रही है भाई दुर नजफ हर कोई पहन सकता, बिल्कुल पहन सकता, क्योंकि दुर नजफ के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं, बस ये हैं कि अगर जिनको बहुत ज़्यादा बैक पेन रहता है उन लोगों के लिए बड़ा कारामद होता है हड्डियों के दर्द वगैरह के लिए, और थोड़ा रूहानी उसमें असरात ज़्यादा फोकस होते हैं, क्योंकि मुँह नजफ बिल्कुल अलग है, वो अगर खालिस कहीं से मिले तो मैं तो जितने भी स्टोन्स या वो दे रहा होता हूँ वो ए ग्रेड के होते हैं, ए बी सी थ्री तरह के होते हैं, जिनमें सी और बी का ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा होता है जी। रनिंग थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। लिब्रा के लिए बेस्ट कलर बताइए, सारे कलर हैं, लिब्रा ज़रूर पहना करें। और हेलो राजू भाई, राकेश, रक्ष, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, हेलो जी कैसे हैं आप, ठीक हैं? अच्छा जी देखो, यहाँ अब आहिस्ता आहिस्ता लोग नीचे जाना शुरू हो गए हैं, हालांकि हमारे पास अच्छे खासे लोग थे जो देखने वाले थे, शायद बहुत सारे लोग हैं जो वही लकीर के फ़कीर के, यार हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं नज़र आई, हमने तो हम तो बड़े इस्लामी बंदे हैं, हम म्यूज़िक नहीं सुन पाते हैं, तो ये शो उनके लिए नहीं है, ये शो उनके लिए है जो रात को रिलैक्स होना चाहते हैं, आप लोग अच्छे मूड के साथ हैं। अभी ये टेस्ट शो, इसको हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि हम इस तरह का शो डिफरेंट अलग करेंगे, म्यूज़िक के लिए अलग होगा, पोइट्री के लिए अलग होगा, क्वेश्चन आंसर का अलग सेशन होगा, आज हमने ये मिक्स एंड मैच किया, अभी भी 50 चीज़ें हम नहीं कर रहे, तो प्लीज़ अगर आप लोग साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे तो ऐसे शोज मिलेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा शो। अच्छा मैं तो नहीं करूंगा, मेरी तो इतनी ताकत ही नहीं होती ना कि मैं, मतलब मैं क्यों, मेरे पास और बहुत करने के काम है, तो मैं ये तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूं। नहीं, एंटरटेनमेंट वाले शोज हम करेंगे, चाहे कोई आए चाहे ना आए। अच्छा तो फिर मैं किसके लिए करूंगा जब कोई आएगा ही नहीं, खुद ही आएंगे जिन्होंने देखना होगा। अच्छा हेलो सर, नजरबद के लिए कुछ बात, नजरबद के लिए अलग अलग चीज़ें हैं जी, इसार भी करवाते हैं लोग, नजर उतारते कैसे हैं वो साफ 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 हमने खरबों दफा बताया हुआ है, लेकिन हर बंदे के लिए अलग एक लो होती है, तैयार होती है, जो आप अपने पास रखते हो तो नजरबद से आप सेफ हो जाते हो। मेरे पापा के लिए दुआ करते, बहुत सारी जुबिया कह रहे हैं आपके पापा के लिए दुआएं हैं, वो ब्रेन ट्यूमर आप कह रहे हो, अल्लाह ताला करम करेगा, जड़ से खत्म हो जाएगी ये बीमारी, बीमारी करवला के साथ किए जी। और अक्सर में कह रही आह कमाल और 528 के बारे में बता दें, बस वो पाइसिस हैं। और बाकी आप लोगों के जो सवाल हैं वो अगर ऐसे ही आएंगे तो जवाब भी ऐसे ही आपको मिलेंगे। यहां मैं बार बार जब ये कहता हूं कि ये सवालों जवाबों का शो नहीं है कि डेट ऑफ बर्थ आपने लिख दी और हमने आपको बता दिया, उसके लिए आपको इस ईमेल पर रब्ता करना है, एक टेलीफोन नंबर दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को ये देखना होगा कि अब हमने करना क्या है, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए है जिनके लिए हम अभी तक यही बोल रहे थे। चलो एक ट्रैक की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सर बहुत अच्छा शो है, ऐसा जरूर करें। अच्छा जी बिल्कुल सही है, अभी हम जरूर करेंगे और आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा ट्रैक लगाते हैं ताकि एक बार फिर से हम आपको सरजमीन मोहब्बत पे लेके जा सके। माहौल मुनासिब हो तो ऊपर नहीं जाते हम, ताजा घुटन छोड़ के छत पे नहीं जाते, देखो मुझे अब मेरी जगह से ना हिलाना, फिर तुम मुझे तरतीब से रख कर नहीं जाते, बदनाम है सदियों से ही कांटों की वजह से, आदत है मगर आज भी की कर नहीं जाते, जिस दिन से शिकारी ने अदा की कोई मन्नत, दरबार पे उस दिन से कबूतर नहीं जाते, सो तुम मुझे हैरत ज़दा आंखों से न देखो, कुछ लोग संभल जाते हैं सब मर नहीं जाते, कुछ लोग संभल जाते हैं सब मर नहीं जाते। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा थोड़ा आपको हम मोहब्बत की सरजमीन पर ले जाते रहेंगे और साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ते रहेंगे। 14 कैनेडा से डॉलर शाजिया मरियम ने भेजे, थैंक यू वेरी मच शाजिया, सलामत रहें, अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफा करे, कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आपके दिल के सारे अरमान पूरे हो जाएं। फायरवर्क आपके लिए जिन्होंने सुपर चैट भेजा है, शाजिया मरियम थैंक यू वेरी मच, सना बहुत शुक्रिया, और सलमान आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है अभी हम आगे चल
चलते हैं। ये दोबारा से हम रिपीट करते हैं, जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है और जो जा रहे हैं उन लोगों को शायद नहीं पता, हम थोड़ा सा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट आहिस्ता आहिस्ता बदलेंगे। स्टार्स आप देखोगे वीकली, इसी तरह वीडियोस जैसे मैंने इस बार टुकड़े किए हैं वो वन गो में आप देखोगे, ताकि आप अपना अपना स्टार देख सको। टुकड़ों का टाइम नहीं होता, बहुत टाइम लगता। दूसरी चीज, हम लोग यहाँ पे आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं, ठीक है। कुछ पुराने कुछ नए हम मिक्स कर करके आप लोगों के लिए म्यूज़िक भी प्ले करेंगे, कुछ अच्छी शायरी भी आप लोग सुनने को देखोगे, सुनोगे, एंजॉय करोगे। लेकिन यहाँ पे मेन मकसद है आप लोगों की रहनुमाई करना, जो सवाल आप पूछते हो हमें। ज़िंदगी को इतना निचोड़ दिया है लोगों ने, जो हमारे साथ जुड़े होते हैं, जो हमसे दूर होते हैं, परेशानियां कहां से आती हैं? हालात की वजह से। हालात कौन पैदा करते हैं? लोग। यानी आपका दुनिया में कोई भी काम हो वो कुदरत की तरफ से नहीं होना, किसी न किसी के साथ जुड़ा है। पैसे नहीं आ रहे हैं, इमिग्रेशन के मसले हैं, शादी ब्याह, मियां बीवी, औलाद माफ कीजिएगा, ये सारी चीजें इसी तरह चल रही होती हैं। अब अल्लाह ताला इन सब चीज़ों पे हावी है, वो जब चाहे वो बदल दे, लेकिन उसने तकदीर लिखी है कुछ हमारे सबक के लिए, कुछ उन लोगों के सबक के लिए। अगर आप अपनी हिम्मत छोड़ दोगे तो इस दुनिया में आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाओगे, आप बहुत पीछे चले जाओगे। और ज़ीरो भी वो वाला जो एक के उधर लगा होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने अपनी वैल्यू बनानी है तो एक से आगे लगते जाओ, एक नहीं, दस नहीं, जितने भी लगोगे उतनी ही उस एक की वैल्यू होगी, जिस एक की वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो उस एक को आपकी ज़रूरत है, आपने सिर्फ ये बताना कि हम सांस लेते हुए इंसान हैं, चाहे आप मर्द हो चाहे औरत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी एक भाई ने अमेरिका से एक मीटिंग की थी, बहुत बहुत अच्छे इंसान हैं, नमाज रोज़ा कई सालों से उन्होंने ये इबादतों का सिलसिला नहीं छोड़ा है। अभी तकरीबन कोई 3.5 साल हुए हैं वो वॉशिंगटन में हैं, उनका स्पाउस वीज़े पे वो गए हैं और उन्होंने कहा है कि जी कुत्ते वाला सलूक करती है मेरी बीवी। जाहिर है फैमिली की तो नहीं, आउट ऑफ फैमिली है, लेकिन वो जो शादी होती है कि चलो ये तो ग्रीन कार्ड के लिए फंसा है और मेरा सिर्फ स्पाउस वीज़ा आया और वो आगे प्रोसेस नहीं कर रहे और मैं बड़ी मजबूरी से ज़िंदा हूँ। और उन्होंने वो बताया भी है कि वो जो अब्यूज़ कर रही हैं वो मारना पीटना, और कहा मैं तो सिर्फ एक कॉल कर दूँ केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मैं रहना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरी एक बेटी है, और वो बेटी को भी बीच में हिस्सा बना के ब्लैकमेल करना और वो, और मेरा बैक होम बड़ा ऐसा हालात हैं कि मैं अगर यहाँ से जाता हूँ तो फिर मुझे ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करना है। खैर, अब क्या है कि हम अगर किसी को टूल बनाते हैं कि बस जो भी है इसको निचोड़ दो, इसने तो ये तो हमारा मोहताज है। अल्लाह ताला बहुत सारे ऐसे करामात करता है जो इन इमिग्रेशन के केसों में से नए नए केसेस भी निकल रहे होते हैं। अभी जैसे बहुत सारे लोग पीएचडी सारी ज़िंदगी करने के लिए किसी भी मुल्क में जाते हैं और वापस अपने मुल्क में आके फिर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो अमेरिका ने ये पिछले साल ये कहा और इस साल इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि अगर आप हमारे मुल्क से पीएचडी करेंगे तो हम डायरेक्टली जिस दिन डिग्री लेंगे आपको ग्रीन कार्ड भी दे देंगे, ताकि आप यहीं रहें, काम करें और वो करें, क्योंकि हमें पीएचडी वालों की ज़रूरत है। हमारे मुल्क में उनकी वैल्यू होगी कि नहीं? अब आगे इसी तरह जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो लॉयल हैं, वो उनकी हिस्ट्री एफबीआई पूरी चेक कर रहा होता है कि कौन सा साइबर क्राइम का ब्रांच है, किस किस बंदे ने दुनिया में क्या क्या किया, वो आप तक खुद पहुंच जाता है। तो आप अच्छा करते रहो, किसी के बुरे के ऊपर मत कहो, और इतना भी अपनी इज्जत नफ्स का सौदा मत कर दो कि जमीन पर बैठ जाओ कि जी मेरी बच्ची का क्या होना और मुझे अगर ये नहीं हुआ तो वो नहीं होगा, वो अल्लाह है। और बहुत सारे केसेस हैं, उन्होंने कहा कि जी ईमेल मैं आपको कर रहा हूं तो मेरी बात करने की इतनी वो नहीं है, हिम्मत नहीं कि मैं बात करूं। नॉर्मली बात तो जब उनसे मेरी हुई थी तभी मैंने उनको कह दिया था फिक्र ना करें। अच्छा, इस जैसे बहुत सारे केसेस हैं, औरतों के साथ भी होते हैं जो मर्द अब्यूज़ कर रहे हैं, मर्दों के साथ भी हो रहे हैं। आप ये याद रखना कि पूरी दुनिया में एक लॉ है कि अगर आपको मियां मार रहा है या बीवी मार रही है, तो सोशल सर्विसेज वाले होते हैं, वो फ्री के सॉलिसिटर्स होते हैं जिनको आपने कॉल करनी है, पुलिस आपको जगह भी देती, रहने खाने पीने के लिए सब कुछ, फिर उसके बाद जो भी केसेस होते हैं। तो आप डरे नहीं कि जी आपको इलीगल, आप लीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास एक लीगल इंसान भी यहाँ मौजूद है जो दूसरों के मैसेज तो पढ़ता है लेकिन यहाँ आके शो नहीं करते हैं कि जी मैंने करना है, मैंने करना है। और अब हम मेरे बगैर कुछ नहीं है, ये शो का जवाब दें आप जरा लोगों को, जवाब दें जो पढ़ के आए हैं। जवाब अभी कोई पूछ रहा है कि आपकी लव मैरिज है, तो बिल्कुल जी लव मैरिज है, इनकी लव मैरिज है। इन्होंने तो जूती भी नहीं लिखा के दी है। अच्छा, और इतनी लव मैरिज है, इन्होंने मुझे खून के खत भी लिखे हैं, सोचें सोचो, और लव है तो इतने साल से साथ है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा बच्चा जवान हो गया तो साथ हैं, ख्याल कर रहे हैं, और फिर जब आप मुझे देखते हैं ना, मेरे चेहरे पे ये रंग है, रूप है, जैसा मैं अपने आप को कैरी करती हूँ, तैयार करती हूँ, खुश रहती हूँ,
तो जब तक आपको हस्बैंड अच्छा ना मिले या हस्बैंड आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा, आपकी केयर नहीं कर रहा, आपका ख्याल नहीं कर रहा, आपको ज़हनी तौर पे सुकून नहीं दे रहा, आपको आपके हकूक़ पूरे नहीं कर रहा, कभी भी कोई औरत जो है वो इतनी फ्रेश या खूबसूरत या इतनी पॉजिटिव या इतनी स्ट्रांग नज़र नहीं आ सकती। तो जी ये मोहब्बत ही है जिनकी वजह से अब तक मैं इनके साथ हूँ, वरना तो अल्लाह बेहतर करे जी सबके लिए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। आज ही फैमिली फ्रेंड की डेथ की खबर सुनी, अल्लाह ताला उन्हें जवार रहमत में जगह दे। तकलीफ होती है ज़ाहिर, अचानक ही किसी जवान की मौत की खबर आप जब सुनते हो तकलीफ होती है, अल्लाह उनका वो जहान अच्छा करे। देखो ये गिरिया उजारी या तकलीफ तो होती, सब अपने अपने बोर्डिंग कार्ड पकड़े बैठे हैं। अब यकीन करो किसको ये नहीं पता, एयरपोर्ट है ना दुनिया, एयरपोर्ट है, हर एक फ्लाइट कनेक्टिंग फ्लाइट है, कब किसका बुलावा आए, अनाउंस हो जाए कि ये पीके 709, आप पीके आए हो, अब 709 हो गया है, अब 786 फ्लाइट नंबर पे बैठ के आपने ऊपर जाना, हमारे से पहले जो गए वो हमें रिसीव करेंगे आलम बरजख में, वो थोड़ी देर के लिए जब वो रिसीविंग हो जाएगी फिर आपकी उस सिम कार्ड और ये मामला आपकी बात काट रही हूं, ये मामला अगर याद रहे ना तो हम हर रात सोने से पहले अपने मामलात को दुरुस्त करके सोएं। अल्लाह ताला से मैं जो कहती हूँ ना सॉरी और थैंक यू करके सोना है, वो भी मैं इसीलिए कहती हूँ कि डेली के डेली अपना हिसाब किताब क्लियर कर लें। जैसे आप अगर आपकी कोई शॉप है, दुकान है, बेकरी कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप रात को जब अपनी दुकान शॉप को बंद करते हैं तो आप कहते हैं हाँ भाई ले आओ ज़रा किताब में कॉपी में हिसाब कर लें, आज क्या खोया क्या पाया, कितनी आपको मुनाफा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो आप वो दो और दो चार कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी का भी दो और दो चार हर रोज़ करके सोना है, रात को सोने से पहले जो थैंक यू और सॉरी करना है अल्लाह से, और इस बात का भी करना है कि अल्लाह ताला अगर आज पूरे दिन में मेरे किसी अल्फाज की वजह से, किसी जेस्चर की वजह से, किसी बात की वजह से, किसी काम की वजह से किसी का दिल आजारी हुई, किसी का दिल दुखा, मैंने कुछ ऐसा बुरा किया तो मेरे मालिक मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि क्योंकि कोई नहीं पता, क्योंकि हमारी जो नींद होती है ये हमारी एक मुख्तसर वाली मौत ही होती है, और नेक्स्ट डे हम जागें ना जागें, उठ पाएँ ना उठ पाएँ, कुछ पता नहीं होता। तो रात के रात मेरा तो डेली की ये रूटीन है कि, और इन्हें पता है ये बहुत दफ़ा ऐसा होता है, मैं तस्वीर लेके बैठी होती हूँ के रात को, तो जिस मकसद के लिए बैठी होती है ना वो हमें भी पता है, वो तो भी जाहिर है, मेरे अगर मेरा कोई हेटर है, कोई बदखाया या मेरा कोई दुश्मन है तो मैंने उसकी उनकी जबानें बंद करनी होती हैं, और उसके लिए बेस्ट इलाज ही है सुमन बुकमन उमयन फाहम ला यरजून, या फिर आप पढ़ें रबी मगलूब उन फंतसर, तो फिर मामलात अल्लाह पे छोड़ दें और अल्लाह जाने और वो जाने, और मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह तुझ पे छोड़ा है तो कभी ना छोड़ना, तो वो मामलात वो दुरुस्त हो जाते हैं, इसलिए मैं चिल करती हूँ। अली थैंक यू वेरी मच, कैनेडा से $14 आपने भेजे, और नीचे यूट्यूब ने लिखा है कि सेलिब्रेट द फर्स्ट सुपर चैट फ्रॉम अली, ये पहली दफा आपने भेजा गुब्बारे और उन्होंने वन भी भेजा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, हमने आपके लिए स्क्रीन पे ये फायरवर्क का बंदोबस्त कर दिया है, अल्लाह ताला आपको कभी किसी कमीने का मोहताज ना करे, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके आपके रिस्क में इजाफा हो, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आपके अकाउंट में हो, जिस भी मकसद के लिए दिया कल पूरा हो जाए। थैंक यू अली। और अभी जो माही ने किया था तब भी ये लिखा है, मोहब्बत सचियां ने, ये वो वाली माही थी, नसीब कुछ हो। अच्छा जी, और जजाकला सनी खान कह रहे हैं सलाम, प्लीज मेरे लिए भी दुआ करते हैं, बहुत सारी दुआएं आप तो हैं ही सनी, वो हम यही कर रहे होते हैं ना रात को के चलो कल सॉरी कर लेंगे, अच्छा कोई नाराज है कल मना लेंगे, कल बात कर लेंगे, कल चले जाएंगे, कल बुला लेंगे, तो कल किसने देखी है, डेली के डेली मामला ना कल का पता है। ना कल का पता फिर सोच रहा क्यों बरसों की, तो बरसों की क्यों सोच रहे हैं सर, आज एमिरेट्स में स्कूल टीचर का कितना स्कोप है, IMS एमिरेट्स में अच्छे स्कूल टी बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, आप अगर जॉब आपको मिल जाती है तो बाकी जॉब्स की नस्बत सबसे ज्यादा स्कोप है, बल्कि वो तो मैं कह रहा हूँ पूरा पूरा स्कोप है आइसक्रीम का, आप जरूर ट्राई करें, और दुबई हो या बाहर का कोई भी मुल्क हो, जिसको मेहनत करके खाने की आदत है ना उसके लिए हर मुल्क जो है ना वो सोने की कान है, और जितने काम चोर हैं वो तो कभी भी बाहर जाने का सोचें भी ना, लाखों रुपया भी ज़ाया करेंगे, वक्त भी बर्बाद करेंगे और वापस आ जाएंगे, तो अगर काम करने की आदत है, अगर धूप छांव सह सकते हैं, अगर बाहर जाके भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर दूसरों की बातें बर्दाश्त कर सकते हैं,
तो फिर जरूर बाहर जाएं, आपके लिए दूसरे मुल्क जो है वो आसान रोजी रोटी का। जाहिर मैं कहां से, आप बार बार एक ही मैसेज कर रहे हो, डेट ऑफ बर्थ मत लिखो, शादी में रुकावट ना, उसके लिए प्राइवेट मीटिंग होती है मेरी बहन, ठीक है, तो यहाँ आपको वो बैन ब्लॉक ना मार दें, आप एक ही मैसेज बार बार कर रहे हो, तो इन डेट ऑफ बर्थ का हम कोई जवाब नहीं देते हैं। सुफियान खान कह रहे वाह जी नाइस, थैंक यू, और बाकी तो सब लोग हमारे जवाब दे रहे हैं, सलाम वाला सलामत रखे, गॉर्जियस जी थैंक यू, तलाल हुसैन कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम के आगे सवालिया निशान क्यों, बस अस्सलाम वालेकुम बस काफी है, वालेकुम सलाम तलाल हुसैन, हमने पढ़ लिया और बस देख भी लिया और आगे हम आपको जवाब भी देंगे। रोशन कह रहे सर कैप्रिकॉन के साथ लोग, फिर वही जवाब ही नहीं देना, छोड़ दे छोड़ दे, कैप्रिकॉन के साथ लोग, आपके साथ लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये होता है सवाल। नीडी पीपल थी के फराह, थैंक यू, कैप्रिकॉन के साथ नहीं होता, हर उस अच्छे इंसान के साथ होता है, ये है जवाब, जो सच बोलता है, जो किसी की गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता और उसको मुंह पे जवाब दे देता है कि आप गलत हैं, आपने ऐसा क्यों किया, जिसको खुशामद करनी नहीं आती, जिसको दूसरों की बिला मकसद जो है ना, मतलब के बिना जी जी हाँ हाँ ये सब कुछ करना नहीं आता ना, हमेशा उसी के हेटर्स और दुश्मन और बदखा ज्यादा होते हैं, क्योंकि आजकल का जो जमाना है ना वो सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने के लिए है, बुरा सुनना किसी को पसंद ही नहीं है, तो लोग नहीं सुनना चाहते, ठीक है ये। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही तो है, शुक्र किया करो ना आप इतनी अच्छी हो कि लोग जो है वो आपको बुरा समझते हैं, और आप बुरी नहीं हो रही तब भी शुक्र अदा किया करो कि आप उन जैसी नहीं हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल हर 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 बात में एक पॉजिटिव जो पहलू होता है, कोई जुमला, कोई इंसान, कोई आपका वाकया, कोई हालात, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें से आप चाहेंगे ना तो नेगेटिव पॉइंट निकालेंगे, आप चाहेंगे तो पॉजिटिव निकालेंगे, अब आप पे डिपेंड करता है ना। और अगर हेटर्स हैं तो आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो कि याला शुक्र मैं इस जैसी नहीं बन गई, या मैं इतनी अच्छी हूं कि ये मुझसे जल के और मुझे बुरा कहते हैं। ये तो है, बिल्कुल है, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया, साथ साथ हम आपके मैसेजेस को भी देख रहे हैं, और ये ऑलमोस्ट हमने 3.5 घंटे का शो कर लिया है जी आप लोगों के लिए। ये कौन आ गया भाई, मुझे तो डरा ही दिया आपने, त्राई निकाल दिया हमारा, वो एस्ट्रोनॉट आ गया ना तो मैंने कहा फोटोशूट करना पड़ेगा। अच्छा एस्ट्रोनॉट से पर्दा है आपका, मैंने कहा फोटोशूट। अच्छा ठीक है फोटोशूट, आलो एस्ट्रो कैसी हैं, आपकी तबीयत ठीक है, आपके नहीं है? और बना लेना जरा पोज, ठीक है चलो खत्म हो गया। अच्छा जी मैं इसलिए ये पहन के आई हूँ क्योंकि अभी किसी ने पूछा है, वो मैं बात कर रही थी सुमन बुकमन उमयून फाहुम ला यरजून, ये उनके लिए है जिनके हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं, बदखा बहुत ज़्यादा हैं, दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं, और वो आपकी किरदार कशी करते हैं, आप पे झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, आपको बदनाम करते हैं, या आपके पीछे इतने पड़े हुए हैं कि आप उनसे तंग आ गए, आपको समझ में नहीं आ रही, तो ये 313 बार आपने पढ़ना है, ठीक है, 3 तस्बियां 100 वाली पढ़ेंगे और 313 ऊपर पढ़ेंगे, 313 बार आपने पढ़ना है, ईशा की नमाज के बाद पढ़ लो, और तसव्वुर करो अपने उस हेटर का, उस बदखा का, उस दुश्मन का जिसने आपको तंग किया हुआ, जो आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहा है, जो आपको बर्बाद करने के प्रोग्राम बना रहा है। और देखो कभी कभी ऐसा होता है ना, आप अगर उसको नहीं भी जानते, अगर आप उसके बारे में नहीं जानते, सिर्फ आपको ये पता है कि हाँ कोई है, आप उसके नाम से भी वाकिफ़ नहीं है, बट अल्लाह को पता है, तो आंखें बंद करके तसव्वुर करें और अल्लाह से दुआ करें, तो आप देखिएगा कि अल्लाह पाक उनकी कान और आंखें और मुंह बंद कर देगा और वो आपके खिलाफ बोलना बंद कर देंगे, आपके के लिए प्लानिंग करना बंद कर देंगे, आपको बेसुकून करना बंद कर देंगे, और बहुत आजमूदा है, बहुत आजमाया है, ज़रूर किया करें। और उसके अलावा रब्बेनी मकलूब उन फंतसर वाला भी बताया है, वो भी ईशा की नमाज के बाद ही है, ईशा की नमाज़ पढ़ लेते हैं और आप पढ़ें, और उसका भी इसी तरह है, वो भी 3 तस्बियाँ पढ़नी है आपने, और तसव्वुर करना आँख बंद करके रो के अल्लाह से दुआ करनी है कि मेरे मालिक मैं बेबस हूँ मेरी मदद फरमा, और फिर जब रो के अल्लाह ताला को आप पुकारते हैं अपनी मदद के लिए तो आपकी मदद के लिए आता है, तो फिर चाहे वो कितना भी असर और रसूख वाला आपका दुश्मन है, चाहे कितना नाम है, कितना पैसा है, कितना ताकतवर है, फिर उसका मुकाबला अल्लाह के साथ तो है नहीं है ना, तो वो कभी भी आपके साथ मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो करके देखें इंशाल्लाह, इंशाल्लाह आप देखिएगा दिनों में इनकी ज़बानें बंद होंगी और आपके खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करना बंद कर देंगे, ठीक हो गया जी। बिल्कुल सही है, हाँ। और यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हम बैक पे भी जा रहे हैं,
और मैसेजेस देख लें अगर कोई मैसेज जी कुछ क्या हाल है फैमिली मेंबर्स की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट और ब्लॉक्ड हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कोशिश करें ऐसे लोगों से खुद भी दूर रहें, इनको ब्लॉक बैन करें और इनके साथ कम से कम मिला जुला करें। बिल्कुल रिश्तेदारी ख़त्म नहीं हो सकती, आपका बिल्कुल मिलना जुलना ख़त्म नहीं हो सकता। आप ओपन ना किसी को भी कहें कि आप किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन यह है कि थोड़ी सी दूरी होना ना बड़ा ज़रूरी हो गया आजकल के हालात में। आप जितना ज़्यादा मिलेंगे उतना खुद ही दुखी होंगे, क्योंकि हो सकता है किसी की बातें आपको पसंद ना हो या कुछ भी ऐसा मामला हो कि फिर आप घर आए तो दुखी होके आते हैं, तो फिर बेहतर है कि ना। और मुझे अभी यही हो रहा होता है, फौजिया मलिक आपने लिए दो मैसेज किए हैं और मुझे मेरा कोई जवाब नहीं मिला। चलो मेरा नाम ही ले लो, नाम ले लिया फौजिया मलिक, ठीक है। पहले ये होता था ना कि देखें शुरू में जैसे व्हाट्सएप वगैरह भी अगर आया तो लोगों को बड़ी खुशी होती थी कि सुबह उठेंगे बहन भाइयों से बात होगी, कजन से, दोस्तों से, सबसे बातचीत होगी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ग्रुप बनाने शुरू किए। अब वो ग्रुप एक बड़े अच्छे मकसद के लिए बने थे कि सब अपनी अपनी चीज़ें, अपनी बातें शेयर करेंगे, अच्छी बातें शेयर करेंगे, कुकिंग क्या की वो शेयर कर लेंगे, घर में क्या हो रहा है, कोई नई चीज़ ले आए, कुछ भी ऐसा मामला है तो वो शेयर करेंगे। मगर अब क्या हुआ है, व्हाट्सएप सिर्फ इसलिए रह गया है कि सुबह उठ के कोई भी एक लिखी लिखाई चीज़ जो है वो भिजवा देते हैं सबको, और अपने मुँह से, अपनी ज़बान से किसी को अस्सलाम वालेकुम नहीं कहना, किसी के लिए अच्छी बात नहीं करनी, और दिल आज़ारी का बस जो है बहाना ढूंढना है। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ी सी दूरी बड़ी ज़रूरी है सब ऐसे तमाम लोगों के साथ जो नेगेटिव हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, तो उनसे दूर रहो। थैंक यू वेरी मच लेडीज जेंटलमैन, इस खूबसूरत से शो के लिए बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ बात करके। बस आप गा लें फिर मैं खुदा हाफिज फिर किसी दिन कर लूँगा। हसी रात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से क्या खूबसूरत गाना हमको मिले है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले से। थैंक यू। अब इसमें जाहिर है वो तालियों वाला वो भाग गया, वरना तो तालियां भी हम बजा देते हैं। सब लोग लिख रहे हैं वॉइस बहुत खूबसूरत है माशा, बहुत अच्छे है, जबरदस्त जबरदस्त, सब लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं और माइक भी भेज रहे हैं आपको। और ये माइक ही ले लो ना, आप यहीं रख लो, मैं तो कह रहा हूँ आप यहीं रहें, जो मैं चला जाता हूँ। अंताक्षरी कह लो ना, सब आया करें कॉल में। और आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज नहीं, आज तो बोल ली जाओ तुझे, इतने कहते नहीं मेरे साथ गाए ना गाना आप कौन सा जाने के जिद ना करो। हाँ यूं ही पहलू, अच्छा यूं ही पहलू, यूं ही पहलू में बैठे, पहलू में बैठे रहो। आप उठाइए, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने जिद ना करो, वक्त की कैद में जिंदगी है मगर चंद घड़ियां यही हैं जो आजाद हैं। अच्छा मतलब मैं साथ गाने को कह रही थी और मुझे शुरू करवा करो, चुप हो गए।
चलें जी, थैंक यू सो मच, बस चलते हैं राजा। और थैंक यू वेरी मच इसी गाने के साथ आप लोगों के दिलों पे दस्तक देने के लिए कल के शो में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मेरा बहुत सा प्यार और पामाने खुदा, अल्लाह हाफिज।